Yes, a very, very good evening, everyone, guys. Good evening, good evening. Very quickly, confirm me in the chat box whether I am live or not. Am I audible? Am I visible? फटाफट confirm कर दीजिए chat box में. Like button hit करके confirm कर दीजिए अपना presence so that we can start with the fire pack session of today's particular evening. आज का पूरा evening, आपका पूरा शाम, दिव्या मैम के नाम. आज हम लोग पूरा का पूरा Indian Contract Act का महामैराथन revision करने वाले हैं. And trust me, guys, this particular session will be a game changer. अभी तक अगर आपने Indian Contract Act नहीं भी पढ़ा है या पढ़ के भूल चुके हो, आप बस मेरे संग टिके रहो, जुड़े रहो till the end of the session. पूरा इस session को इतना मजेदार तरीके से, इतना entertaining तरीके से और इतना useful तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपको सारे के सारे provisions आपको revise हो जाएंगे Indian Contract Act 1872 के. So yes, guys, join very very fast. फटाफट जुड़ जाइए. YouTube ने I think अभी तक notification नहीं भेजा है. ये आपका duty है कि आप अपने दोस्तों के संग, अपने भाइयों के संग, बहनों के संग फटाफट ये लिंक को शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग. फटाफट वेरी क्विकली गाइज, शेयर द लिंक विथ योर फ्रेंड्स सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द सेशन. यस, कम ऑन गाइज, क्विकली एंड फटाफट ना सेशन स्टार्ट करने के पहले एक लाइक बटन हिट कर दीजिए. हमारा जो 500 लाइक्स का टारगेट है उसको फुलफिल कर दीजिए. जी दोस्तों, 500 लाइक्स का टारगेट है हमारा, फटाफट फुलफिल कर दीजिए उसको, फटाफट, वेरी क्विकली गाइज, वेरी वेरी क्विकली. और प्लीज कुछ नहीं, एक मोटिवेशन मिलता है हमें और कुछ भी नहीं मिलता आपके लाइक करने से. लाइक करने से पैसा नहीं मिलता है, ठीक है. प्लीज फटाफट लाइक कर दीजिए. मोर देन 350 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी ज्वाइंड इन द लाइव सेशन और मुझे ऐसा लग रहा है कि और भी बच्चे अभी जुड़ेंगे और मैं वेट करूंगी 2-3 मिनट के लिए ताकि सारे बच्चे जुड़ जाए, सारे के सारे बच्चे जुड़ जाए. यस, फटाफट जुड़ जाइए. एकदम पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, खाली पॉजिटिव भरा बात करना है, कोई भी नेगेटिव बात नहीं करना है, ठीक है. एकदम पॉजिटिव भरा बात करना है और पूरा का पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो. हाँ, लाइक बटन हिट करिए. हाँ जी लाइक बटन हिट करिए. लाइक बटन ठोको फटाफट ठोको, वेरी क्विकली गाइज. यस, फटाफट एक बार बच्चों को शाउट आउट दे दिया जाए जब तक बाकी बच्चे जुड़ नहीं जाते हैं. यस, गुड इवनिंग आयुष, इशिता, निशा, वरुण, पवन, रोगोम, हिमांशु, देवी, अभिनय, प्रदीप, तरुण, किलर, मृदुल, स्नेहा, हिमांशु, अभिनय, विशाल, धनश्री, भूमि, आरका, दिव्या दत्ता, बारासरानी, स्नेहा, मृदुल, तरुण, सबको ही अपना अटेंडेंस दे दो, लगा दो भाई. प्रियंका, अमन, प्रशंजीत, विधि, विशाल, पीयूष, आयुष, अमन, निखिल, संस्कार, आशत, प्रेरणा, अंजलि, यस, अमन, नीतू कुमार जी, दीपक, बिहारी लाल, चिराग, अंकित, प्रियंका, स्नेहा, विनीत, एंड टू एवरी वन ऑफ माई स्टूडेंट हु आर प्रेजेंट हियर फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई वेलकम यू ईच एंड एवरी वन हु आर प्रेजेंट ऑन दिस सेशन टुडे. ठीक है, बस मुझे आपसे एक प्रॉमिस चाहिए कि आप मेरा साथ लास्ट तक नहीं छोड़ोगे. यू आर गोइंग टू स्टे ट्यून्ड विद दिस सेशन, चाहे आज 11 बज जाए या 12 बज जाए रात के, आप मेरा साथ नहीं छोड़ोगे. फटाफट मुझे चैटबॉक्स में कन्फर्म करिए कि आप मुझे छोड़कर बीच मझधार में नहीं जाओगे, दिव्या मैम के साथ रहोगे the end of the session. Guys, come on, quickly hit the like button hit karke apna presence show kariye, aur session khatam hone ke baad ek ek bachcha comment karke zarur batana ki aaj ka session kaisa laga. Theek hai, ek motivation milta aur ek positivity aata aur kuch nahi bhai mere dosto. Theek hai, aur main aapko bata du bhai, MEPL में जो है ना लॉ यही है, लॉ कहीं नहीं गया है. यू अंडरस्टैंडिंग, लॉ इज इन आवर ब्लड एंड वी आर गोइंग टू रॉक इट. ठीक है, ये मुझसे कोई नहीं छीन सकता, ये मेरे खून में है, ये मेरे ब्लड में है. आपको समझ में आ रहा है, दिस इज इन माई ब्लड. ठीक है, और मैं आपको बता रही हूँ आज का सेशन जबरदस्त होने वाला है. फटाफट जुड़ जाओ. येस, कम ऑन. आई वॉन्ट अ कमिटमेंट फ्रॉम यू गाइज. आज हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. चलो अभी मेरे को एक कमिटमेंट दो. ऑलरेडी मुझे पता है कि ये जो एग्रीमेंट हम लोग कर रहे हैं ये सोशल मैटर वाला एग्रीमेंट है, बट मुझे अपना एक कमिटमेंट दे दो कि आप ये सेशन टिल द एंड करोगे मेरे संग और आपके इस बीच में ना एक एग्रीमेंट फॉर्म हो रहा है. चलो फटाफट बोलो, अग्री कर रहे हो क्या. मैं सी यू कर दूंगी, बीच में छोड़ के जाओगे मुझे तो. चलो फटाफट लिख दो चैट बॉक्स में, आई एम गोइंग टू सी यू इफ यू आर गोइंग टू लीव मी इन द मिडल ऑफ द सेशन. ओके गाइज, पूरे एंड तक. हाँ, एक भी बच जाए यहीं रहना निखिल, ठीक है. चलो पॉपकॉर्न वगैरह लेकर रेडी रहो. मम्मी को जो है ना बोल दो फोन करके या टेक्स्ट करके कि मम्मी पॉपकॉर्न वगैरह ले आइए, थम्सअप वगैरह, नाचोस वगैरह ले आइए, उसको रेडी रखो. पूरा आज आपको मैं ब्लॉकबस्टर मूवी दिखाने वाली हूँ, समझ में आ रहा है, पूरा ब्लॉकबस्टर मूवी. यस गाइस, कम ऑन, क्विकली. और भी बच्चे जुड़ रहे हैं, जुड़े जा रहे हैं. फटाफट लाइक बटन हिट करिए, लाइक बटन हिट करिए दोस्तों. यस, वसीम, दिव्या, वसुंधरा, शारिक, सोल, साक्षी, शिवानी, यस, गुड इवनिंग एवरीवन. मैंने अभी तक देखा यार बच्चों ने ना मेरा लाइक टारगेट हिट नहीं किया है. 500 लाइक्स का मेरा
टारगेट है लाइव सेशन का, और मैं आपको बता रही हूँ ये पूरा का पूरा सेशन प्लीज लाइव अटेंड करिएगा, क्योंकि रिकॉर्डेड वर्जन में बाद में रहेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, ठीक है? तो प्लीज लाइव ही इसको जो है अटेंड करना सेशन को, इस इल्यूजन में मत रहना कि हम इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में बाद में कर लेंगे। यस, वी ऑल्सो हैव अ स्टूडेंट फ्रॉम बांग्लादेश, मनी, लॉट्स ऑफ लव टू यू मनी, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। यस मनन, यस मनन, निखिल, यस, तन्मोय, श्रुति, चंदना, दीक्षा, लिली। अच्छा, और एक चीज मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना आपको एक गूगल ड्राइव लिंक दिया गया है, ठीक है? सेशन खत्म होने के बाद ना वो लिंक भरिएगा, उसमें अपना करेक्ट ईमेल आईडी फुल करना, फिल इन करना, क्योंकि उसी ईमेल आईडी में, उसी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में ना आपको आज के सेशन के नोट्स शेयर किए जाएंगे। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, वो गूगल ड्राइव लिंक को भरना पड़ेगा, ठीक है? एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको तो ज्वाइन कर ही लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, इसके अलावा ना प्लीज 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 अपना रेटिंग भी दीजिएगा, ठीक है? गूगल जो है ना, हमारा जो गूगल ऐप का उसमें रेटिंग होता है, उसमें रेटिंग भी जरूर जाकर दीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल देना है। ओके गाइस, यस, चलो चलो चलो, लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। काफी बच्चे जुड़ गए हैं, बस आपसे मुझे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लाइक बटन जरूर से ठोक दीजिए, लाइक बटन हिट कर दीजिए, कम ऑन गाइस, हिट द लाइक बटन। नाउ नाउ नाउ, लेट अस स्टार्ट विद द फायर पैक सेशन, ठीक है? द मोस्ट अवेटेड सेशन इज हियर, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एक बार सारे ही बच्चे ना चैट बॉक्स में थम्स अप का साइन दिखा दे, एमईपीएलओपी हो जाए एक बार, एमईपीएलओपी हो जाए एक बार, और हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। एक बार एमईपीएलओपी हो जाए, एक बार एमईपीएलओपी हो जाए। यस अविनाश, सब कुछ होगा, आप टेंशन ना लो मेरे बच्चे, सब कुछ होगा, सब कुछ कवर करवाया जाएगा, फटाफट जुड़ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए। एक बार एमईपीएलओपी, एक बार एमईपीएलओपी लिख दीजिए, ठीक है? और मैं आपको बता रही हूं भाई, मेरा पूरा का पूरा जो समय है, मेरा पूरा का पूरा जो एफर्ट्स है, सिर्फ और सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। मतलब मैंने अपना लाइफ आपको जो है सौंप दिया है पूरा, एक एक वक्त, मतलब मैं यही सोचती रहती हूं कि कैसे बच्चों का बेटरमेंट हो सके, क्या कर सके जिससे बच्चों को फायदा हो, ठीक है? और एमईपीएल हमेशा आपके साथ है, कोई भी आपके ऊपर आंच नहीं आने देगा, ठीक है? सो दिस इज माई प्रॉमिस टू यू गाइज, ओके? चलो, लेट अस किक स्टार्ट विद द सेशन। चलो, अब हो गया, अब हम लोग जो है ना पढ़ाई चालू करते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नोट्स के लिए बीच में प्लीज डिस्टर्ब मत करना, मैंने ऑलरेडी बोला गूगल ड्राइव लिंक है, आप उसमें अपना डिटेल सेंड करना, ईमेल आईडी सेंड करना, आपको तुरंत के तुरंत नोट जाना है। ओके गाइस, चलो फटाफट लेट अस स्टार्ट विद द सेशन, कम ऑन, लेट अस स्टार्ट विद द फायर पैक सेशन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सबसे पहले मुझे ये बताओगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहां पे एप्लीकेबल है? इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। आपको अच्छे से पता होगा कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, पहले एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल हुआ करता था, द रीजन बीइंग आर्टिकल नंबर 370। फिर जैसा कि आपको पता है, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने आर्टिकल 370 का क्या कर दिया, एब्रोगेशन। सो द मोमेंट आर्टिकल 370 गॉट एब्रोगेटेड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिकेम एप्लीकेबल टू द क्या, होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। और जैसा कि आपको पता है भाई, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कितना पुराना एक्ट है, बहुत ही पुराना एक्ट है। यानी आपको समझ में आ रहा है, उस समय का बात करें जब इंडिया को आजादी भी नहीं मिला था, यानी ये ब्रिटिश इंडिया के टाइम का एक्ट है जो चला आ रहा है। तो यानी जाहिर सा बात है कि इसको बनाया भी किसने होगा, ये एक्चुअली ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बाद में बना, इसका पहला नाम था इंग्लिश कॉमन लॉ, ठीक है? इंग्लिश कॉमन लॉ, यानी ब्रिटिश इंडिया के टाइम में इस लॉ को डेवलप किया गया था। और इसको किसने बनाया था, फटाफट चैट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए किसने बनाया था। यस, वेरी गुड, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल किसने बनाया था बताओ, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है? ब्रिटिश इंडिया के टाइम से एक्ट चला जा रहा है, इंग्लिश कॉमन लॉ के नाम से जाना जाता था, एंड लेटर ऑन इट वाज अडॉप्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एज वेल, ठीक है? वैसे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ना 25th of April 1872 में पास हो गया था, बट एक्चुअली इसका एप्लीकेबिलिटी हुआ 1st of September 1872 से, इट बिकेम एप्लीकेबल फ्रॉम 1st of September 1872। सो दिस इज द शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। टोटल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ना हम लोग टोटल सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 75 तक कवर करने वाले हैं आज। सबसे पहले टू स्टार्ट विद, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या होता है। द टर्म कॉन्ट्रैक्ट, द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कॉन्ट्रैक्ट मींस एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, इट्स एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए दो एलिमेंट होना जरूरी है,
सबसे पहला एग्रीमेंट होना जरूरी है. नंबर टू क्या होना जरूरी है? लीगल ऑब्लिगेशन. एग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशन. क्या बोला मैंने बताओ? एग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशन. तो कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या पड़ा? एग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशन. एग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशन. इट हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. एज पर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज एच ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस क्या? लीगल ऑब्लिगेशन. अभी थ्रू विद दिस क्लियर है यहां तक? अब ध्यान से सुनिएगा. सबसे पहले अभी हम लोग क्या डिस्कस करने वाले? एग्रीमेंट का डेफिनेशन. तो एग्रीमेंट का डेफिनेशन मैम कहां है? फटाफट मेरे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में. यस गाइस, बबली, अंकित, दीक्षा, बताओ किस सेक्शन में एग्रीमेंट का डेफिनेशन है? सेक्शन 2 क्लॉज ई. सेक्शन 2 क्लॉज ई ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. एग्रीमेंट होने के लिए ना भाई दो कंडीशन होना जरूरी है. नंबर 1, प्लुरालिटी ऑफ द पर्सन. एक बात बताओ, आप खुद से ही अपने आप एग्रीमेंट कर लोगे क्या? दो या दो से ज्यादा पर्सन होना जरूरी है ना, बिकॉज यू कैन नॉट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद योरसेल्फ. एक बात बताओ, कांच के सामने, आईने के सामने खड़े होकर क्या बोलते हो? आज मैं एग्री करता हूं कि मैं कल से तुमसे ना बेटर होकर दिखाऊंगा. यार इंसेनिटी, लुनेटिक बोलेंगे ऐसे आदमी को. तो ठीक है, कम से कम मिनिमम 2% तो होना ही चाहिए. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्लुरालिटी ऑफ द पर्सन. एंड नंबर 2, एग्रीमेंट का और एक एसेंशियल फीचर क्या है? कॉन्सेंसस एड आइटम. कॉन्सेंसस एड आइटम. व्हेन टू माइंड्स मीट फॉर द सेम पर्पस एट द सेम टाइम फॉर द सेम पर्पस, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सेंसस एड आइटम. व्हेन टू माइंड मीट एट द सेम टाइम एट द सेम थिंग फॉर the same purpose is called as consensus ad item. तो मैंने क्या बोला? Agreement का दो essential feature क्या बोला मैंने? Plurality of the person and number 2 consensus ad item. And as per section 2 clause E, agreement का definition क्या होता है? Every promise and every set of promises forming consideration for each other is called as an agreement. Every promise and every set of promises forming consideration for each other is called as an agreement. अभी through with this clear है यहाँ तक? यानी in short, suppose करो मैंने आपको पूछा ना कि चलो मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं आपको ऑफर कर रही हूँ, आप ये फोन मेरा आईफोन खरीदोगे क्या? आईफोन खरीदोगे 5,000 रुपए में? तो मैंने आपको ऑफर दिया, आपने बोला हाँ मैम खरीदेंगे 5,000 रुपए में, तो ये होगी एक्सेप्टेंस. यानी हमारे दोनों के बीच में क्या होगी? एग्रीमेंट. क्या हो गया बताओ? एग्रीमेंट. प्लुरालिटी ऑफ पर्सन था क्या? हाँ, मैंने आपको ऑफर दिया, खुशी ने बोला हाँ मैम, तो यानी दो बंदे यहाँ पे इन्वॉल्व है. ठीक है, और हमारे दोनों का पर्पज सेम था, फोन को बेचना और आपको फोन को खरीदना. क्लियर है? तो यानी प्लुरालिटी ऑफ पर्सन हुआ है. और दूसरा मैंने क्या बोला? कंसेंसस एड आइटम, यानी मीटिंग ऑफ टू माइंड्स फॉर द सेम पर्पज एट द सेम टाइम फॉर द सेम थिंग, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कंसेंसस एड आइटम. आवी थ्रू विद दिस? बट कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए लीगल ऑब्लिगेशन भी होना जरूरी है. क्लियर है? तो यानी एग्रीमेंट के संग और क्या होना जरूरी है? लीगल ऑब्लिगेशन. व्हाट इज लीगल ऑब्लिगेशन? लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन. इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन. बट सॉरी टू से, दो एग्रीमेंट ऐसे होते हैं ना जहां पर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन नहीं होता है, जहां पर लीगल ऑब्लिगेशन लैक. ठीक है, देर आर टू एग्रीमेंट विच लैक्स intention to create legal relation, which lacks legal obligation. ऐसे कौन से दो agreement है बताओ मेरे बच्चे? Agreement relating to social matter and number 2, domestic arrangement between husband and wife. Agreement relating to social matter and number 2, क्या बोला मैंने बताओ? Domestic arrangement between husband and wife. Suppose करो मैंने आपको promise किया कि आज रात में आ जाना आईनॉक्स में, साथ में मिलकर movie देखेंगे. ठीक है, 7 बजे पहुंच जाना आईनॉक्स में, मूवी देखेंगे. अरे भाई 7 बजे तो मेरा यूट्यूब सेशन है, मैं क्या पहुंच पाई क्या मूवी देखने के लिए? नहीं पहुंच पाई ना. अब मेरा जो फ्रेंड है या मेरी फ्रेंड है मुझे बोल रही है आई एम गोइंग टू सी यू दिव्या, क्योंकि आप मूवी हॉल में नहीं पहुंचे, मैं आपको सी यू करूंगा. क्योंकि हमारे बीच में एग्रीमेंट हो गया था और सेम पर्पज का एग्रीमेंट था, मूवी वॉच करना 7 बजे. लेकिन अगेन आप समझो, ये एग्रीमेंट कैसा है? रिलेटिंग टू सोशल मैटर, जिसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन नहीं था. भले ही हमारे बीच एग्रीमेंट हुआ था बट लीगल ऑब्लिगेशन मिसिंग था, तो हम इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते और इसीलिए मेरे दोस्त मुझे सीयू नहीं कर सकेंगे. सो एग्रीमेंट रिलेटिंग टू सोशल मैटर जो है, वहां पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन नहीं होता. या फिर डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ. घर में देखते होगे अपने मम्मी पापा को, ठीक है, पापा कितने सारे प्रोमिसेस करते हैं मम्मा को, बोलते हैं ना कि यार आज तुम जो है घर में अच्छा खाना बना दो, कल तुमको पिक्चर ले जाऊंगा. फिर जब कल आता है तो आपको क्या करते हैं? ऐसे कर देते हैं. ठीक है, और मम्मी गुस्सा हो जाती है. मम्मी बोलती है अरे पिक्चर दिखाने का वादा किया था बट दिखाया नहीं. पापा आपको बोलते कल दिखा देंगे ना, समझ में आ रहा है? मम्मी को बोलते कल दिखा देंगे, तो कल कभी नहीं आता. तो इसका ये मतलब है क्या भाई कि मम्मी जो है आपके पापा को स्यू कर देगी? सो ये सब डोमेस्टिक अरेंजमेंट है यार. ठीक है, नोक झोंक चलते रहता है हस्बैंड वाइफ के बीच में. इसको लेकर क्या आप कोर्ट में घसीट के ले जाओगे क्या? नहीं ले जा सकते. सो डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, ये भी मेरा क्या है बताओ? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन नहीं है यहाँ पे. भले ही मम्मी पापा के बीच में अग्रीमेंट हुआ था बट देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन. तो
इसीलिए इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते, ठीक है. हेल्ड इन द केस ऑफ बेलफोर वर्सेस बेलफोर, हेल्ड इन द केस ऑफ बेलफोर वर्सेस बेलफोर. बेलफोर वर्सेस बेलफोर में क्या पड़ा था बताओ, हस्बैंड हस्बैंड कहां चला गया काम करने, सीलोन. प्रॉमिस्ड अग्रीड इन राइटिंग टू पे डोमेस्टिक अलाउंसेस टू हिज वाइफ लिविंग इन इंग्लैंड ऑन लर्निंग दैट हिज वाइफ टर्न्ड आउट टू बी अनफेथफुल. ठीक है, क्या निकली मेरे को बताओ, अनफेथफुल, धोखा दे दी. बॉयफ्रेंड था उसका, उसके संग चक्कर चल रहा था, तो हस्बैंड क्या किया बताओ, उसका डोमेस्टिक अलाउंसेस स्टॉप कर दिया, राइट. तो अब वाइफ क्या बोल रही है, तुमने मुझे ना अग्रीमेंट दिया था इन राइटिंग कि तुम मेरा डोमेस्टिक अलाउंसेस पे करोगे, तो यानी इसका ये मतलब हुआ क्या कि वो वाइफ जो है वो हस्बैंड को स्यू कर सकती है. अग्रीमेंट था बट रिलेशन, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन नहीं था. सो डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ में अग्रीमेंट तो था भाई, लेकिन वहां पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन नहीं था. सो हेल्ड इन द केस ऑफ बेलफोर वर्सेस बेलफोर, जो वाइफ है वो हस्बैंड को स्यू कर सकती है कि नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है, बिकॉज दिस वॉज अ मेयर डोमेस्टिक अरेंजमेंट विथ नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, एंड हेंस इट कैनॉट बी कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड हेंस इट कैनॉट बी कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट. आर वी थ्रू विद दिस? यस दीक्षा, वाइफ कैनॉट सी यू. ठीक है, तो ये हो गया मेरा एग्रीमेंट विच आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट विच लैक्स इंटेंशन टू क्रिएट क्या लीगल रिलेशन, एग्रीमेंट विच लैक्स लीगल ऑब्लिगेशन. नंबर वन अग्रीमेंट रिलेटिंग टू सोशल मैटर, एंड नंबर टू क्या बोला बताओ, डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ हेल्ड इन द केस ऑफ क्या, बेलफोर वर्सेज बेलफोर. वाइफ बेलफोर एंड बेलफोर, अरे क्योंकि हस्बैंड भी तो बेलफोर ही टाइटल रहेगा उसका सरनेम, और वाइफ भी क्या, मिसेस बेलफोर और मिस्टर बेलफोर. ठीक है, क्लियर है. वाइफ इंग्लैंड, हस्बैंड कहां पे, सीलोन. आर वी थ्रू विद दिस? तो ये मेरा पूरा ओवरव्यू हो गया. एग्रीमेंट का डेफिनेशन हमने पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन हमने पढ़ा. बताओ मेरे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन कहां लिखा हुआ है, बताओ कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन कहां लिखा है, कम ऑन बग अप गाइस. एज पर सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एनी एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट. आर वी थ्रू विद दिस? एग्रीमेंट होने के लिए बताओ दो एसेंशियल फीचर क्या होना चाहिए. नंबर वन प्लुरालिटी ऑफ द पर्सन, नंबर टू कंसेंसस एड आइडम. क्लियर है, एग्रीमेंट ऐसे दो एग्रीमेंट है जहां पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन नहीं होता, जिसमें पहला क्या, एग्रीमेंट रिलेटिंग टू सोशल मैटर, एंड नंबर टू डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ. आर वी थ्रू विद दिस? ठीक है, अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या एसेंशियल कंडीशन होता है. व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन नंबर 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है. नंबर वन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, प्रॉपर ऑफर और एक्सेप्टेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है इन ऑर्डर टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. नंबर टू लॉफुल ऑब्जेक्ट, नंबर थ्री लीगल कंसिडरेशन, नंबर फोर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, नंबर फाइव लीगल कैपेसिटी ऑफ द पार्टी, एंड नंबर सिक्स फ्री कॉन्सेंट. तो मैंने आपको टोटल कितने पॉइंट्स बताए, 6 पॉइंट बताए इन ऑर्डर टू क्या फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और ये कहां लिखा गया है, सेक्शन नंबर 10 में. तो वापस से मुझे बताओ मैंने क्या बोला, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन नंबर 10, नंबर वन प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, नंबर टू लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लीगल कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, फ्री कॉन्सेंट एंड इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन. तो एग्जाम में अगर मान लो पूछ लिया कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बताओ, सेक्शन के संग लिख कर आएंगे मेरे बच्चे, एज पर सेक्शन नंबर 10. क्या लिख कर आओगे, एज पर सेक्शन नंबर 10. डेफिनेशन जितना भी पढ़ा वो सेक्शन 2 में था, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस सेक्शन में, सेक्शन नंबर 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. गलत सेक्शन एग्जाम में नहीं लिख कर आना है. अगर आपको सेक्शन का नाम याद नहीं है तो एज पर द रिलेवेंट सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लिख कर आइएगा, ठीक है. करेक्ट सेक्शन लिखने से मार्क्स तो एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे, गलत सेक्शन लिखने से मार्क्स जरूर डिडक्ट हो जाएगा. तो अगर बच्चों को सेक्शन याद नहीं होता है तो प्लीज अननेसेसरीली उल्टा फुलटा गलत सलत सेक्शन मत लिख कर आना एग्जाम में भाई, ठीक है. चलो अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऑफर और एक्सेप्टेंस क्या होता है. नाउ लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग, ठीक है, फीचर्स ऑफ अ वैलिड ऑफर एंड अ वैलिड एक्सेप्टेंस. अब एक एक करके हम लोग ना इसका पोस्टमार्टम एनालिसिस करेंगे, ठीक है. ये काफी ट्रेंडिंग में है आपको पता है ना, क्लियर है. तो इन्होंने ऑफर दिया, क्लियर, आई लव यू आतिया, उन्होंने बोला ऑफर एक्सेप्टेड, लेकिन उसका जो पापा है उसने क्या बोला, ऑफर रिजेक्टेड. ठीक है, छोड़ो ये सब जोक्स अपार्ट, ये हम लोग क्लास में बहुत ही डिटेल में और इंटरेस्टिंग वे में हम लोगों ने इसको पढ़ा था, ठीक है. जो बच्चे ऑलरेडी मेरे से पढ़े हैं उन्हें पता है कि हम लोग कितना इंजॉय कर रहे हैं अपने रेगुलर बैच में. ऑलराइट गाइस, चलो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे बताओ क्या, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. क्या स्टार्ट करेंगे बताओ, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है. तो ऑफर कहाँ पे डिफाइन है, सेक्शन 2 क्लॉज ए. एक्सेप्टेंस कहाँ पे डिफाइन है, सेक्शन 2 क्लॉज बी. दिस इज नॉट अ रेगुलर सेशन गोइंग ऑन माइंड यू गाइस, तो थोड़ा सा हो सकता है कि मैं स्पीडली बोल रही हूँ, ठीक है. सो स्पीड तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि मैराथन चल रहा, नहीं तो पूरा सिलेबस रिवाइज कैसे होगा, ठीक है. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट डेफिनेशन विच इज कॉल्ड एज ऑफर. तो ऑफर हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज ए.
ऑफर क्या होता है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटेनेंस इज सेड टू हैव मेक अ प्रपोजल. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? ऑफर. आर वी थ्रू विद दिस? मैम नहीं समझ में आया, सुनो ना, धीरे धीरे चलते हैं. इसी डेफिनेशन को हम लोग ब्रेक कर करके सीखेंगे. तो ऑफर में सबसे पहला चीज क्या बोलता है? ऑफर मस्ट बी फुल एंड फाइनल. टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ऑफर मस्ट बी क्लियर. इट शैल नॉट बी वेक, इट शुड नॉट बी वेक. ठीक है, सिमिलरली जो एक्सेप्टेंस है ना, उसका भी टर्म्स और कंडीशन एकदम सर्टेन होना चाहिए, फुल एंड फाइनल होना चाहिए. आर वी थ्रू विद दिस? फॉर एग्जाम्पल, ए ठीक है प्रोमिसेस बी टू बाय हिज हॉर्स. इफ द हॉर्स प्रूव्स लकी टू मिस्टर ए, देन ही इज गोइंग टू पे अ हायर प्राइस फॉर हॉर्स ऑफ बी. ए ने बोला बी को कि मैं तुम्हारा घोड़ा खरीदूंगा हायर प्राइस पे अगर आपका घोड़ा मेरे लिए लकी प्रूफ हो जाए. डोंट यू थिंक यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ऑफर का, वो कुछ ज्यादा ही अनक्लियर है, वेग है. कोई चीज कितना लकी है, क्या इसका कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन है? एंड व्हाट डू यू मीन बाय हायर प्राइस? द प्राइस व्हिच इज हायर फॉर मी मे नॉट बी हायर फॉर यू. हो सकता है मेरे लिए हायर प्राइस 1 करोड़ है, बट आपके लिए हायर प्राइस 1 लाख रुपया है. समझ मारे? तो कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन हुआ क्या हायर प्राइस का या लकी का? तो आपको नहीं लगता यहाँ पे जो ऑफर है उसका टर्म्स और कंडीशन बहुत ही ज्यादा अनक्लियर है, वेग है, इसलिए हम लोग इसको वैलिड ऑफर नहीं बोल सकते. दिस इज नॉट अ वैलिड ऑफर. और अगर वैलिड ऑफर ही नहीं बना तो कॉन्ट्रैक्ट आगे कहां से बनेगा? पहला ही कंडीशन आपने बोला फुलफिल नहीं हुआ, तो वैलिड ऑफर ही नहीं है तो एक्सेप्टेंस तो दूर का बात. आर वी थ्रू विद दिस? तो टर्म एंड कंडीशंस ऑफ द ऑफर क्लियर है कि नहीं है? नहीं है. वैसे एक्सेप्टेंस जो है ना, उसका भी टर्म्स और कंडीशन एकदम क्लियर होना चाहिए और फुल एंड फाइनल. Now what is full and final? मैंने आपको बोला कि मैं अपना iPhone 5,000 rupees में आपको बेचना चाहती हूँ. ठीक है, यहाँ पे terms and condition clear है क्या? हाँ बिल्कुल clear है. मैंने यहाँ पे amount clearly specify किया 5,000 rupees और ये मेरा phone मैंने आपको दिखाकर पूछा है. So is it a valid offer? Yes, this is a valid offer. आपने बोला yes ma'am I want to purchase. So this is called as acceptance. आपने अपना acceptance दे दिया, यानी आपका acceptance क्या था बताओ? Unconditional, absolute, clear है. लेकिन अगर आपने acceptance के संग condition लगा दिया, clear, या तो आपने बोला कि यार मैम 99% श्योरिटी है कि आपका फोन खरीद लेंगे, लेकिन आई एम अ मम्मास बॉय, मैं मम्मा से पूछकर आपको कल तक कंफर्म करता हूं, तो इसको हम एक्सेप्टेंस नहीं बोल सकते. अगर बाद में जाकर मैंने ये फोन किसी और को बेच दिया ना, कल को आकर आप मेरे को स्यू नहीं कर सकते ये बोलकर कि मैंने आपको 99% श्योरिटी दे दिया था. नहीं हो सकता भाई, एक्सेप्टेंस नहीं किया आपने. एक्सेप्टेंस 100% होना चाहिए. इट शुड बी व्हाट? अनक्वालिफाइड, एब्सोल्यूट. क्लियर है? तो क्या बोला? अनकंडीशनल, एब्सोल्यूट, अनक्वालिफाइड. लेकिन जो ऑफर, इट कैन बी कंडीशनल. मैंने आपको ऑफर दिया कि भाई मेरा आईफोन खरीदेगा क्या 5,000 रुपया में? इसके संग ना ये देखो सुंदर सा कवर दिखाई दे रहा है, ये कवर थाईलैंड का है, बैंकॉक का, ये कवर भी मैं आपको साथ में बेचूंगी, लेना पड़ेगा. तो ऑफर के संग मैं कंडीशन अटैच कर सकती हूँ, बट एक्सेप्टेंस विल नेवर बी कंडीशनल. जैसे ही द मोमेंट आपने एक्सेप्टेंस में कोई कंडीशन लगा दिया, तो इन दैट केस आपको पता है आपने क्या प्लेस कर दिया? यू हैव प्लेस्ड अ काउंटर ऑफर एंड द ओरिजिनल ऑफर प्लेस्ड बाय द ऑफरर लैप्सेस. फॉर एग्जांपल, मैंने आपको पूछा फोन खरीदेगा आईफोन 5,000 रुपए में, आपने मुझे आंसर दिया फोन बेचोगे 4,000 रुपए में, तो आपने कंडीशन अटैच कर दिया. ठीक है, सो इन दैट केस इट बिकम्स अ कंडीशनल एक्सेप्टेंस एंड कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड एज काउंटर ऑफर. ठीक है, यानी ओरिजिनल ऑफर जो मैंने आपको दिया था वो लैप्स हो गया, वो खत्म हो गया, और अब आपने मुझे नया ऑफर दिया, आप बन गए ऑफरर और मैं बन गई ऑफरी. So this is how it is happening. Are we through with this? Clear है? तो क्या बोला? Offer conditional हो सकता है, but acceptance cannot be conditional. It has to be absolute. Clear है? Now both offer and acceptance has to be communicated. ठीक है? Now communication of the offer and acceptance can be either expressed, can be implied. या तो express हो सकता है, या तो implied. Express का मतलब क्या हुआ? By the use of words. It can be either oral, it can be either written. Implied offer or implied acceptance means by the conduct of the party. Implied offer or implied acceptance. For example, मैंने अभी अनाउंसमेंट किया जोर जोर से चिल्लाकर, यूट्यूब में मोर देन 500 पीपल आर वॉचिंग अस, और मैंने आपको बोला यार मैं खुले आलाम आपसे ना जो अनाउंसमेंट कर रही हूँ, मैं आपको ऑफर कर रही हूँ, ये फोन खरीद लो 5,000 रुपए में, मेरा आईफोन बिक रहा है 5,000 रुपए में, खरीद लो खरीद लो खरीद लो. क्लियर है? तो ये मैंने क्या किया, जनरल ऑफर आपको दिया. दिस इज व्हाट आई एम गिविंग यू, अ जनरल ऑफर. आर वी थ्रू विद दिस? तो ये मैंने ओरली पूछा आपको, वर्ड्स यूज करके बोला, तो इसको बोलते हैं एक्सप्रेस. अगर मैंने आपको वाया ईमेल पूछा होगा या खत लिखकर, कबूतर जा च च कबूतर जा, चिट्ठी लिखकर भेज दिया, अरे प्यार का नहीं कॉन्ट्रैक्ट का, समझ में आ रहा है? तो इन दैट केस फोन खरीदने का, सो इन दैट केस क्या उसको ऑफर माना जाएगा? हाँ, उसको एक्सप्रेस ऑफर बोलते हैं. लेकिन फॉर एग्जांपल, बस फ्लाइंग ऑन द रोड, नॉट फ्लाइंग, फ्लाइंग ऑन द रोड. ठीक है, बस फ्लाइंग ऑन द रोड. अभी टेक्नोलॉजी देखो इतना एडवांस हुआ नहीं है, हम लोग सुन रहे कि फ्लाइंग टैक्सीज आएगा, एलॉन मस्क लेकर आएंगे, बट अभी हम लोग यहाँ पे उसका बात नहीं कर रहे हैं. बस फ्लाइंग ऑन द रोड, ठीक है, बस चल रहा है रस्ते में,
तो दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लाइड ऑफर. द मोमेंट द पैसेंजर बोर्ड्स द बस, द मोमेंट द पैसेंजर बोर्ड्स द बस, दैट बिकम्स इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस. ठीक है, अब आपको क्या लगता है, वहां पे जैसे ही आप बस में कभी ट्रैवल किए हो क्या, या मेट्रो में ट्रैवल किए हो, आप मेट्रो में या बस में या रेलवेज में चढ़कर जोर जोर चिल्लाने लगते हो क्या, हाँ मंजूर है मंजूर है मंजूर है, मैंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया. अरे ऐसा थोड़ी करोगे, ऐसा करोगे तो लोग पागल समझ के आपको बस के बाहर फेंक देंगे. यस और नो, क्लियर है? तो इन दैट केस उसको क्या माना जाएगा बताओ, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस. क्लियर है? या फिर आप बोलोगे यार मैंने बस में जो है ना बोर्ड कर लिया, बट मैंने जो है ना एक्सप्रेस नहीं किया था कि मैंने इसको एक्सेप्ट किया है, और अब बस से बिना पैसा दिए उतर के भाग रहे हो, तो भाई आपको स्यू कर सकता है बस वाला. क्लियर? क्योंकि इम्प्लाइड ऑफर, बस फ्लाइंग ऑन द रोड इज एन एग्जांपल ऑफ इम्प्लाइड ऑफर, एंड द मोमेंट द पैसेंजर बोर्ड्स द बस इज एन एग्जांपल ऑफ इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस. ठीक है, तो ऑफर कैन बी, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बोथ कैन बी इम्प्लाइड और एक्सप्रेस. एक्सप्रेस मतलब ओरल और रिटेन, और इम्प्लाइड मींस बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज. आर वी थ्रू विद दिस? क्लियर है? नाउ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके. ठीक है, तो ध्यान से सुनना, बताओ मेरे बच्चे, व्हाट आर द फाइव टाइप्स ऑफ ऑफर, व्हाट आर द फाइव टाइप्स ऑफ ऑफर. नंबर वन जनरल ऑफर, नंबर टू स्पेशल ऑफर, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर. वापस से बोलिए, जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर. नाउ व्हाट इज जनरल ऑफर? अरे भाई जो मैं इतना देर से दे रही हूं, चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख कर आपको बोल रहे हैं, आखिरी मौका है भाई, एक्सेप्टेंस है क्या? चैटबॉक्स में लिखकर बताओ कौन इसको एक्सेप्ट कर रहा है. 5,000 रुपए में आईफोन बिक रहा है, आईफोन 14 मैक्स प्रो, 5,000 रुपए में आईफोन 14 मैक्स प्रो बिक रहा है. जिसको खरीदना है खरीद लो, जिसको खरीदना है खरीद लो. एक बात बताओ, क्या मैंने स्पेसिफिकली किसी का भी नाम लेकर ये अनाउंसमेंट किया, ये ऑफर किया? नहीं ना. सो व्हेन एन ऑफर इज बीइंग मेड टू द जनरल पब्लिक, टू एन अनअसर्टेन्ड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, टू एन अनअसर्टेन्ड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, देन दैट इज कॉल्ड एज अ जनरल ऑफर, दैट इज कॉल्ड एज अ जनरल ऑफर. आर वी थ्रू विद दिस? यस. हाँ, फ्यूचर राइडर बोल रहा है मेरे को खरीदना है, प्रियंका बोल रही है मेरे को खरीदना है, ठीक है, सुधांशु बोल रहा है एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड, बट भाई फोन एक ही है, फोन एक ही है, समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया? जनरल ऑफर. ये क्या हो गया? जनरल ऑफर. लेकिन मान लो मैंने अपने फेवरेट स्टूडेंट को ऑफर देकर पूछा, फॉर एग्जाम्पल सिमरन, मैंने सिमरन को पूछा कि सिमरन आप मेरा फोन खरीदोगे, ये ऑफर सिर्फ आपके लिए, 5,000 रुपए में सिमरन आपको हम अपना फोन बेचेंगे. तो यानी मैंने स्पेसिफिकली एक आइडेंटिफाई किया एक पर्सन को. सो व्हेन द ऑफर इज बीइंग मेड टू अ क्या, स्पेसिफाइड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, टू अनसर्टेन की अनसर्टेन, अनसर्टेन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, दैट इज कॉल्ड एज अ स्पेशल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर. क्या बोलते हैं इसको बताओ? स्पेसिफिक ऑफर और स्पेशल ऑफर. आर वी थ्रू विद दिस गाइस? तो जनरल ऑफर और स्पेशल ऑफर का डिफरेंस आप समझ गए. और आपको याद है एक हमने केस लॉ डिस्कस किया था, कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी लिमिटेड, कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी लिमिटेड. याद है कंपनी ने, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट इशू किया था, क्या, कि वो कार्बोलिक स्मोक बॉल बेच रहे, और कोई भी अगर इसको खरीद कर इन्फ्लुएंजा कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कंपनी उसको क्या करेगा, कॉम्पनसेशन रिवॉर्ड करेगा. फिर एक बूढ़ी औरत, कार्लाइल नाम की बूढ़ी औरत ने क्या किया, उसका स्मोक बॉल खरीदा, एंड शी कॉन्ट्रैक्टेड इन्फ्लुएंसा, एंड देन शी क्लेम्ड अ कंपनसेशन फ्रॉम द कंपनी. कंपनी डिक्लाइंड बोल कर कि ए बूढ़ी औरत तुम्हारे लिए स्मोक बॉल नहीं था, अपना उम्र का तो लिहाज करना चाहिए था स्मोक बॉल यूज करने के पहले. तो क्या बोला गया, हेल्ड इन द केस ऑफ कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी लिमिटेड, कि यस कार्लाइल को जो है ना कंपनसेशन रिवॉर्ड्स मिलेगा. क्यों? क्योंकि जो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया गया था, इट वॉज अ जनरल ऑफर एंड इट वॉज नॉट अ स्पेशल ऑफर. वहां नहीं बोला गया था कि बूढ़ी औरत को यूज करना स्मोक बॉल मना है. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज वॉट, जनरल ऑफर. आर वी थ्रू विद दिस? कोई डाउट है यहाँ तक? तो बताओ जनरल ऑफर क्या होता है, स्पेशल ऑफर क्या होता है, स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है. आर वी थ्रू विद दिस? नाउ व्हाट इज काउंटर ऑफर? जो आप लोग करते हो, डेली करते हो यार, सुधर जाओ, अब तो सुधर जाओ. सब्जी मंडी गए, ठीक है, सब्जी पूरा फाइनलाइज कर लिया, एक झोला भरकर सब्जी खरीदा, 500 रुपीज का बिल बना. सामने वाला बेचारा बोल रहा है सर मैम 500 रुपए का बिल हुआ है, ठीक है. फिर आप उसे दरमुलाई चालू करते हो, क्या बोलते हो, एक काम करो ना यार, इसको 400 रुपया करो, इसको 400 रुपया करो, 100 रुपया कम करो, या यार एक काम करो ना 5 नींबू फ्री में दे दो. समझ मारे? ऑलरेडी भाई बेचारा, आप समझो, आप वहीं पे दबाते हो जहां लोग दबते हैं. क्लियर है? ये सब मत करो यार, छोड़ दो, ठीक है, ये सब चीज के ऊपर उठो, मोह माया के ऊपर उठो. कुछ आप 50-100 रुपए एक्स्ट्रा भी दे दोगे ना इन दीन दुखियारे को, तो इससे भगवान आपका भला ही करेगा, तो इनसे बार्गेनिंग करना बंद कर दीजिए, ठीक है. बट क्या करें यार, मजा ही अलग है बार्गेनिंग करने का, छोटी छोटी चीजों का जो है ना हम लोग को आनंद लेने में मजा आता है. समझ मारे? अब वो सब्जी वाला जो है ना एकदम गर्म हो गया, वो क्या बोल रहा है, नहीं देंगे, नहीं बेचेंगे, जाइए 400 रुपए में आपको सब्जी चाहिए ना, जाइए आगे जाकर खरीदिए, ठीक है. फिर आप डर गए, बोले अरे चलो चलो 500 रुपए में ही दे दो.
अब वो क्या बोल रहे, नहीं देंगे, मेरे ईगो को हर्ट हो गया, मैं दूंगा ही नहीं भाई तुम्हें सब्जी, आई एम नॉट गोइंग टू सेल दिस स्टॉक ऑफ वेजिटेबल एटलीस्ट टू अ पर्सन लाइक यू, समझ में, मैं नहीं बेचूंगा तुमको, मुझे तुम पसंद नहीं हो, क्लियर है? तो यानी ऐसा कर सकता है क्या वो सब्जी वाला? हाँ, क्योंकि द मोमेंट आपने जैसे ही दूसरा ऑफर उसके सामने रखा, जैसे ही आपने कंडीशन अटैच कर दिया अपने एक्सेप्टेंस में, दैट मीन्स यू हैव मेड अ काउंटर ऑफर, यानी अब ऑफरर बन गए आप, और सब्जी वाला कौन बन गए आप, समझ रहे हो? द अदर पार्टी हु कैन एक्सेप्ट योर ऑफर और ही कैन रिजेक्ट योर ऑफर। तो ऑफर करना है, एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना, आप उसके हाथ में है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि तुमने मुझे ऑफर प्लेस किया था, मैंने उसको हाँ कर दिया, भले पहले मैंने रिजेक्ट किया था, डज नॉट मैटर। द मोमेंट यू रिजेक्ट द ओरिजिनल ऑफर बाय प्लेसिंग अ कंडीशन, दैट मींस यू आर मेकिंग अ काउंटर ऑफर। तो जैसे ही ऑफरी places a new offer, the original offer lapses and it becomes a counter offer. The offeree is making a counter offer and now the offeree becomes the offerer and the original offerer becomes a offeree. Are we through with this? So this is called as counter offer. Isko hum log kya bolte batao na? Counter offer. So we have done general offer, specific offer, counter offer. Now talking about cross offer, by chance, theek hai, both the offerer and the offeree are exchanging the same terms and conditions of the contract. That is called as cross offer. ठीक है, मैंने आपको पूछा फोन खरीदोगे आईफोन 5,000 रुपए में, आपने ऑलरेडी ना मेरे को पहले से ही ये ऑफर दे रखा है, ईमेल कर रखा है, मैंने शायद देखा नहीं कि मैम मुझे आपका फोन खरीदना है 5,000 रुपए में, तो यानी हमने दोनों ही पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट ने सेम आइडेंटिकल ऑफर को एक्सचेंज किया, सो दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस ऑफर अननोइंगली, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, क्रॉस ऑफर। आर वी थ्रू विद दिस? Now moving to standing offer. What does the word standing offer means? Standing offer का मतलब हुआ continuing offer. एक ऐसा offer जो क्या रहता है, open रहता है till a certain period of time until and unless the offerer revokes it. जब तक उसको ऑफर रिवोक नहीं करता वो ऑफर खुला हुआ रहता है, सो दैट इज कॉल्ड ए स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग ऑफर। सब्जी वाला, दूध वाला, जो डेली ग्रोसरीज आते हैं आपके घर में, बीबी डेली सब्सक्राइब करके रखा है क्या, तो टेंडर एक आप करके रखते हो ना, टेंडर फॉर द सप्लाई ऑफ द डेली गुड्स, फूल वाला, दूध वाला, न्यूज़पेपर वाला, क्या वो डेली आपसे ऑफर एक्सेप्टेंस लेकर जाता है क्या? डेली सुबह आके पूछते हैं दूध लोगे, आप बोलते हो हाँ, फिर दूध लेते हो, फिर आप उसको बोलते हो कल आना, फिर वो लेकर आता है, कि ये कंटिन्यूइंग ऑफर है, आप डेली हाँ या ना जवाब नहीं देते हो, डेली हम लोग ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं करते हैं, ये एक ऐसा ऑफर है विच इज ओपन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अनलेस द ऑफरर रिवोक्स इट, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, स्टैंडिंग ऑफर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, कंटिन्यूइंग ऑफर। आर वी थ्रू विद दिस? अनलेस द ऑफरर पुट्स एन एंड टू इट, ये ऑफर क्या चलते जाएगा क्या? हाँ, सो दिस कंप्लीट्स योर टाइप्स ऑफ ऑफर। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर, उसके ऊपर आप लिखो आंसर। आर वी थ्रू विद दिस? ऑफर लिख लोगे क्या, कोई डाउट है यहां तक? वापस से सुनो मैंने क्या बोला, ऑफर जो है क्या वो कंडीशनल हो सकता है? चैट बॉक्स में लिखकर बताओ, बिहारी लाल चैट बॉक्स में लिखकर बताइए, यस विधि प्रथम, चलो बताओ चैट बॉक्स में लिखकर, सिमरन बताओ फटाफट, बताओ इशिता बताओ फटाफट, क्या ऑफर के संग कंडीशन लगाया जा सकता है? कैन एन ऑफर बी कंडीशनल? चैट बॉक्स में कम ऑन गाइस, कैन एन ऑफर बी कंडीशनल? वेरी गुड इशांत, यस। कैन एक्सेप्टेंस बी कंडीशनल? क्या आप एक्सेप्टेंस को कंडीशंस में ऐड कर सकते हो? बताओ। नहीं कर सकते। द मोमेंट यू अटैच कंडीशन टू द एक्सेप्टेंस इट बिकम्स क्या, क्वालिफाइड, और कंडीशनल एक्सेप्टेंस एंड कंडीशनल एक्सेप्टेंस लीड्स टू क्या, रिवोकेशन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर एंड इट बिकम्स अ काउंटर ऑफर। आर वी थ्रू विद दिस गाइस? यस। फुल फायर पैक सेशन गोइंग ऑन और नॉट, फटाफट चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। सो टाइप्स ऑफ ऑफर क्लियर है क्या, बताओ? टाइप्स ऑफ ऑफर क्लियर है, देख लो, कार्लाइल वर्सेस कार्बोलेक, स्मोक बॉल कंपनी, ठीक है? नाउ वन मोर थिंग, ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो मैंने आपको बोला कि जो ऑफर है ना वो एक्सप्रेस या इंप्लाइड होता है, बट इफ द ऑफर इज सच वेयर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, देन द ऑफर विल बी वैलिड और कम्युनिकेशन विल आल्सो बी वैलिड। कुछ कुछ ऑफर ऐसे होते हैं ना जिसका एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन करने का दरकार नहीं है, ठीक है? तो क्या उसको वैलिड ऑफर माना जाएगा, वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। याद है इसका भी एग्जांपल, वही कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक, इट वाज अ जनरल ऑफर, वहां पे जो कार्लाइल ओल्ड लेडी है उसको कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी को जाकर हाँ मुझे एक्सेप्टेड है ऐसे चिल्लाना नहीं था, ठीक है? सो इन दैट केस क्या उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा क्या? हाँ माना जाएगा। ऑल्सो हेल्ड इन द केस ऑफ हरभजन लाल वर्सेज हरचरण लाल, हरभजन लाल वर्सेज हरचरण लाल, याद है ना क्या हुआ था? मालिक का जो बेटा है वो खो गया था और उसको सर्वेंट ढूंढ कर ले आया, क्लियर है? अब वहां पे क्या बोला गया कि ऑल दो हमने ये तो पढ़ लिया, ठीक है, कि मेयर साइलेंस जो है ना, अगर मान लो जो ऑफरी है उसने कम्युनिकेशन नहीं किया, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वाज नॉट रिक्वायर्ड, द ऑफर वाज सच वेयर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वाज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि जो मालिक है उसने क्या किया था मेरे को बताओ, क्या किया था उसने? न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया था कि जो मेरे खोए बच्चे को ढूंढ कर लाएगा मैं उसे 1,000 रुपीज अवार्ड मनी दूंगा, रिवॉर्ड मनी दूंगा। इन दैट केस नौकर जो सर्वेंट है अननोइंगली उसके खोए बच्चे को ढूंढ कर ले आया था अननोइंगली, बट उसने जो है टर्म्स ऑफ ऑफर को पढ़ा ही नहीं था, तो ऑल्दो इट वॉज हेल्ड
ठीक है, कि इट वॉज अ जनरल ऑफर जिसमें कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वॉज नॉट रिक्वायर्ड, बट स्टिल यहाँ पे जो है सर्वेंट कैन नॉट सी यू द मास्टर. वाई? बिकॉज ही वॉज अनअवेयर अबाउट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो उसने अगर टर्म्स एंड कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट का पढ़ा ही नहीं तो वैलिड ऑफर हुआ ही कैसे और एक्सेप्टेंस हुआ ही कैसे? आर वी थ्रू विद दिस? अदरवाइज मैंने क्या बोला, व्हेन द ऑफर इज सच वेयर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, इट हैज टू बी एक्टेड अपॉन, देन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट एसेंशियल. आर वी थ्रू विद दिस? हेल्ड इन द केस ऑफ हरभजन लाल वर्सेज हरचरण लाल एंड लालमन शुक्ला वर्सेज गौरी दत्त, सेम टू सेम केस. क्लियर है? ठीक है, देख लो. कार्लाइल वर्सेज कार्बोलिक, कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर में भी जनरल और स्पेसिफिक, बट वेन द ऑफर इज एड्रेस्ड टू एन अनसर्टेन, इट इज अ जनरल ऑफर एंड कैन बी एक्सेप्टेड बाई एनी मेंबर. ठीक है, और एक चीज क्या बोला, जो क्लेमेंट है दे मस्ट हैव अ प्रायर नॉलेज फॉर द रिवॉर्ड बिफोर डूइंग द एक्ट. ठीक है, ऑल राइट. Next, mere silence on the part of the offeree does not amount to acceptance. Mere silence on the part of offeree does not amount to acceptance. Held in the case of kya? Feldhaus versus Bindle. A very popular case law held in the case of Feldhaus versus Bindle. Kya hua tha isme batao? Uncle आए थे घोड़ा खरीदने, ठीक है, नेफ्यू के पास. नेफ्यू का एक स्टर्ड फार्म था, बहुत सारे वहाँ पे हॉर्सेज रहते थे, हॉर्सेज मतलब बहुत खूबसूरत खूबसूरत हॉर्सेज थे, लंबी रेस के घोड़े थे. अंकल बिंडले आए, ठीक है, नेफ्यू के पास क्या खरीदने के लिए, हॉर्स खरीदने के लिए. उन्हें घोड़ा पहली नज़र पे बड़ा पसंद आ गया और बोला ये पहला घोड़ा मेरी पहली नज़र पे, इसको रखो. ऑक्शनर को बोल दिया, ठीक है, कि अगर ऑक्शनर को बोला ये घोड़ा साइड करके रख देना, मैं इस घोड़े को खरीदूंगा. क्लियर है? और फिर उसके बाद उसने बोला If I heard no more about this horse in a period of one week, I will consider this horse to be mine. Clear है? लेकिन अब जो nephew है ना, उसने communication नहीं की acceptance का, उसने कुछ नहीं बोला कि ये जो है ना मुझे मंजूर है, ये horse आपका हुआ. उन्होंने communication नहीं किया. He was silent. Nephew was what? Silent. Mere silence on the part of the offeree does not amount to acceptance. ठीक है? अब वो जो पागल son की auctioner है, उसने पता है क्या किया? उसने घोड़े को बेच दिया और उसी घोड़े को बेचा जो अंकल को पसंद आया था. सो इन दैट केस अब अंकल आग बबूला होकर स्टड फार्म में और बोले नेफ्यू तुमको स्यू करेंगे, ऑक्शनर तुमको स्यू करेंगे. तो अब मुझे आंसर दो, क्या अंकल नेफ्यू को स्यू कर सकता है? फटाफट चैट बॉक्स में लिखकर बताइए, क्या अंकल नेफ्यू को स्यू कर सकता है, हाँ या ना? कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता, बिकॉज मेयर साइलेंस ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफरी डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस. मेयर साइलेंस ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफरी डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस. मेयर साइलेंस ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफरी डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्ट. बोलो मेरे संग, मेयर साइलेंस ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफरी डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस. ठीक है, तो वहां पे उसने जवाब नहीं दिया था कि यस मैंने एक्सेप्ट किया है. सो इन दैट केस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, और अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना तो अंकल नेफ्यू को स्यू नहीं कर सकते. अंकल कैन नॉट स्यू द नेफ्यू. अभी थ्रू विद दिस, सो मेयर साइलेंस ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफरी इज नॉट एन एक्सेप्टेंस. मेयर साइलेंस ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफरी इज नॉट एन एक्सेप्टेंस. However, when the offer is such which has to be acted upon, then communication of acceptance is not required. Held in the case of Harbhajan Lal versus Harcharan Lal. ठीक है, लालमन शुक्ला versus गौरी दत्त. We have discussed it. वही newspaper वाला 1,000 रुपया देगा जो उसके खोए हुए बेटे को रिस्टोर करेगा, और नौकर अनोइंगली उसके खोए हुए बेटे को ढूंढ कर ले आया, बट ही डिड नॉट नो अबाउट द टर्म्स ऑफ द रिवॉर्ड. उसने newspaper पढ़ा ही नहीं था, तो क्या वो स्यू कर सकता है फॉर नॉट गिविंग द रिवॉर्ड? बताओ. अब मास्टर जो है उसने अपने सर्वेंट को रिवॉर्ड नहीं दिया, खाली 100 रुपया पकड़ा दिया, ठीक है, आउट ऑफ हैप्पीनेस. तो क्या वो स्यू कर सकता है? नहीं कर सकता. इवन ऑन लेटर ऑन ही डिस्कवर्स कि देर वॉज अ जनरल ऑफर इन द न्यूज़पेपर, ठीक है, टू रिस्टोर द लॉस्ट सन एंड द रिवॉर्ड मनी वॉज 1,000, बिकॉज द सर्वेंट वॉज अनअवेयर अबाउट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. आर वी थ्रू विद दिस? क्लियर है? देन ऑफर हैज टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर. ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर एक ही नहीं होता है, एक ही बात नहीं होता है. एंड आई एम टेलिंग यू गाइज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आया, स्मार्ट बाजार में बहुत खूबसूरती से रिलायंस ने विंडो डिस्प्ले ऑफ गुड्स कर रखा था, ठीक है, एंड यू नो अबाउट इट और नॉट? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने 43rd एनुअल जनरल मीटिंग में अनाउंस किया है कि इट इज गोइंग टू कम इनटू द एफएमसीजी सेक्टर. वो एफएमसीजी सेक्टर में आने वाला है, यानी बहुत ही जल्द आप टाटा नमक नहीं खाओगे, रिलायंस का नमक खाओगे, रिलायंस का आटा खाओगे, रिलायंस का चिप्स खाओगे. कैंपा कोला इज बैक. अभी थ्रू दिस, तो मान लो स्मार्ट बाजार में बहुत ही खूबसूरती से प्रोडक्ट का क्या किया हुआ है, डिस्प्ले किया हुआ है अलोंग विद द प्राइसेस मार्क्ड ऑन इट. विंडो डिस्प्ले ऑफ द गुड्स विद द प्राइसेस मार्क्ड ऑन इट. तो क्या हम इसको ऑफर बोल सकते हैं? इट इज नॉट एन ऑफर गाइज, इट इज नॉट एन ऑफर, इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर. मेयर विंडो डिस्प्ले ऑफ द गुड्स विद और विदाउट द प्राइस मार्किंग ऑन इट कैन नेवर बी रिगार्डेड एज ऑफर, बट इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर. आपको आकर्षण किया जा रहा है कि आप आइए मेरे प्रमाइसेस में और मुझे ऑफर दीजिए, और मुझे करना या ना करना वो मेरी मर्जी. दुकान में गए, बोले भाई ये सामान दीजिए ना, ठीक है, जो आपने टंगा रखा है अपने डिस्प्ले में,
तो सामने वाला दुकान वाले का क्या जवाब था जानते हो? नहीं बेचेंगे। बोला क्यों, लगा क्यों रखे हो, दुकान क्यों खोल के बैठे हो? आप मारने पीटने पे आ गए। दुकानदार को बोल रहे हो यार तुमको अगर सामान नहीं बेचना है मेरा कीमती समय क्यों बर्बाद किया? नहीं बेचेंगे मेरा मन, सोनवर है। सो इन दैट केस आप ये नहीं बोल सकते हो कि आपने ऑफर किया और मैंने एक्सेप्ट किया। यू आर मेकिंग एन ऑफर और उसने आपके ऑफर को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि विंडो डिस्प्ले ऑफ गुड वॉज नॉट एन ऑफर, इट वॉज एन इन्विटेशन टू ऑफर। इट इज इंड्यूसिंग द कस्टमर टू कम एंड गिव द ऑफर टू अस। अभी थ्रू विद दिस गाइस, क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है ना, समझ में? अब वैसे ही सपोज करो आप स्मार्ट बाजार में गए, ठीक है, बहुत लंबा लाइन था, वेडनेसडे ऑफर चल रहा था, क्लियर है। आप अपना जो ट्रॉली है वो लेके खड़े थे, 2 घंटे तक लाइन में खड़े रहे। 2 घंटे बाद आपका जो है ना नंबर आया बिलिंग का। अब वो जो बिलिंग काउंटर में बंदा बैठा है वो बोल रहा है सॉरी सर कल आइएगा फिर से, ठीक है, आज हम आपको सामान नहीं बेच सकते, मेरी गर्लफ्रेंड वेट कर रही है, मेरा टाइम हो गया है, ठीक है, आई एम क्वाइट बिजी, प्लीज एक्सक्यूज मी। तो इन दैट केस आपको गुस्सा आएगा क्या? गुस्सा आएगा क्या बताओ? गुस्सा आएगा क्या? भयानक गुस्सा आएगा, आग बबूला हो जाओगे, सामान वगैरह पीटने लग जाओगे, फेंकने लग जाओगे। भाई इमोशंस अपनी जगह है, लॉ अपनी जगह है, आप सामने वाले बंदे को स्यू नहीं कर सकते क्योंकि सामने वाले बंदे ने आपको कोई ऑफर नहीं किया, बल्कि आप वो जो ट्रॉली लेके खड़े हो ना आपने उसे ऑफर किया है, और ऑफर को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना उसकी मर्जी, द बॉल इज इन हिज कोर्ट। सनमार है, सो यानी उसने रिजेक्शन ऑफ द ऑफर कर दिया, और अगर ऑफर को रिजेक्ट कर दिया तो एक्सेप्टेंस हुआ नहीं, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, तो आप उसको स्यू नहीं कर सकते। बताओ आर वी थ्रू विद दिस ऑर नॉट? क्लियर है यहाँ तक? तो सबसे पहले पॉइंट मैंने क्या बोला बताओ, विंडो डिस्प्ले ऑफ गुड जो है वो क्या है बताओ? इनविटेशन टू ऑफर, क्लियर है, या फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट, या फिर क्या बोला? डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट, समझ में आ रहा है? प्रथम आया, फॉर एग्जांपल प्रथम है, प्रथम, ठीक है, प्रथम बहुत ही यू नो होनहार बच्चा है, बहुत ही हैंडसम बच्चा है, और मतलब अभी जस्ट उसका नया नया सीए जो है ना क्लियर ही हुआ है और उसका जॉब लग गया मान लो कहीं, क्लियर, बहुत ही अच्छी जगह काम कर रहा है। अब उसके घर में अचानक से सपोज करो उसकी कोई फ्रेंड है, उसकी मम्मी आई प्रथम की मम्मी को मिलने, और आपस में दोनों जन बात किए जा रहे, बोले भाभी जी प्रथम तो बड़ा ही यू नो इंटेलिजेंट और सुशील लड़का है। फिर मम्मी भी चालू हो गई, अरे हाँ इतने कम उम्र में इतना लंबा एम्पायर खड़ा कर दिया, अपने पैरों पे खड़ा हो गया, मतलब मैं तो बहुत ही भाग्यवान हूँ कि मुझे ऐसा बच्चा नसीब हुआ है। और प्रथम अपने पेरेंट्स का भी, मेरा भी बहुत इज्जत करता है, अपनी बहन का भी बहुत ख्याल रखता है, सब कुछ उसका तारीफ के पुल बांधने लग गया। सर मेरे मम्मी ने अपने बेटे का तारीफ का पुल बांधना चालू कर दिया। अब सामने वाली जो है ना वो क्या बोल रही है, उसकी एक बेटी थी बहुत खूबसूरत सी, बोले हाँ रिश्ता मंजूर है भाभी जी, रिश्ता मंजूर है, रिश्ता पक्का समझिए। फिर अब प्रथम की मम्मी का क्या रिएक्शन था, क्या बोल रहे भाभी जी, मैंने आपको रिश्ता के लिए थोड़ी ऑफर किया है, मैंने कोई ऑफर थोड़ी किया अपने लड़के के लिए, इनविटेशन टू ऑफर है, कल ऑफर लेकर आइएगा तब सोचेंगे, अभी लड़के की उम्र ही क्या है, समझ में आ रहा है? तो इसको ऑफर नहीं बोला जाएगा, इन्विटेशन टू ऑफर, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। अब वो अलग बात है, प्रथम इज नॉट अ प्रोडक्ट, ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। अब जैसे सपोज करो आप कोई भी मान लो आप स्मार्ट बाजार में गए या रिलायंस डिजिटल में गए, फोन लेकर आए आईफोन, आईफोन का पूरा फीचर्स बताया जा रहा है, ठीक है, कि इतना पिक्सल कैमरा है, इतना जीबी रैम है, स्मूथ विंडो डिस्प्ले है, एचडी क्वालिटी वीडियो दिखाई देगा, क्लियर। तो आप बोल रहे हो पैक कर दो वाला फोन, अरे फोन आउट ऑफ स्टॉक है सर, मैं तो ऐसे ही बता रहा था, समझ में? तो मेयर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स इज नॉट एन ऑफर, इट्स एन इनविटेशन टू ऑफर। अभी थ्रू विद दिस, तो आप उसको ऑफर समझ के कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अनाउंसमेंट ऑफ द ऑक्शन सेल इज अगेन एन इनविटेशन टू ऑफर एंड इट्स नॉट एन ऑफर। प्रोस्पेक्टस विच इज एन इनविटेशन टू द जनरल पब्लिक टू कम एंड सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। प्रोस्पेक्टस के एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी इन्वाइट कर रहा है, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव बायर को कि आप आकर हमारी कंपनी के शेयर्स को खरीदिए, सब्सक्राइब करिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम आपको ऑफर कर रहे हैं। प्रोस्पेक्टस इज एन इन्विटेशन टू ऑफर एंड कैन नॉट बी कंफ्यूज विद द टर्म ऑफर। फिर जब शेयर मनी वगैरह आप सबमिट करते हो, एप्लीकेशन मनी सबमिट करते हो, एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, तो आपने एज अ जनरल पब्लिक कंपनी को ऑफर किया है। अब कंपनी को उसको एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना उसकी मर्जी। देखते हो ना कितनी बार जब शेयर्स कम पड़ता है तो जो पैसा है एप्लीकेशन मनी उसको रिफंड भी किया जाता है, शेयर अलॉटमेंट नहीं होता उन्हें, क्लियर है। तो प्रोस्पेक्टस अगेन इज वॉट, इन्विटेशन टू ऑफर एंड कैन नॉट बी कंफ्यूज विद ऑफर। आई थ्रू विद दिस, तो इन्विटेशन टू ऑफर में 4 चीज बताइए क्या क्या होता है। नंबर 1 विंडो डिस्प्ले ऑफ गुड, नंबर 2 डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट, नंबर 3 अनाउंसमेंट ऑफ ऑक्शन सेल, नंबर 4 प्रोस्पेक्टस। अभी थ्रू विद दिस गाइस, फटाफट देख लीजिए। वन मोर थिंग, ऑफर का ना एक प्रेस्क्राइब मोड और प्रेस्क्राइब टाइम जो है वो ऑफरर बता सकता है। इफ द ऑफरर हैज प्रेस्क्राइब्ड एनी मोड एनी टाइम ऑफ द एक्सेप्टेंस, देन द ऑफरी मस्ट एक्सेप्ट द ऑफर इन दैट पर्टिकुलर मोड एंड दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। अगर उस पर्टिकुलर मोड में और उस पर्टिकुलर टाइम में ऑफरी एक्सेप्ट नहीं करता है तब ऑफर क्या हो जाएगा, रिजेक्ट, लैप्स। अभी थ्रू विद दिस गाइस, क्लियर है। नेक्स्ट, ऑफर बाई पोस्ट एंड ऑफर, क्या बताओ, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस थ्रू पोस्ट एंड थ्रू टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन। तो बाई पोस्ट में क्या बोला, ऑफर कब से चालू हो जाएगा बताओ, व्हेन द ऑफर विल स्टार्ट, व्हेन द ऑफर विल स्टार्ट, ऑफर कब से स्टार्ट हो जाएगा बताओ, व्हेन द ऑफर विल स्टार्ट, ऑफर ऑफर कब स्टार्ट होगा और कब कंप्लीट होगा, ऑफर विल बी कंप्लीटेड व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी।
ऑफर स्टार्ट कब होगा? जब मोमेंट आपने लेटर को पोस्ट कर दिया है. और कंप्लीट कब होगा बाई पोस्ट? जब ऑफरर के पास पहुंच गए. ठीक है, अब ऑफरर के पास मौका है. ऑफरर को कब रिवोक कर सकता है? ऑफरर कैन रिवोक द ऑफर बिफोर द ऑफरी हैज पोस्टेड द एक्सेप्टेंस. समझ में आ रहा है? अगर एक बार उसने पोस्ट कर दिया अपना एक्सेप्टेंस, खत को पोस्ट कर दिया, ऑफरर अपना ऑफर को रिवोक नहीं कर सकता. क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके पास लेटर गया, मैंने आपको ऑफर दिया मेरा आईफोन खरीद लीजिए 5,000 रुपीज़ में. आपने लेटर खोलकर पढ़ना चालू किया, अभी आपने एक्सेप्टेंस नहीं दिया. एक्सेप्टेंस लिखा है, यस. लेटर बनाया, अभी पोस्ट ऑफिस में डालने जा रहे हो, बट डाला नहीं है. और मैंने आपको कॉल करके बोल दिया वो लेटर फाड़ के फेंक दीजिए, मैंने ऑफर को रिवोक कर दिया, तो वैलिड क्या? हाँ, वैलिड. समझ में आ रहा है? यानी इन दैट केस इनवैलिड. ऑफर बिकम्स इनवैलिड, माय कंटेंशन इज वैलिड. क्लियर है? यानी मैं ऑफर रिवोक कर सकती हूँ बिफोर द ऑफरी हैज क्या पोस्टेड द एक्सेप्टेंस. अभी थ्रू विद दिस क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर. और ऑफरी एक बार पोस्ट कर दिया तो ऑफर रिवोक नहीं कर सकता, लेकिन ऑफरी रिवोक कर सकता है कि आपने एक्सेप्टेंस को. कब तक कर सकता है? बिफोर इट रीचेस द ऑफरर, बिफोर द एक्सेप्टेंस हैज रीच्ड द ऑफरर. अगर ऑफरर के पास एक बार आपका एक्सेप्टेंस पहुंच गया, उसने रीड कर लिया, तब आप अपने आप एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते. आर वी थ्रू विद दिस? एंड व्हेन यू आर डूइंग ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाया टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, बोथ द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हैज टू बी डन इन द सेम टेलीफोनिक कॉल, इन अ सिंगल कॉल. मान लो मैंने आपको ऑफर दिया, सब कुछ समझाया, कॉल गॉट डिस्कनेक्टेड, आपने फ्रेश न्यू कॉल में मुझे हाँ बोला, नहीं चलेगा. ऑफर और एक्सेप्टेंस बोथ मस्ट हैज टू बी डन इन अ सिंगल टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन. आई थ्रू विद दिस गाइज? तो ये हो गया क्या? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस थ्रू पोस्ट, एज वेल एज क्या बताओ, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस थ्रू टेलीफोनिक कन्वर्सेशन. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस both has to be done on a single call. Agar call disconnect ho gaya, we have to start over again. Are we through with this? Held in the case of Kanhaiya Lal versus Dineshwar Chandra. Clear hai kya yahan tak batao? Koi doubt? Lapse of offer, section number 6. Lapse of offer kab ho jayega batao? Very easy. Offer kab lapse ho jayega? Bahut zyada easy hai batao. Offer kab lapse ho sakta hai? Isse easy question hi nahi hoga batao. When the offer can lapse? Number 1. Theek hai, agar maan lo offerer ne prescribed mode aur prescribed time diya tha, us prescribed time aur mode mein jo offeree hai usne offer ko accept nahi kiya, ya fir reasonable mode and reasonable time if no mode and no time was given in the contract. Clear hai? To ek cheez ye ho gaya. Ya fir ऑफरी ने रिजेक्ट कर दिया, तभी तो खत्म. मैंने पूछा फोन खरीदोगे 5,000 में, आपने बोला नहीं खरीदना है, हमें नहीं चाहिए आपकी अमीरी. समझ में आ रहा है? सो इन दैट केस आपने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया. या फिर ऑफरर या ऑफरी डाइज, ठीक है, दोनों में से कोई भी चला गया ऊपर. क्लियर? या फिर क्या बोला मैंने बताओ, जैसे ही ऑफरी कंडीशंस लगा देता है, सो इन दैट केस इट बिकम्स अ काउंटर ऑफर एंड द ओरिजिनल ऑफर डाइज, लैप्सेस. यानी इन केस ऑफ काउंटर ऑफर, या फिर कोई कंडीशन अटैच था और कंडीशन फुलफिल टू बी क्या fails to be fulfilled by the offeree. Are we through with this guys? Clear hai? Dekh lo, acceptance ka valid rules already maine padha hai, absolute hona chahiye, communicated to the offeree in a prescribed mode, prescribed time, silence, no acceptance by conduct, implied. Clear hai? Are we through with this? Theek hai, koi bhi doubt hai to puch sakte ho, batao. Ab iske baad hum log legal consideration start karenge. बट इसके पहले मुझे आप बताइए यहाँ तक पूरा क्लियर है क्या? एक बार फटाफट मेरे को बताओ पूरा क्लियर है. एक्सेप्टेंस का क्या क्या फीचर्स पड़ा? एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, अनक्वालिफाइड, कम्युनिकेशन टू द ऑफरी प्रेस्क्राइब मोड में, प्रेस्क्राइब टाइम में, साइलेंस डज नॉट लीड्स टू एक्सेप्टेंस, साइलेंस ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफरी डज नॉट लीड्स टू एक्सेप्टेंस, हेल्ड इन द केस ऑफ फेल्टहाउस वर्सेज बिंडले. बट इफ द ऑफर इज सच, ठीक है, जिसके लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड बट हैज टू बी एक्टेड अपॉन, तब चलेगा. क्लियर है? जो कि मैंने बताया था कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक में और हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल में. इट कैन बी ऑल्सो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, बस फ्लाइंग ऑन द रोड इम्प्लाइड ऑफर, द मोमेंट द पैसेंजर बोर्ड्स अ बोर्ड इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस. आई थ्रू विद दिस गाइस? कोई भी डाउट है तो पूछो, बताओ क्लियर है कि नहीं? टाइप्स ऑफ ऑफर क्लियर है? टाइप्स ऑफ ऑफर क्लियर है? आई थ्रू विद दिस? टाइप्स ऑफ ऑफर क्लियर? Now we'll start with what? Consideration. अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बताओ? Consideration. Section number बताओ consideration का. Yes. यार कैसे बेशरम हो, लाइक बटन तो हिट करो, फुल एनर्जी के संग तुम लोग को पढ़ा रहे हैं. लाइक बटन हिट कर दीजिए जिनको लेक्चर पसंद आ रहे हैं. हाँ जी बताओ 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 बताओ. क्लियर है क्या? Very good, very good. Are you guys enjoying the session? Come on, tell me in the chat box. मजा आ रहा है कि नहीं बताओ? समा बांध दिया गया है कि नहीं बताओ? रंगीन शाम, रंगीन आप और रंगीन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, रंगीले नोट्स, ठीक है, मजा ही मजा. बताओ 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 बताओ, चैट बॉक्स में लिखकर बताओ.
और जिन बच्चों ने ना अभी तक लाइक बटन हिट नहीं किया, कृपया लाइक बटन हिट कर दे, और आज के सेशन खत्म होने के बाद जरूर जरूर चैट बॉक्स में लिखकर बताइएगा मजा आया कि नहीं। बोलो बोलो बोलो, यस वेरी गुड, बच्चों ने जो है ना चैट में बाढ़ लगा दी है, आग लगा दी है। सेक्शन 2 क्लॉज डी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन करता है किसको, बताओ किसको डिफाइन करता है? वेरी गुड, कंसिडरेशन। किसको डिफाइन करता है? कंसिडरेशन, सुपर्ब सुपर्ब। अब हम लोग पढ़ेंगे कंसिडरेशन क्या होता है, ठीक है? तो एक एक करके पहले हम लोग ना कंसिडरेशन का सबसे पहले मैं डेफिनेशन आपको बता देती हूँ, फिर एक एक करके उसका पोस्टमार्टम एनालिसिस करेंगे, एक एक फीचर्स को हाईलाइट करेंगे। ध्यान से सुना, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज डी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन समथिंग और एब्सटेंड फ्रॉम डूइंग समथिंग, डज समथिंग और एब्सटेंड फ्रॉम डूइंग समथिंग, प्रोमिसेस टू डू समथिंग और एब्सटेंड फ्रॉम डूइंग समथिंग, सच एक्ट और एब्सटेंस इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन फॉर द प्रोमिस। Are we through with this or not, guys? Tell me. Section 2, Clause D. Section 2, Clause D. Fatafat bolo. When at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing something, does something or abstains from doing something, promises to do something or abstains from doing something, such act or abstinence is called as consideration for the promise. Act matlab karna, abstinence matlab nahi karna. Karna ya nahi karna. Karna ya nahi karna. Clear hai? Yes, very good, Chirag. Karna ya nahi karna. Theek hai? क्लियर है? कोई डाउट है? चलो अब एक एक करके एसेंशियल फीचर्स को जो है ना हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। बताओ सबसे पहला फीचर क्या है? सबसे पहला फीचर क्या है? ध्यान से सुना, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। मैम आप मुझे अपना आईफोन दे दीजिए, मैं आपको बहुत इज्जत दूंगा, मैं आपको शोहरत दूंगा, चांद ले आऊंगा, तारे तोड़ लाऊंगा। यार अभी वो एक गाना बड़ा हिट हुआ है ना, क्या क्या एक गाना है ना, क्या चांद तोड़ लाऊंगा फलक से, याद नहीं आ रहा मेरे को, जरा हटके जरा वाला एक मूवी आया ना, झटके हटके, जिसके ऊपर एक ऐसा डांस वाला सीन भी है, मतलब बहुत हिट हो रहा है, उसमें बहुत सारे रील्स बन रहे, उसमें वो हीरोइन को प्रॉमिस कर रहा है ना, प्रॉमिस कर रहा है ना हीरोइन को, क्या प्रॉमिस कर रहा है, क्या प्रॉमिस कर रहा है? चांद ले आएगा, तारा ले आएगा। भाई ये सब कंसिडरेशन नहीं होता रियल लाइफ में, ना इज्जत मांगता ना शोहरत मांगता, सोनमारे पैसा मांगता, अपन को पैसा मांगता, रियल कंपिटेंट, इट शुड नॉट बी इल्यूजनरी, इट शुड नॉट बी वेक, रियल चीज मांगता। ये सब जो आप बोलते हो ना, इज्जत दे देंगे, प्यार दे देंगे, चांद ले आएंगे, तारे ले आएंगे, ये सब झूठे हैं, झूठे वादे मत किया करो। कंसिडरेशन में ये सब काउंट होता है कि नहीं होता? नहीं होता। सुन मारे अपने को असली का पैसा मांगता, दैट इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कंसिडरेशन। सो कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, शुड नॉट बी इल्यूजनरी, कंसिडरेशन मस्ट बी कंपिटेंट। क्लियर है? आर यू कंपिटेंट टू ब्रिंग स्टार एंड मून्स ऑन द अर्थ? है क्या एस्ट्रोनॉट हो क्या? ले होगे एस्ट्रोनॉट भी नहीं लाकर आ सकते हैं सर धरती पे। क्लियर है? तो अपन को क्या मांगता? रियल 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 कंसिडरेशन मांगता। क्लियर है? तो कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, कैन नॉट बी इल्यूजनरी, इट मस्ट बी कंपिटेंट। अभी थ्रू विद दिस, कंसिडरेशन कैन मूव एट द डिजायर, ऑलवेज मूव्स एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। क्लियर है? कंसिडरेशन शुड बी क्या बताओ? रियल कंपिटेंट, मूव्स एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। क्लियर है? Are we through with this? Batao. It must be something in return, real, competent. Consideration cannot be unlawful, immoral or opposed to public policy. मैंने बोला यार मेरा फोन खरीद लो ना, फोन ले लो, फोन ले लो, फोन ले लो। आप क्या बोल रहे हो पता है? फोन के बदले में मैम आपको पता है क्या देंगे? पता है क्या देंगे आपको फोन के बदले में? बताएं। फोन के बदले में बोल रहा है कि आपको वो देंगे, ऐसे सूंघ लेते ना, एनर्जी आ गया सूंघने से। अरे नहीं चाहिए सब, बताओ YouTube प्लेटफॉर्म में आकर मेरे को ये सब ऑफर कर रहा है? पूरा ड्रग्स देंगे, गांजा देंगे, अफीम देंगे, चलेगा क्या ये सब? नहीं चलेगा, अनलॉफुल है भाई तुम्हारा कंसिडरेशन। समझ रहे? तुमको भी जेल होगा, मेरे को भी जेल होगा। तो ये सब कंसिडरेशन मेरे को नहीं चाहिए, जो कि क्या है मेरे को बताओ? अनलॉफुल है या फिर इमोरल है या फिर क्या? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। समझ मारे? जो पब्लिक पॉलिसी के अपोज है। तौबा तौबा, नहीं चाहिए मुझे ये सब चीज, अनलॉफुल, इमोरल, अश्लीलता नहीं चाहिए या फिर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। सो इट शुड नॉट बी क्या? अनलॉफुल, इमोरल या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। हेल्ड इन द केस ऑफ चेन्नैया वर्सेस रमैया, हेल्ड इन द केस ऑफ चेन्नैया वर्सेस रमैया, कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, हेल्ड इन द केस ऑफ चेन्नैया वर्सेस रमैया, कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, हेल्ड इन द केस ऑफ चेन्नैया वर्सेस रमैया। चेन्नैया वर्सेस रमैया में क्या हुआ था? एक बड़ी ही बदमाश बेटी थी और बदमाश बेटी की बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ ने और बदमाश बेटी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसमें लिखा गया था कि बूढ़ी माँ बदमाश बेटी को अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगी, लेकिन जो कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है वो जाएगा उसके भाई को, यानी बूढ़ी माँ के भाई को। लेकिन ना प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के बाद बूढ़ी माँ, क्योंकि बूढ़ी थी, उसका स्वर्गवास हो गया, भगवान के पास चली गई, तो
बदमाश बेटी, उसका टैग ही है बदमाश बेटी। तो बदमाश बेटी क्या ना बोल रही है, प्रॉपर्टी तो यार मेरा हो ही गया, बूढ़ी माँ ने दे दिया, अब हम मामा जी को ना, यानी उसका जो अंकल था, समझ में आ रहा है, उसका भाई, समझ रहा है, मम्मी का भाई, क्या बोल रही है, हम उसको जो है कंसिडरेशन वगैरह देने वाले नहीं है, क्लियर है। एंड हु इज मामा जी, ही इज अ स्ट्रेंजर, ठीक है, ये स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, उनको नहीं मिलेगा कंसिडरेशन। सो हेल्ड इन द केस ऑफ चिन्नैया वर्सेस रमैया, कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, भले ही उसके जो मामा जी हैं और जो स्वर्गवासी माता जी है उनके जो, समझ रहे हो, भाई जी हैं, भले ही वो स्ट्रेंजर है, लेकिन कंसिडरेशन जो है स्ट्रेंजर को पे किया जा सकता है, क्लियर है। सो देर कैन बी स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन, आर वी थ्रू विद दिस, क्लियर है। तो इसको बोलते कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ओल्ड लेडी सोल्ड द प्रॉपर्टी टू द डॉटर, द कंसिडरेशन ऑफ विच वॉज पेबल टू द ओल्ड लेडीज ब्रदर आफ्टर द डेथ ऑफ द ओल्ड लेडी, द डॉटर रिफ्यूज टू पे द कंसिडरेशन टू अर अंकल, इट वॉज हेल्ड बाई द कोर्ट दैट अंकल को क्या मिलेगा, कंसिडरेशन मिलेगा, ही इज एंटाइटल टू द कंसिडरेशन एंड डॉटर विल हैव टू पे बिकॉज कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, हेल्ड इन द केस ऑफ क्या, चिन्नैया वर्सेज रमैया, हेल्ड इन द केस ऑफ चिन्नैया वर्सेज रमैया, साउथ इंडियन नाम लग रहा है ना, बोलो ना मेरे संग, चिन्नैया वर्सेज रमैया, आज पूरे घर में ना सभी को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा दो, ठीक है, बोलो मेरे साथ, चिन्नैया वर्सेज रमैया, अभी थ्रू विद दिस, क्लियर है, कोई डाउट है, ध्यान से सुनना, consideration may or may not be adequate, there cannot be any question on the adequacy of the consideration, consideration mangta real mangta hona chahiye, clear hai, can move from one person to another, lekin maan lo maine aapko bola phone 1 rupya mein bechenge, mazak karte ho kya ma'am, 1 rupya kahe ka consideration, samajh mein aa raha, free mein bech do na, अरे फ्री में नहीं बेच सकते, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन 1 रुपया भले ही इनएडुकेट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। सो कंसिडरेशन एडुकेट भी हो सकता है, इनएडुकेट भी हो सकता है, 1 रुपया में भी मैं आपको अपना फोन अगर ट्रांसफर करती हूँ तो इसको वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा, लीगल कंसिडरेशन माना जाएगा, एंड इट विल सेटिस्फाई द फीचर ऑफ द क्या, एलिमेंट्स, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन नंबर 10। सो एडुकेसी ऑफ द कंसिडरेशन कैन नॉट बी क्वेश्चन, कंसिडरेशन कैन बी एडुकेट कैन बी इनएडुकेट, आर वी थ्रू विद दिस, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, बट इसका कुछ कुछ एक्सेप्शन है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, बट क्या इसका कुछ एक्सेप्शन है, हाँ एक्सेप्शन है ना, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट बट इसका कुछ एक्सेप्शन है, फॉर एग्जाम्पल एक बाप अपने बेटे को फ्री में प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्या बताओ ये कहाँ का रूल है, सुन मारे, out of natural love and affection when you are transferring the property to your near and dear one without consideration it is a valid contract। तो अगर आपके पिताजी आपको आउट ऑफ लव आउट ऑफ प्यार आपको प्रॉपर्टी वगैरह ट्रांसफर कर दे रहे हैं, आपसे रिटर्न में कुछ नहीं चाह रहे, खाली प्यार चाह रहे, ठीक है, कि उनके बूढ़े के सहारे बनना, क्लियर है, सो इन दैट केस क्या उसको वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा क्या, जी हाँ बिल्कुल माना जाएगा, अभी थ्रू विद दिस, या फिर कंप्लीटेड गिफ्ट, कंप्लीटेड गिफ्ट बोले तो गिफ्ट डीड, अगर मैंने आपको कुछ गिफ्ट किया, भले हमारे बीच में कोई रिलेशन नहीं है, एक बात बताओ क्या खून का रिश्ता सारा रिश्ता होता है, मेरे और मेरे स्टूडेंट्स के बीच में ना बहुत ही गहरा रिश्ता है जो शायद ही कोई समझ पाएगा, क्लियर, आई लव यू गाइज मैडली एंड डीपली, आई मीन लव विथ यू गाइज मैडली एंड डीपली, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट, क्लियर है, मेरे लिए सबसे पहले मेरे लाइफ में सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे हैं, मेरे स्टूडेंट्स है, क्लियर है। तो मैंने ना समझ लो कोई गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट कर दिया आपके नाम पे, मैंने अपना प्रॉपर्टी वगैरह ट्रांसफर कर दिया गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट करके, तो क्या यहाँ पे आपने मुझे रिटर्न में कुछ दिया क्या, नहीं, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट बट दिस इज अगेन एन एक्सेप्शन। तो या तो बाप ने बेटे को फ्री में प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, या मैंने आपको कोई गिफ्ट डीड वगैरह देकर जो है ना प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, अगर ऐसे ही करेंगे ना विदाउट रिलेशन तो हो सकता है कि आप बोलोगे यार मैम ये तो आपने ऐसे ही दे दिया, बाद में मेरे से वापस ले लोगे, तो जब भी मैं ऐसा कुछ ट्रांसफर करूँ ना मेरे से गिफ्ट डीड साइन करवा लेना, गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट करवा लेना, अभी थ्रू विद दिस, या फिर पेमेंट फॉर वॉलेंट्री सर्विसेज, पेमेंट फॉर क्या, वॉलेंट्री सर्विसेज डन इन द पास्ट विच इज कॉल्ड एज वॉट, पास्ट कंसिडरेशन, पास्ट कंसिडरेशन इज अ वैलिड कंसिडरेशन इन इंडिया, बट बाहर में इंग्लैंड में इट्स नॉट अ कंसिडरेशन, इंडिया में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों कंसिडरेशन वैलिड होता है, बट अगर आप इंग्लैंड का बात करो ना वहाँ पास्ट कंसिडरेशन इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। नाउ व्हाट इज दिस पास्ट कंसिडरेशन, पास्ट कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है बताओ, व्हाट डज द वर्ड पास्ट कंसिडरेशन मीन्स, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ना मेरे घर में बहुत बड़ा सारा आग लग गया था, ठीक है, अब मैंने देखा यार मेरे सारे बच्चे जो है ना मेरे सारे स्टूडेंट आ गए आग को बुझाने के लिए, समझ में आ रहा है, हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि मेरे बच्चे कूद कर आग बुझाने आएंगे क्या, नहीं, सब अपना घर बार छोड़कर दूर दूर से पानी वगैरह लेकर आ रहे हैं, मैम के घर में फेंक रहे, बोल रहे
लीटर मैम हम आपका आग बुझा देंगे, और बुझा भी दिया फॉर्चुनेटली। और मैंने ना अपनी खुशी से आप सभी को ना गिफ्ट रिवॉर्ड्स दिया, समझ मारे, एक सोने का सिक्का दिया सबको, जितने भी स्टूडेंट्स आए थे सबको एक एक सोने का सिक्का मैंने बांट दिया। तो एक बात बताओ कि हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट बना था क्या? नहीं। तो आपने ये जो किया ये वॉलंटरली किया। अब मैंने जब रिटर्न में आपको सोने का सिक्का दे दिया ना, तो एक कंसिडरेशन दे दिया आपको, ठीक है। आपने रिटर्न में अभी तो कुछ मुझे नहीं दिया, वो पास सर्विस था। अब भाई हमारे बीच में जो बन रहा है वो प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। अब मैं कल को आकर क्लास में बोल रही हूँ यार सोने का सिक्का दिया था रिटर्न करो, आप नहीं करोगे, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, क्लियर है। सो दैट इज कॉल्ड एज पेमेंट फॉर वॉलंटरी सर्विसेज, ठीक है, या फिर पेमेंट ऑफ टाइम बार डेट। व्हाट इज टाइम बार डेट? ठीक है, वक्त ने डेट को मार डाला, वक्त ने डेट को मार डाला, क्लियर है। अगर टाइम बार डेट हो गया, फॉर एग्जाम्पल कोई भी, मतलब सपोज करो मेरे को आपसे जो है ना, मैंने आपको लोन दिया था, क्लियर है, लोन का ड्यू डेट ओवर हो चुका है, अभी तक आपने मुझे पैसा वगैरह वापस नहीं दिया, ठीक है, और वहां से 3 साल भी पास हो गया, तो यू नो दैट और नॉट, 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द मैच्योरिटी ऑफ द लोन आई कैन नॉट सी यू आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 3 years पीरियड बिकॉज दैट डेट हैज बिकम टाइम बार्ड, क्लियर है। मैं 3 साल बाद जो है ना फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिकवरी ऑफ द लोन आई कैन नॉट गो अगेंस्ट यू, आई कैन नॉट गो इन द कोर्ट ऑफ लॉ टू सी यू, मैं आपको सी यू नहीं कर सकती। बट मान लो वॉलंटरली आप आकर मुझे बोल रहे हो दिव्या मैम अब हम अच्छा खासा कमाने लग गए हैं और मुझे बहुत ही अफसोस है कि आपको मैंने जो ना जो लोन लिया था वो मैंने डिफॉल्ट किया था, बट मैं अपनी मर्जी से आपको, भले ही मेरा डेट टाइम बार्ड हो गया, मैं आपको चुकाना चाहता हूँ, तो हमारे बीच में क्या बन गया, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जबकि अभी प्रेजेंट में कोई कंसिडरेशन नहीं है, क्लियर है। या फिर क्रिएशन ऑफ एजेंसी, क्रिएशन ऑफ एजेंसी, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये बेसिकली ना इंटर्न्स लोग के लिए होता है, अप्रेंटाइसेस लोग के लिए होता है, हु आर द अप्रेंटाइस, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में काम करते हैं। अब मैंने मान लो किसी को रखा अपने अंडर, उसको सिखाने के लिए, काम सिखाने के लिए, उसको ट्रेनिंग करने के लिए विदाउट एनी सैलरी, तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है क्या? हाँ, वो मेरा काम कर रहा है, मैं उसे कोई कंसिडरेशन नहीं दे रही हूँ, बट देर इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अस, अभी थ्रू विद दिस। देन ग्रैटिट्यूअस बेलमेंट, ग्रैटिट्यूअस बेलमेंट, कभी 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 हम लोग क्या करते हैं ना, अपने दोस्त को कभी फ्री में गाड़ी दे देते यूज करने, कभी फ्री में अपना नोटबुक दे देते यूज करने, तो ग्रैटिट्यूअस, समझ में आ रहा, ग्रैटिट्यूअस क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, ग्रैटिट्यूअस बेलमेंट बोलते हैं। बेलर कौन हो गया? मैं, जिसने अपना गाड़ी फ्री में सामने वाले को यूज करने दिया, यूज करने दिया, ओनरशिप मेरे पास ही है। और बेली हो गया जो फ्री में यूज कर रहा है, तो मेरा सामान फ्री में यूज कर रहा है, फिर मुझे रिटर्न कर देगा, क्लियर है। तो यहाँ पे भले कंसिडरेशन नहीं है बट स्टिल इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, आई थ्रू विद दिस और नॉट गाइस। तो वापस से मेरे को बोलो नो कंसिडरेशन, ये अलग से शॉर्ट नोट आता है एग्जाम में, नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द एक्सेप्शन टू इट? नंबर 1 प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन इन नियर एंड डियर रिलेशन, नंबर 2 गिफ्ट डीड कंप्लीटेड गिफ्ट, नंबर 3 पेमेंट आउट ऑफ वॉलेंट्री सर्विसेज फॉर वॉलेंट्री सर्विसेज, पेमेंट फॉर टाइम बार डेट, क्रिएशन ऑफ एजेंसी, या बोला ग्रैटिट्यूअस बेलमेंट, गुड्स विच हैज बीन गिवन टू यूज फॉर फ्री बाय द बेलर टू द बेली, ठीक है। भले ही कोई कंसिडरेशन नहीं है बट क्या उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा क्या? हाँ, ठीक है। ये पूरा मैंने इसके ऊपर आपको वीडियो वगैरह भी दिखाया था। ऑलराइट गाइस, वापस से बोलो, व्हाट आर द 3 types ऑफ कंसिडरेशन? क्या क्या? पास्ट, प्रेजेंट, ये मेरा प्रेजेंट है, ओके, क्या क्या बोला बताओ? प्रेजेंट कंसिडरेशन, पास्ट कंसिडरेशन, फ्यूचर कंसिडरेशन। प्रेजेंट मतलब क्या? मैंने आपको फोन दिया, आपने मुझे 5,000 रुपए दिया, प्रेजेंट हो गया ना। पास्ट का मतलब जो भी मैंने बोला, पेमेंट फॉर वॉलंटरी सर्विसेज, ठीक है। आग आपने पास्ट में बुझाया था, आज खुश होकर मैंने आपको जो है ना एक सोना दे दिया, चांदी का सिक्का दे दिया, ये सब क्या हो गया? पास्ट। और फ्यूचर का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आप मुझे जो है ना, सपोज करो मुझे कोई एक बहुत बड़ा गाड़ी वगैरह बुक करना है जो अभी मार्केट में ही नहीं है, आप बोलो प्री बुकिंग करना पड़ेगा, प्री बुकिंग में आपने मुझसे रुपया ले लिया बट अभी तक मुझे गाड़ी का डिलीवरी नहीं दिया है, क्लियर है। मुझे टेस्ला का ऑटो ड्रिवन कार जो है ना वो चाहिए, उसका प्री बुकिंग हो गया है बट अभी तक गाड़ी नहीं मिला है, तो वो क्या हो गया? फ्यूचर कंसिडरेशन। आर वी थ्रू विद दिस गाइस? आर वी थ्रू विद दिस? क्लियर है? क्लियर है? कोई भी दिक्कत है? क्लियर? मैंने ऑलरेडी बोला पास्ट कंसिडरेशन इज नॉट अ कंसिडरेशन एज पर द इंग्लिश लॉ। एक बात बताओ, कंसिडरेशन का डेफिनेशन हमने कर लिया क्या? हाँ, वेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, डज समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, प्रोमिसेस टू डू समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, सच एक्ट ऑर एब्सटेंस इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन फॉर द प्रोमिस। क्लियर है? कंसिडरेशन ऑलवेज मूव्स एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, कंसिडरेशन शुड बी ऑलवेज मोर देन व्हाट द प्रोमिसर इज ऑलरेडी लीगली एंटाइटल्ड टू डू, यू नो दैट और नॉट? एक नेवी शिप का एग्जाम्पल दिया था क्लास में कि वो जो नेवी ऑफिसर था उसका ड्यूटी था शिप को पोर्ट में लेकर आने का, उसने बीच ही रस्ते से कॉल करके बोला हम शिप नहीं लाएंगे, उसको अनाउंस किया गया शिप ले आओ तुमको हम इनाम देंगे 2,00,000 रुपया का, बट वो जब शिप लेकर आया 2,00,000 रुपया उसे नहीं दिया गया बल्कि उसका कोर्ट मार्शल कर दिया गया, क्योंकि वो उसको ऑलरेडी ड्यूटी था कि नेवी शिप को वो पोर्ट में लेकर आए। सो क्लियर है? कंसिडरेशन शुड बी ऑलवेज मोर देन व्हाट द प्रोमिसर इज लीगली लायबल टू डू। आर वी थ्रू विद दिस? क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन क्लियर है एकदम? व्हाट इज कंसिडरेशन? कोई डाउट नहीं है? वापस से सुन लो क्या बोला।
consideration moves at the desire of the promiser. Clear है? Consideration can be of three types: present, past, future. Future को executory भी बोलते हैं. Consideration का adequacy या inadequacy matter नहीं करता है. Clear है? फिर हमने क्या बोला? Consideration should be real and something in return should not be unlawful, immoral or opposed to public policy. Consideration moves at the desire of the promiser. ठीक है? Consideration can move from one person to another. It should be something more than what the promiser is already liable to do. Are we through with this? No consideration, no contract, but then there are certain exceptions to that which we have already discussed. बताओ कोई डाउट है क्या यहाँ तक? क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. क्या डिस्कस करेंगे बताओ? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है? एज पर द डॉक्ट्रिन ऑफ द प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देर कैन नॉट बी स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट. देर कैन नॉट बी स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट विच मीन्स वॉट? कॉन्ट्रैक्ट इज अ वेरी प्राइवेट अफेयर बिटवीन द टू पार्टी. नाइदर द स्ट्रेंजर कैन स्यू द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नॉर द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू द स्ट्रेंजर. इट इज अ वेरी प्राइवेट अफेयर गोइंग ऑन बिटवीन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट. ना बाहर वाले स्यू कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज वाले को, ना पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट बाहर वाले को स्यू कर सकते हैं. बाहर वाला कॉन्ट्रैक्ट में कूदा कूदी नहीं कर सकता, दखल अंदाजी नहीं कर सकता. ठीक है? तो इसको बोला गया है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है? बट देर इज एन एक्सेप्शन टू इट. देर कैन नॉट बी आउटसाइडर टू द कॉन्ट्रैक्ट, बट देर इज एन एक्सेप्शन टू इट. देर कैन बी आउटसाइडर टू कंसिडरेशन, बट देर कैन नॉट बी आउटसाइडर टू कॉन्ट्रैक्ट. ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है. सनमार है? क्लियर है? ये बहुत बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आता है. देर कैन बी आउटसाइडर टू कंसिडरेशन. बोला था ना, हेल्ड इन द केस ऑफ चेन्नई वर्सेस रमैया, कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, बट देर कैन नॉट बी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट. बट देर आर सर्टन एक्सेप्शन. इसका भी एक्सेप्शन है. इसको हम बोलते हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इसका एक्सेप्शन क्या है, ध्यान से सुनना. सबसे पहला बेनिफिशियरी. सबसे पहला क्या बोला? बेनिफिशियरी. ठीक है? फिर दूसरा फैमिली सेटलमेंट. क्लियर है? तीसरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज इन केस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. ये मतलब एक बहुत ही अच्छा प्रोविजन दिया गया है फीमेल लोगों को, फीमेल डॉटर को. जनरली फीमेल्स वगैरह जो है उनको पार्टीशन वगैरह में ना प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता, लेकिन ये बोला गया ऑन द ओकेशन ऑफ द मैरिज अगर कोई भी फीमेल डॉटर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है तो उसका लायबिलिटी किसके कंधों पे पड़ेगा? मेल, मर्दों के ऊपर पड़ेगा, घर के मर्दों के ऊपर. मेल मेंबर्स ऑफ द एचयूएफ विल बी लायबल फॉर दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट विच हैज बीन एंटर्ड बाय द डॉटर इन द इवेंट ऑफ द मैरिज. क्लियर है? जैसे सपोज करो आप डॉटर ने जो है ना बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया, बोला डिजाइनर लहंगा चाहिए, मनीष मल्होत्रा के संग कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, दो दो तीन तीन करोड़ का लहंगा ऑर्डर कर दिया. अब उसको पैसा चुकाने का लायबिलिटी किसका हो जाएगा? मेल मेंबर्स ऑफ द एचयूएफ का हो जाएगा. आर वी थ्रू विद दिस? या फिर क्या बोल लो बताओ? और एक चीज बताओ मेरे को, क्या बोला मैंने? दो तीन पॉइंट अभी तक बताया. एक क्या बोला बताओ? बेनिफिशियरी वाला पॉइंट बोला, बेनिफिशियरी जो है वो आउटसाइडर हो सकता है. दूसरा क्या बोला मैंने बताओ? दूसरा मैंने बोला फैमिली सेटलमेंट. ठीक है? फैमिली सेटलमेंट मतलब समझ गए ना, प्रॉपर्टी वगैरह का बंटवारा हो रहा है तो सबको मिलेगा ना भाई. क्लियर है? या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मैरिज. या फिर आबेल मुझे पुकार. आबेल मुझे पुकार का मतलब एक्नॉलेजमेंट ऑफ द लायबिलिटी. मान लो दो दो आदमी जो है वो लोग लड़ाई कर रहे कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, तीसरा के बोल रहा है यार मैं दे दूंगा इसका पैसा, इसे लड़ाई मत करो मेरे से ले लेना. तो आप खुद ही आप बोल रहे हो, एक्नॉलेज कर रहे हो कि मैं इसका लायबिलिटी चुकाऊंगा. सो यानी आप लायबल हो गए. अगर आप कल को लायबिलिटी चुकाने से मुकर जाते हो, द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट द ग्रीव्ड पार्टी कैन सू यू. आर वी थ्रू विद दिस ऑर नॉट? सो दैट इज कॉल्ड एज वॉट? एक्नॉलेजमेंट ऑफ द लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल और एजेंट. क्लियर है? एजेंट भले ही कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया बट प्रिंसिपल विल बी हेल्ड लायबल. अब जैसे आपको समझ में आ रहा है, एमईपीएल में बहुत सारे बच्चे अभी जबरदस्त यार बच्चों का रिस्पांस आ रहा है, मैं क्या ही बताऊँ. फेस टू फेस एडमिशन्स हो या फिर लाइव फ्रॉम होम एडमिशन्स हो, फाउंडेशन का बैच हमारा इंटर का बैच बहुत ही अच्छी अमेजिंग तरीके से चल रहा है. तो अब एडमिशन डिपार्टमेंट में आपको क्या लगता है, मैं बैठकर एडमिशन ले रही हूँगी? नहीं ना, मैं तो पढ़ा रही हूँ, मैं लेक्चर्स के दौरान बिजी हूँ. एक एक दिन में 4 to 5 लेक्चर्स फेस टू फेस चल रहा है, फिर घर आके जो यूट्यूब में लाइव सेशंस वगैरह होता है आपके रिविजन के लिए वो अलग चल रहा है. समझ मार है? तो इन दैट केस आप मुझे बताओ, हमारा जो एजेंट है वो एडमिशन ले रहे हैं ना हमारे बिहाफ में, लेकिन अगर कल को कुछ होता है तो लायबिलिटी किसका, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका? प्रिंसिपल का. मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अभी थ्रू विद दिस? क्लियर है? कॉन्ट्रैक्ट मेरे और आपके बीच में नहीं हुआ था, मेरे एजेंट और आपके बीच में हुआ था. और गड़बड़ी तो देखो होना ही नहीं है, बिकॉज एमईपीएल इज इक्वल टू क्या बताओ? स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. यस गाइज, तो ये हो गया क्या बताओ? एक्सेप्शन टू द प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आता है. एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ द प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. या फिर पूछता है कंसिडरेशन, मैंने बोला ना नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, बट उसका एक्सेप्शन बताओ. तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना. आर वी थ्रू विद दिस? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है? देर कैन नॉट बी स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट विच मीन्स वॉट? नाइदर द स्ट्रेंजर कैन स्यू द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नॉर द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू द स्ट्रेंजर, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इज अ प्राइवेट अफेयर बिटवीन द पार्टीज. क्लियर है? बट अगेन देर इज एन एक्सेप्शन टू इट. 5 एक्सेप्शन हमने पढ़ा, बेनिफिशियरी वाला,
प्रिंसिपल और एजेंट वाला, आ बेल मुझे पुकार, एक्नॉलेजमेंट ऑफ द लायबिलिटी, या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में फीमेल का एक्सपेंसेस, मैरिज एक्सपेंसेस हैज टू बी बोर्न, ठीक है, बाय द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, या फिर फैमिली सेटलमेंट का एग्जांपल बताया. आर वी थ्रू विद दिस गाइस? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, फटाफट बताओ. क्लियर है यहां तक? सो दिस कंप्लीट्स योर लीगल कंसिडरेशन. हाउ इज द सेशन गोइंग ऑन? कम ऑन, टेल मी गाइस, फटाफट. थक गए क्या? इतना में ही थक गए क्या? बताओ. एनर्जी लेवल एकदम हाई होना है, थकना नहीं है, समझ मारे? थकना नहीं है भाई, थकना नहीं है, एकदम मस्ती करना है, थकना नहीं है, समझ मारे? एकदम थकने नहीं देंगे, एकदम थकने नहीं देंगे. चलो मेरे संग एक डीप ब्रेथ लो, चलो ब्रीद इन, कम ऑन. ये नॉर्मल एक्सरसाइजेस वगैरह करना पड़ता है कितनी बार. ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, स्ट्रेच योर सेल्फ, यस, एंड योर बैक. चलो लेट अस स्टार्ट विद लीगल कैपेसिटी, एकदम विद फुल एनर्जी, विद फुल एनर्जी, कम ऑन गाइस, फुल एनर्जी, फुल एनर्जी, फुल एनर्जी, फुल एनर्जी, यस. बग अप योर सेल्फ, सिट स्ट्रेट एवरीवन, सिट स्ट्रेट, एकदम एकदम सीधा हो जाओ, सीधा हो जाओ. लेट लुटा के मत पड़ो. जो बच्चे गद्दे में आराम से लेट के अपनी जिंदगी का मजा उठा रहे हैं, कृपया उठ जाइए, कृपया उठ के बैठिए, उठ के बैठिए, उठ के बैठिए, हाँ जी उठ के बैठिए. ये लेटा लुटी नहीं चलेगा. यू हैव टू बी वेरी मच एक्टिव, यस गाइस, यू हैव टू बी वेरी वेरी मच एक्टिव, यस. चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, यस, वेरी गुड. शारी, कार्चित, सुधांशु, वरुण, सुपर्ब, 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 सुपर्ब. चलो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सेशन ऑफ क्या, लीगल कैपेसिटी. जबरदस्त मजा आने वाला है लीगल कैपेसिटी में, ठीक है. लीगल कैपेसिटी में ना क्या बोला गया, ध्यान से सुनना. लीगल कैपेसिटी में ये बोला गया है, लीगल कैपेसिटी में ये बोला गया है कि एवरी पर्सन इज लीगली एंटाइटल्ड टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट 3%. 3% का लीगल कैपेसिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, यानी दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. हु आर दीस 3%? पगला बच्चा, पर्सन डिस्क्वालिफाइड, समझ मारे? क्या बोला बताओ मैंने? पगला बच्चा आतंकवादी, पगला बच्चा आतंकवादी. चलो मेरे साथ करो, पगला बच्चा आतंकवादी, करो मेरे संग एक्शन. पगला बच्चा आतंकवादी, पगला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लुनाटिक. बच्चा को क्या बोलते हैं? माइनर, ठीक है. और उसके बाद क्या बोला? आतंकवादी. आतंकवादी मतलब क्या? पर्सन डिस्क्वालिफाइड, खतरनाक लोग, पर्सन डिस्क्वालिफाइड. अभी थ्रू विद दिस, पगला बच्चा आतंकवादी, पगला बच्चा आतंकवादी, बोलो मेरे संग जोर जोर चिल्ला के बोलो, पगला बच्चा आतंकवादी, पगला बच्चा आतंकवादी. पगला मतलब माइनर, नहीं, पगला मतलब लुनाटिक, बच्चा मतलब माइनर, ठीक है. लुनाटिक, माइनर, पर्सन डिस्क्वालिफाइड, लुनाटिक, माइनर, पर्सन डिस्क्वालिफाइड. क्या बोला बताओ? लुनाटिक, माइनर, पर्सन डिस्क्वालिफाइड, लुनाटिक, माइनर, पर्सन डिस्क्वालिफाइड. आर वी थ्रू विद दिस गाइस? आर वी थ्रू विद दिस गाइस? क्लियर है? बताओ मजा रहे कि नहीं भाई, बताओ. चलो बताओ, माइनर कौन होता है? बोलो माइनर कौन होता है मेरे बच्चों? बताओ, आप ही तो माइनर हो. 18 साल की उम्र से कम हो क्या? बताओ कितने बच्चे यहाँ पे 18 साल के नीचे हैं? हाथ उड़ाओ. कितने बच्चे 18 साल के नीचे? हाथ उड़ाओ. माइनर हैज नॉट बीन डिफाइंड एनी वेयर इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. माइनर का डेफिनेशन ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, बल्कि माइनर का डेफिनेशन इंडियन मेजोरिटी एक्ट में लिखा है. कहाँ लिखा है मेरे बच्चे? इंडियन मेजोरिटी एक्ट, इंडियन मेजोरिटी एक्ट, ठीक है, 1875. एज पर इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875, माइनर इज अ पर्सन हु हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18 years, but if he has lived under the court of wardship, then he is a minor till he has attained the age of 21 years. वैसे तो भाई 18 साल का होता है, लेकिन अगर आपने बचपन में कोई बहुत ही बुरा कर्म कांड करके बैठा हुआ है और आप जो है ना बाल सुधार गृह में गए हुए हो, यानी कि कोर्ट ऑफ वॉर्डशिप में गए हो, तब 21 साल तक आपको माइनर माना जाएगा, क्योंकि आप खतरनाक बच्चे हो भाई, कौन रिस्क लेगा, समझ में आ रहा है? 5 साल की उम्र में टीचर के ऊपर कॉम्पास घोप दिया, क्यों? क्योंकि टीचर ने टिफिन नहीं खाने दिया, समझ में? ऐसे डेंजरस बच्चों के लिए माइनर का जो एज है ना वो बढ़ा दिया गया है, वो 18 की जगह 21 इयर्स कर दिया गया है भाई, ऐसे लोगों से दूर रहिए. माइनर के लिए भयानक भयानक प्रोविजन दिया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. मैं आपको बता दे रही हूँ भाई, माइनर लोगों से ना एकदम दूर रहिएगा, स्टे अवे फ्रॉम माइनर. आप देखते हो बाहर में एक बोर्ड लगा रहता है, स्टे अवे फ्रॉम
सुन रहे, वैसे आजकल लोग ना स्टे अवे फ्रॉम माइनर का बोर्ड लेकर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं भाई। माइनर बड़ा ही डेंजरस है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सारे के सारे प्रोविजन माइनर के फेवर में ही बात करते हैं। माइनर को पूर्ण संपूर्ण सुरक्षा प्रोटेक्शन दिया गया है, क्लियर है? तो वापस से बोलो, माइनर को कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। एज पर इंडियन मेजोरिटी एक्ट, माइनर इज अ पर्सन हु हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18 इयर्स, बट इफ ही हैज लिव्ड अंडर द कोर्ट ऑफ वार्डशिप देन ही इज अ माइनर टिल द एज ऑफ द 21 इयर्स। पूरा निर्भया केस मैंने आपको समझाया था क्लास में, ठीक है? क्लियर है? आर वी थ्रू विद दिस गाइस? क्लियर? तो अब ध्यान से सुनना, एक एक करके ना माइनर का प्रोविजन हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ध्यान से सुनना, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है 8 मार्क्स का कि माइनर का प्रोविजंस लिखो। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जब भी माइनर का प्रोविजन लिखने आएगा ना, तो आपको पता है क्या करना है। सबसे पहले आप माइनर का डेफिनेशन लिखना, क्लियर है? और लीगल कैपेसिटी ऑफ द पार्टी पहले हेडिंग लिखना कि तीन लोगों के संग जो है ना कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना अलाउड नहीं है, जिसमें आप लिख देना पागल, बच्चा, आतंकवादी। हिंदी में नहीं लिख कर आना है, पागल मतलब लुनाटिक, बच्चा मतलब माइनर, और आतंकवादी यानी पर्सन डिस्क्वालिफाइड। आर वी थ्रू विद दिस गाइस? अब इसके अंदर आप प्रोविजन लिखना माइनर का, फिर माइनर को आप डिफाइन करोगे, फिर अब आप लिखोगे माइनर का प्रोविजन। पॉइंट नंबर वन, ऑलवेज ट्राई टू यूज पॉइंट्स इन योर आंसर। बड़े बड़े पैराग्राफ्स अवॉइड करोगे, एग्जामिनर को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके पैराग्राफ्स को पढ़ने में। सो ऑलवेज ट्राई टू राइट डाउन इन पॉइंट फॉर्मेट। पॉइंट फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ठीक है? चलो, ऑल द एग्रीमेंट विद द माइनर आर वॉइड एब इनिशियो। ऑल द एग्रीमेंट विद द माइनर आर वॉइड एब इनिशियो। ऑल द एग्रीमेंट विद द माइनर आर वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो दैट मींस वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। कॉन्ट्रैक्ट मत बोल देना भाई साहब कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। वॉइड एग्रीमेंट अलग होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो पहले वैलिड था, बट फ्यूचर में जाकर क्या हो गया, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, बिकम्स वॉइड। आर वी थ्रू विद दिस? सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? आर वी थ्रू विद दिस? तो ऑल द एग्रीमेंट, अरे भाई माइनर के संग तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना ना, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट किस लिए लिख कर आओगे? एग्रीमेंट ही वॉइड है। सो ऑल द शुरुआत से वॉइड है। ऑल द एग्रीमेंट विद द माइनर आर वॉइड एब इनिशियो। ऑल द एग्रीमेंट विद द माइनर आर वॉइड एब इनिशियो बिगनिंग। इनिशियो का मतलब बिगनिंग, फ्रॉम द बिगनिंग। वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग, वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग। ऑल द एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, दैट मींस वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग। अरे यार, माइनर छोटा बच्चा है, नादान बच्चा है, मासूम बच्चा है, कोई भी भला फुसला के कुछ भी करवा लेगा, तो उसके संग जितना भी आप एग्रीमेंट करोगे ना वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, आपको क्या लगता है, लोग आज के जो इंडिया के बच्चे हैं, क्या वो 18 साल तक उनकी कच्ची उम्र है? उनको को समझ में नहीं आता यार मैच्योरिटी? मुझे लगता है ना आजकल के बच्चों को 14 साल के एज के बाद ही आ जाता है। तो भाई मैं तो गुजारिश करूंगी कि ये एज वगैरह को ना कम कर देना चाहिए, ठीक है? बट फिर भी चलो बच्चे सियाने हो जाते हैं 14 साल बाद, लेकिन भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से मैं 18 साल ही पकड़ना है, ठीक है? ऑल द एग्रीमेंट विद द माइनर इज क्या? वॉइड एब इनिशियो, विच मींस क्या? वॉइड, इनवैलिड फ्रॉम द बिगिनिंग। आर वी थ्रू विद दिस? माइनर इज नेवर पर्सनली लायबल। माइनर इज नेवर पर्सनली लायबल। आपको पता है क्या हुआ, हमारे क्लास में एक बच्चा था जिसका नाम था प्रथम। प्रथम दुकान के पास गया, ठीक है? दुकानदार को बोला कि भाई साहब ये फोन दे दो ना, और प्रथम को देख के लगेगा नहीं यार कि वो 18 साल के नीचे का है, 18 साल के ऊपर का ही लगता है, बट एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली ही हैपेंड टू बी अ माइनर, बट द दुकानदार वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट, और उसने प्रथम को फोन बेच दिया, और प्रथम ने चेक साइन करके दिया, बोला ये लो चेक, ये रहा फोन। फोन लेकर भाग गया, दौड़ा दौड़ा घर घर भाग के गया, और फिर पता क्या हुआ, चेक क्या होना था, बाउंस होना ही था ना, चेक तो बाउंस होना ही था। अब दुकानदार जब प्रथम के घर पहुंचा रुपया डिमांड करने, तो प्रथम जोर जोर जो है ना उछल रहे अपने सोफा पे, ताली पीट रहे, हम तो माइनर हैं, हम तो माइनर हैं, डांस कर रहे हैं। बोले आपको पता नहीं, इतना भी नहीं पता, एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। दुकानदार बोले तुम्हें बताना चाहिए था ना तुम माइनर हो, मैं क्यों बताऊं, आपने पूछा था क्या मुझसे? तो ऑल द एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, यानी वो दुकानदार माइनर को, प्रथम को सीयू कर सकता है कि नहीं कर सकता? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा अगर 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 प्रथम के पास फोन पड़ा है ना, वो हम लोग रिस्टोर बैक करवा देंगे दुकानदार को। लेकिन आपको लगता है प्रथम के पास फोन पड़ा होगा? प्रथम ने ना फोन का पूरा जो है पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है, क्लियर है? पूरा उसका अस्थि पंजर सब निकाल के उधर उधर फेंक दिया है, क्लियर है? बड़ा ही खतरनाक बच्चा है ये माइनर, क्लियर? सो ऑल द एग्रीमेंट विद द माइनर इज व्हाट? वॉइड एब इनिशियो, क्लियर है? और माइनर को आप पर्सनली लायबल ठहरा सकते हो कि नहीं ठहरा सकते हो? नहीं ठहरा सकते हो। और अगर प्रॉपर्टी रहेगी या माइनर के पास, तो वो रिस्टोर्ड बैक हो जाएगा। बट ये माइनर जैसे खतरनाक बच्चे जो होते हैं ना, इन लोग प्रॉपर्टी को रख के नहीं रखता है, कहीं दबा के रख देता है, फेंक देता है, या दान दे देता है, गंगा जी में उछाल कर आ जाता है, क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, फिर ऐसे तो भाई माइनर के ऊपर एक खतरनाक टैग लग गया, डू नॉट डू एनी एग्रीमेंट विद द माइनर। बट अब आज मान लो कोई नेसेसरीज है, मान लो माइनर को रोटी कपड़ा मकान बेसिक नेसेसिटी चाहिए, तो यार उसका कॉन्ट्रैक्ट तो तुम वैलिड रखो ना माइनर के संग, क्लियर है? नहीं तो माइनर कहाँ जाएगा, कल को भूखा प्यासा दर दर भटकेगा, रस्ते में भीख मांगते हुए फिरेगा, तो क्या आप उसके संग कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे?
समझ में आ रहा, उसको नहीं दोगे तो यानी ऑल द एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो एक्सेप्ट 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 क्या अग्रीमेंट फॉर नेसेसिटी यानी एग्रीमेंट फॉर नेसेसिटीज विद द माइनर इज वैलिड, वो वॉइड नहीं है, वो क्या माना जाएगा वैलिड। यानी एक टाइप का एग्रीमेंट अगर आप माइनर के संग करोगे ना, जो कि क्या चीज का नेसेसरीज का, क्या प्रोवाइड करने का नेसेसरीज। मैम नेसेसरीज के अंदर क्या आता है, नेसेसरीज के अंदर आता है फूड क्लोदिंग शेल्टर लीगल एक्सपेंसेस एंड एनी अदर थिंग डिपेंडिंग अपॉन द स्टेटस ऑफ द माइनर। कल को मुकेश अंबानी का बच्चा है, उसके लिए फूड क्लोदिंग शेल्टर उसका बेसिक नेसेसिटी नहीं है, उसके लिए एरोप्लेन में जहाज में प्राइवेट चार्टर्ड फ्लाइट में उड़ना भी उसके लिए नेसेसिटी होगा। क्लियर है? तो वो सारे एग्रीमेंट जो कि आप नेसेसिटी के लिए करोगे माइनर के संग, वो सारे एग्रीमेंट क्या माने जाएंगे वैलिड। ठीक है, नेसेसरीज इंक्लूड्स व्हाट, फूड क्लोदिंग शेल्टर एजुकेशन लीगल एक्सपेंसेस एंड क्या बोला एनी अदर थिंग डिपेंडिंग अपॉन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द माइनर। अभी थ्रू विद दिस, अब ध्यान से सुनना, माइनर को क्या हेल्ड लायबल किया जा सकता है फॉर नेसेसरीज? यस, माइनर्स प्राइवेट एस्टेट कैन बी हेल्ड लायबल फॉर द नेसेसरी सप्लाई टू द माइनर। माइनर्स प्राइवेट एस्टेट कैन बी हेल्ड लायबल फॉर द नेसेसरीज बट द गार्जियंस कैन नॉट बी हेल्ड लायबल। मान लो इसका नेसेसरीज था ही नहीं, मान लो इसका नेसेसरीज था, इसका प्राइवेट एस्टेट था ही नहीं, बैंक बैलेंस जीरो, इसका घर में जो टॉय वगैरह वो भी जीरो, समझ में आ रहा है? तो उसके पास रुपया ही नहीं है, तो आप कैसे रियलाइज कराओगे नेसेसरीज के लिए भी जो आपने गुड सप्लाई किया ना, उसके लिए भी आप पैसा रिकवर नहीं कर सकते। तो इसका क्या ये मतलब है, जो प्रथम हमारा माइनर था उसके मम्मी पापा के पास पहुंच जाओगे, गार्जियन से रुपया मांगने पहुंच जाओगे? नहीं, गार्जियन जो होते हैं ना माइनर के, उनको छूट दिया गया भाई, इम्यूनिटी दिया गया भाई। माइनर कोई भी कर्मकांड करेगा गार्जियन का जिम्मेदारी नहीं है, भले ही गार्जियन ने जो है ना उनको रेस किया, माइनर को रेस किया, बट फिर भी गार्जियन कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द नेसेसरीज सप्लाई टू द माइनर। गार्जियंस कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द नेसेसरीज सप्लाई टू द माइनर। आर वी थ्रू विद दिस गाइस? कोई डाउट है क्या? एकदम क्लियर। माइनर कैन प्लीड माइनॉरिटी। प्रथम पते क्या किया, अब की बार ना पूरा अपना वेशभूषा बदल के गया उसी दुकान में, दोबारा दाढ़ी मूछ लगा के एकदम अपने आप को बाल वगैरह व्हाइट कर लिया, यानी जो जूनियर प्रथम था ना वो मेजर प्रथम बन गया, समझ में आ रहा है? इनफैक्ट वो ग्रैंडफादर बन गया अपना, पूरा अपने दादाजी की तरह दिखने लग गया, धोती कुर्ता बड़े बड़े दाढ़ी पहन के जो है ना वो चला गया दुकान में, बोला भाई साहब फोन बेचिए ना। अब सामने वाला एकदम जो है ना माइनर से बड़ा ही खफा था, तो देख लिया भाई ये तो बहुत ही बुजुर्ग आदमी है, इसको हम दे देते हैं फोन, अब ये थोड़ी कुछ ऐसा करेगा। तो वही वापस से सेम प्रोसेस रिपीट्स, चेक दिया सामने वाले को, चेक बाउंस होना ही था क्योंकि अंदर में तो प्रथम था, दाढ़ी के अंदर तो प्रथम ही था, समझ में आ रहा है? अभी सब झूठ झूठ बोलकर प्रथम फोन लेकर चला गया अपने आप को मेजर दिखाकर। अब दौड़ा दौड़ा दुकानदार जब उसके घर गया, जब चेक बाउंस हो गया था, क्लियर है? सो इन दैट केस वापस से जो प्रथम है ना वो क्या किया बताओ, क्या किया बताओ? बोल रहा है कि क्या हुआ, चेक बाउंस हो गया क्या? ठीक है, नहीं देंगे आपको पैसा, जाइए, नहीं देंगे। अब दुकानदार एकदम गुस्सा हो गया, अब वो जैसे ही उठा ना प्रथम के ऊपर अटैक करने के लिए, दाढ़ी हाथ में आ गया। फिर प्रथम जोर जोर ताली लगाने, हम तो माइनर है, हम तो माइनर है, हमने आपके संग धोखा किया है, क्लियर है? तो एनी इन दैट केस अब की बार तो एक बात समझो आप, अब कैसे पता चलेगा दुकानदार को कि वो छोटा बच्चा था? अगर आप ऐसे झूठा मोटा वेश बनाकर जाओगे, कॉस्मेटिक यू नो सर्जरी वगैरह करा के चले जाओगे, तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि आप माइनर हो कि नहीं? तो अब की बार तो गलती किसका था बताओ, गलती किसका था, गलती किसका था? दुकानदार का था, उसको दाढ़ी वगैरह टान के देख लेना चाहिए था। माइनर कैन प्लीड माइनॉरिटी, प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल डज नॉट वर्क अगेंस्ट माइनर। माइनर कैन प्लीड माइनॉरिटी, प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल डज नॉट वर्क अगेंस्ट माइनर। अभी थ्रू विद दिस, प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल डज नॉट वर्क अगेंस्ट माइनर। माइनर बोल सकता है क्या कि मैं तो छोटा बच्चा हूं, मैंने झूठ बोल दिया, गलती से बोल दिया, मुझे माफ कर दो। सो इन दैट केस अगेन जो है ना माइनर का जो है प्राइवेट एस्टेट कैन नॉट बी हेल्ड लायबल, माइनर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल, ऑल द एग्रीमेंट विद द माइनर इज व्हाट, वॉइड एब इनिशियो। अभी थ्रू विद दिस, अब ध्यान से सुना, माइनर के जो गार्जियन है दे कैन रेस्ट्रेन द मैरिज ऑफ द माइनर, ठीक है, दे कैन रेस्ट्रेन द मैरिज ऑफ द माइनर, दे आर नॉट लायबल फॉर द नेसेसरीज। एंड जो माइनर के गार्जियन है दे कैन एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द माइनर, माइनर कैन बी द बेनिफिट, ठीक है? तो अगर गार्जियन को लग रहा है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है माइनर के बेनिफिट के लिए, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं? हाँ। माइनर कैन नॉट बी फोर्स फॉर एनी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, माइनर कैन नॉट बी फोर्स फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तारे जमीन पर जो दर्शिल था वो अपने माइनर एज में ही तो एक्टिंग किया होगा ना तारे जमीन पर, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट जो था पिक्चर का मूवी का किसने एंटर किया होगा? उसके पेरेंट्स ने, तो वो तो एंटर कर ही सकते हैं ना, गार्जियन तो एंटर कर ही सकते हैं। और अब मान लो दर्शिल कोई दिन
थक गया सेट पे, उसको परफॉर्मेंस देने का इच्छा नहीं, एक्टिंग देने का इच्छा नहीं है, या वो बोल रहा है मिड ऑफ द वे में आई वॉन्ट टू वॉक आउट ऑफ दिस मूवी, आई एम नॉट गोइंग टू शूट द मूवी, तो आप उसको फोर्स कर सकते हो क्या? नहीं, तुमको करना ही पड़ेगा. नहीं फोर्स कर सकते हो. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन नॉट बी क्या हेल्ड अगेंस्ट द माइनर. माइनर कैन वॉक आउट. माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इनसॉल्वेंट. माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इनसॉल्वेंट. क्लियर? नो रेटिफिकेशन. अब मान लो माइनर ने पुराने कर्म कांड किए थे माइनॉरिटी में, अब वो अगर मेजर हो गया है तो आप पीछे का पाप किया हुआ के लिए रुपया उससे ले सकते हो क्या? स्यू कर सकते हो क्या? नहीं. रेटिफिकेशन, रेस्टिट्यूशन नॉट अलाउड. क्लियर है? फिर इसके बाद माइनर कैन बी हेल्ड लायबल फॉर टॉर्ट. एक चीज बोला गया माइनर के लिए कि माइनर कैन बी हेल्ड लायबल फॉर टॉर्ट. माइनर कैन बी हेल्ड लायबल फॉर टॉर्ट बट नॉट दोज टॉर्ट विच इज अराइजिंग आउट ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन. नाउ व्हाट डज द वर्ड टॉर्ट मीन? टॉर्ट का मतलब क्या हुआ? सिविल रॉन्ग. टॉर्ट का मतलब क्या हुआ? सिविल रॉन्ग. अब जैसे प्रथम, माना प्रथम माइनर है भाई, लेकिन पता है क्या क्या हरकत कर रहा है? समाज में रहने का एक तौर तरीका है. प्रथम सारे तौर तरीके को भुला चुका है. बगल के पड़ोसी के कुत्ते को जाकर काट दिया, कल जाके पड़ोसी को काट दिया. इंजेक्शन लेते फिरते, मतलब लोग इंजेक्शन लेकर घूम रहे हैं. क्या चीज का? एक कोरोना वायरस का था ना, अभी प्रथम वायरस नाम का एक इंजेक्शन चल गया है पूरे सोसाइटी में. तो भाई ये क्या तरीका है क्या? आप इंसानों की हैवान हो, इंसान के रूप में शैतान हो, तो ये सब नहीं चलेगा. सोसाइटी में रहना है तो एक ढंग है. तो अगर आप ये सब हरकत करोगे ना तो आपको क्या स्यू किया जा सकता है क्या? हाँ. तो इन दैट केस आपका जो प्राइवेट एस्टेट है उससे हम लोग इंजेक्शन वगैरह का खर्चा, मेडिकल एक्सपेंसेस का खर्चा रिइंबर्स कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं. तो माइनर जो है ना इज जनरली कोई चीज के लिए लायबल नहीं होता. सारे एग्रीमेंट वॉइड एवन इश्यू है, लेकिन माइनर्स कैन बी हेल्ड लायबल फॉर टॉर्ट, सिविल रॉन्ग, बट नॉट दोज टॉर्ट विच इज अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन. माइनर इज लायबल फॉर टॉर्ट, ठीक है, बट नॉट दोज टॉर्ट विच इज अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन. आर वी थ्रू विद दिस? हाँ, क्लियर है? शारिक बोल रहे क्या 28 इंजेक्शन लगता है प्रथम वायरस के लिए? ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड. ठीक है, मुझे नहीं पता ये बात. ठीक है, सुनना आप ध्यान से. कोई डाउट है क्या यहाँ तक? माइनर कैन बी एडमिटेड इनटू द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म ओनली फॉर द प्रॉफिट. माइनर कैन बी एडमिटेड इनटू द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म ओनली फॉर द प्रॉफिट. इसका मतलब समझ में आ रहा है? लॉसेस के लिए आप उसको एडमिट नहीं कर सकते. अगर लॉसेस वगैरह हो रहा है माइनर उसको नहीं देखेगा, लेकिन हाँ प्रॉफिट वगैरह हो रहा है तो माइनर को मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा. माइनर कैन नॉट बी द पार्टनर ऑफ द फर्म, क्योंकि पार्टनरशिप करने के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, और आपको पता है माइनर के संग सारे एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशू होते हैं. ही कैन नॉट बी द पार्टनर. पार्टनर वो मेजॉरिटी अटेन करने के बाद बन सकता है उस फर्म का. यस, बट ही कैन बी एडमिटेड इनटू द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप बिजनेस ओनली फॉर द शेयर ऑफ द प्रॉफिट. कोई डाउट है? माइनर कैन नेवर बी अ प्रिंसिपल. मैंने बोला ना सारे प्रोविजन माइनर के फेवर में है. प्रिंसिपल कैन बी लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द एजेंट, तो इसलिए माइनर को एजेंट बना दो, प्रिंसिपल मत बनाओ. माइनर कैन बी एन एजेंट बट कैन नॉट बी अ प्रिंसिपल. ठीक है, फिर हमने एक बहुत ही, पता है आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया था इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना. फॉर एग्जाम्पल, वन पर्सन हैज गिवन अ लोन टू माइनर, ठीक है, फॉर पेमेंट ऑफ हिज कॉलेज फीस. किसके लिए लोन दिया? फॉर पेमेंट ऑफ हिज कॉलेज फीस. लेटर ऑन द माइनर डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ द लोन, प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज द इंटरेस्ट बैक टू द लेंडर. क्या लेंडर माइनर को स्यू कर सकता है? बताओ आंसर. क्या जो लेंडर है वो लोन दिया था माइनर को, ठीक है, उसके कॉलेज के फीस को डिपॉजिट करने के लिए, बाद में जो माइनर है ना उसने क्या किया? डिफॉल्ट किया. उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी मारा, इंटरेस्ट भी मारा. अब मुझे आप ये बताओ, क्या इन दिस केस जो लेंडर है वो स्यू कर सकता है माइनर को? टेल मी क्विकली. स्यू कर सकता है बताओ, येस और नो? कैन द माइनर बी स्यूड? बताओ, क्या उसका प्राइवेट एस्टेट कैन बी हेल्ड लायबल टू रीपे बैक द लोन एज वेल एज द इंटरेस्ट अमाउंट? यस श्रुति, ही कैन बी स्यूड, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्या है? नेसेसरीज. ये जो माइनर के संग एग्रीमेंट किया, नेसेसरीज का किया. अरे भाई पूरा बात सुनो, क्या बोला? स्कूल फीस, कॉलेज फीस डिपॉजिट करने. कॉलेज फीस, स्कूल फीस, दिस इज व्हाट एजुकेशन, एंड एजुकेशन फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ नेसेसरी. नेसेसरी इंक्लूड्स फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, लीगल एक्सपेंसेस. केस ऑफ क्या? मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष. मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, हेल्ड इन द केस ऑफ मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष. सो इज इट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? यस, इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट्स नॉट वॉइड एब इन इशू. क्लियर है? लेकिन अब वो अलग बात है, अगर माइनर का प्राइवेट एस्टेट है ही नहीं तो आप क्या रियलाइज कराओगे? तब आप थोड़ी कुछ कर सकते हो माइनर के साथ. क्लियर है? केस लॉ सब लर्न करते जाओ मेरे संग. जितना केस लॉ एग्जाम में लिखोगे, रेलिवेंट केस लॉ, उतना ज्यादा मार्क्स मिलेगा. मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष. अब जैसे बिहारी लोग क्या बोलते हैं, बिहारी में हम लोग मोहिरी को क्या बोलते हैं?
मेरी को मोहरी मोहरी ठीक है मोहे क्लियर मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष क्लियर है मैं क्या बोलूंगी मैं बिहारी में क्या बोलूंगी मोहरी ठीक है मोहे क्लियर मोहिनी नहीं है मोहरी है आयुष मोहरी 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 अभी थ्रू दिस सो दिस कंप्लीट्स योर प्रोविजन ऑन माइनर दिस कंप्लीट्स योर प्रोविजन ऑन व्हाट माइनर क्लियर है मुझे यू नो ये बहुत ही अच्छा लैंग्वेज लगता है मोहरी काहे त्याहे ऐसे बोलते हैं ना बहुत प्यारा लैंग्वेज है ये क्लियर चलो मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष क्लियर है याद रहेगा नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे लुनाटिक नो नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज व्हाट लुनाटिक द गुड न्यूज इज माइनर के सारे प्रोविजन लुनाटिक से ऑलमोस्ट सेम है एक्सेप्ट टू लुनाटिक को आप पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट नहीं कर सकते हो फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द लुनाटिक पर्सन और दूसरा ही कैन नॉट बी द एजेंट ठीक है लुनाटिक कैन नेवर बी द एजेंट बाकी पूरा का पूरा प्रोविजन सेम एज माइनर है तो एग्जाम में अगर लुनाटिक का भी प्रोविजन आएगा तो आप माइनर वाला ही प्रोविजन लिख कर आ जाना कि ऑल द एग्रीमेंट विद द लुनाटिक इज वॉइड एब इनिशियो ही कैन नॉट बी हेल्ड पर्सनली लायबल हिज गार्जियन कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द नेसेसरी सप्लाई टू द लुनाटिक ठीक है या फिर जो एग्रीमेंट है ना नेसेसरी सप्लाई करने का लुनाटिक को वो क्या रहेगा वैलिड क्लियर है डेट विल फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ये सब याद रखोगे क्या पूरा सेम 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 टू सेम लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म वाला और एजेंट वाला वो नहीं हो सकता लुनाटिक का मतलब कौन हुआ पागल पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड हु इज अ लुनाटिक पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड नाउ लुनाटिक कैन बी ऑफ टू टाइप्स परमानेंट लुनासी टेम्पररी लुनासी क्या बोला बताओ परमानेंट और टेम्पररी परमानेंट और टेम्पररी अ पर्सन हु इज परमानेंटली लुनाटिक परमानेंटली पगला गया है तो उसको बोलेंगे इडियट क्या बोलेंगे इडियट तो किसी को भी इडियट बोलने के पहले सोच लेना क्या बोल रहे हो लेकिन अ पर्सन हु इज क्या सफरिंग फ्रॉम द एपिसोड्स ऑफ सेनिटी एंड इनसेनिटी आप देखते हो दोहरी जिंदगी कुछ कुछ लोग दोहरी जिंदगी गुजारते हैं कभी कभी उन्हें दौरा चढ़ता है फिर ठीक हो जाते हैं तो जब उन्हें दौरा चढ़ा हुआ है उस दौरेपन के दौरान उन्होंने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहने वाला है वॉइड ऑल द एग्रीमेंट विल बी वॉट वॉइड एब इनिशियो ड्यूरिंग द एपिसोड्स ऑफ इनसेनिटी बट इफ एनी कॉन्ट्रैक्ट एनी एग्रीमेंट हैज बीन एंटर्ड ड्यूरिंग द फेजेस ऑफ सेनिटी देन इट विल बी रिगार्डेड एज वैलिड तब उसको क्या माना जाएगा वैलिड तो ये हो गया किसके लिए टेम्पररी लुनाटिक पर्सन के लिए बट परमानेंट लुनाटिक के संग तो जितने भी एग्रीमेंट है वो वॉइड एब इनिशियो है वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग वॉइड एब इनिशियो सो लुनाटिक का मतलब क्या हुआ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड परमानेंट लुनासी को क्या बोलते हैं इडियट फेजेस ऑफ सेनिटी और इनसेनिटी होता है टेम्पररी बोलते हैं जब सेनिटी के दौरान वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं तो वैलिड ठीक है और अदरवाइज वॉइड क्लियर है और यहाँ पे क्या बोला गया जो ड्रंकन पर्सन होते हैं ना जो दारू वगैरह पीकर बैठे हैं नशे की हालत में धुर्त है ठीक है सो इन दैट केस नशे की अगर आप हालत में धुर्त हो ना तो आपको बोला जाएगा कि आप लुनैटिक हो ये मत बोलना कि नशे में लोग सच बोलते हैं नशे में लोग बकवास बोलते हैं यानी वो कुछ भी बोलते हैं उसको बोला जाएगा लुनैटिक और सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट क्या रहने वाला है वॉइड अभी थ्रू विद दिस क्लियर है यहाँ तक सो दिस कंप्लीट्स योर लुनाटिक तो अगर लुनाटिक का प्रोविजन आएगा आप पूरा ये लुनाटिक का डेफिनेशन लिख कर आना टेम्पररी परमानेंट फिर उसके बाद आप पूरा लुनाटिक का प्रोविजन लिखना सेम एज माइनर खाली दो चीज लिख देना कि वो जो प्रिंसिपल और एजेंट वाला है वो यहाँ पे नहीं होगा और पार्टनरशिप फर्म वाला जो है प्रोविजन वो यहाँ पे होल्ड नहीं करेगा अभी थ्रू विद दिस क्लियर नाउ 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 नेक्स्ट 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 अब हम लोग क्या करेंगे लीगल कैपेसिटी ठीक है लीगल कैपेसिटी में क्या पर्सन डिस्क्वालिफाइड क्या करेंगे बताओ पर्सन डिस्क्वालिफाइड फटाफट मेरे बच्चे मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे हु आर द थ्री पर्सन हु आर डिस्क्वालिफाइड बताओ फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन से तीन लोग हैं जो डिस्क्वालिफाइड है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बताओ ऐसे याद है ऐसे मैंने दिखाया था आतंकवादी 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 एलियन एनिमीज एलियन एनिमीज एलियन मतलब वो पीके मूवी का आमिर खान नहीं जो दूसरे गोले से धरती पर उतर आया था क्लियर है और वो भी क्या एक रेडियो वगैरह लेकर नहीं रेडियो तो शायद वो लेकर गया था ऐसे ही उतर कर आ गया था याद है ना क्लियर है तो हो गया एलियन एनिमीज और फिर क्या बोला था कॉन्विक्ट कॉन्विक्ट संजू बाबा जो जेल में गए हुए कॉन्विक्ट जेल में जाते आते रहते थे पहले याद है ना कितना उसके ऊपर एक मूवी भी बना था संजू संजय दत्त के ऊपर क्लियर है या फिर कौन फॉरेन एम्बेसडर फॉरेन सॉवरन किंग्स क्लियर तो ये तीन हो गए किसके अंदर बताओ पर्सन डिस्क्वालिफाइड देखो लुनाटिक का फोटो देखा है क्या ये रहे लुनाटिक ये लुनाटिक है हु इज ही इज अ लुनाटिक देखो तीनों यस वेरी गुड निसागर प्रांजल गर्व साक्षी बानाश्री सुपर्ब सुपर्ब गाइस सुपर्ब सुपर्ब एक्सीलेंट मार्वलस एलियन एनिमीज फॉरेन सॉवरेंस एंड एम्बेसडर और क्या बोला कॉन्वेक्ट और क्या बोला बताओ कॉन्वेक्ट
क्या हो गया इसके अंदर बताओ, पर्सन डिस्क्वालिफाइड, क्या हो गया बताओ, पर्सन डिस्क्वालिफाइड। सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे बताओ, एलियन एनिमी, हु इज एन एलियन एनिमी, एलियन फ्रेंड कौन होता है बताओ, एलियन फ्रेंड, एलियन फ्रेंड आर द पर्सन्स ऑफ द कंट्री विथ विच आवर कंट्री इज नॉट इन अ स्टेट ऑफ वॉर, ठीक है, उसको बोलते हैं एलियन फ्रेंड। ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स विद द एलियन फ्रेंड्स आर वैलिड, क्लियर, बट ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स विद द एलियन एनिमीज आर वॉइड, क्लियर है। तो एलियन एनिमीज कौन हुए, एलियन एनिमीज आर द पर्सन्स ऑफ द कंट्री विथ विच इंडिया इज इन अ स्टेट ऑफ वॉर। अभी फिलहाल हम लोग किसी के संग भी झगड़ा नहीं कर रहे, लड़ाई वगैरह नहीं चल रहा है। वॉर इज अ स्टेट, यू नो इट्स एन इमरजेंसी, जो डिक्लेयर करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट्स एन ऑफिशियल स्टेट। तो अभी हमारा थोड़ी कोई संग लड़ाई चल रहा है, ये मत बोल देना पाकिस्तान के संग लड़ाई चल रहा है, अरे वो चीज अलग है, रिलेशन इज नॉट दैट गुड, बट दैट डज नॉट मीन कि वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। अभी थ्रू विद दिस, तो एलियन एनिमीज जो है ना, एलियन एनिमीज उनके संग कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा मेरे को बताओ, वॉइड, क्लियर। अब मान लो आप बोलोगे मैम वॉर स्टार्ट होने के पहले एलियन एनिमीज के संग हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, सो इन दैट केस व्हाट अबाउट दोस कॉन्ट्रैक्ट, दोस कॉन्ट्रैक्ट विच यू एंटर्ड बिफोर द वॉर क्या होगा मेरे को बताओ, विल बी वैलिड बट इट विल बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द वॉर। जब तक वॉर चल रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, सस्पेंडेड, एंड द मोमेंट द वॉर गेट्स ओवर द कॉन्ट्रैक्ट विल रिज्यूम बैक, बट एनी कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड ड्यूरिंग द वॉर विल बी वॉर्ड वॉइड। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉर के दौरान एंटर कर रहे हो तो वॉइड, लेकिन अगर आपको कोई बहुत अर्जेंसी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है एलियन एनिमी के संग अपने देश के भलाई के लिए, देश को बचाने के लिए, सो इन दैट केस आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, अप्रूवल ऑफ सीजी हैज टू बी टेकन। आर वी थ्रू विद दिस गाइस, अप्रूवल ऑफ द सीजी हैज टू बी टेकन, ठीक है। अब ये मत बोल देना राहत जो फतेह अली खान है वो क्योंकि पाकिस्तानी है ना वो हमारे एलियन एनिमी है, नहीं भाई, इन लोगों के संग आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। सो ऑल द पर्सन ऑफ द कंट्री विथ विच आवर कंट्री इज एट वॉर इज कॉल्ड एज क्या, एलियन एनिमी। तो क्या बोला, एलियन एनिमी आर द पर्सन ऑफ द कंट्री विथ विच आवर कंट्री इज इन वॉर विथ, सिटीजंस ऑफ द कंट्री विथ विच आवर कंट्री इज नॉट एट वॉर इज कॉल्ड एलियन फ्रेंड, और सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेंगे, वैलिड। कॉन्ट्रैक्ट विथ एलियन एनिमीज अगर वॉर के दौरान एंटर कर रहे हो वॉइड, ठीक है, और अगर वॉर के पहले है तो वॉर के दौरान क्या रहने वाला, सस्पेंडेड। कॉन्ट्रैक्ट विथ एलियन एनिमीज ड्यूरिंग वॉर अगर आपको वैलिड करवाना है तो क्या लेना पड़ेगा, सीजी का अप्रूवल, यू हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्लियर है। अदनान सामी, क्लियर है, वो भी तो कौन है बताओ, पाकिस्तानी ना, लेकिन कोई मतलब नहीं है भाई, कॉन्ट्रैक्ट अगर आप करोगे इंडिया में उनके संग वैलिड रहने वाला है, बिकॉज वी आर नॉट इन अ ऑफिशियल स्टेट ऑफ वॉर विद पाकिस्तान। आई विथ दिस गाइस, नेक्स्ट एक हो गया एलियन एनिमी, और क्या बोला मैंने बताओ, फॉरेन एम्बेसडर, फॉरेन सॉवरेन, क्वीन विक्टोरिया आ गई, क्वीन विक्टोरिया के संग आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो क्वीन विक्टोरिया को आप स्यू नहीं कर सकते भाई साहब जी, क्लियर है। अगर मान लो पहले क्वीन विक्टोरिया अगर इंडिया आई होंगी तो क्या आप उसको स्यू करोगे क्या, नहीं नहीं कर सकते, क्या वो आपको स्यू कर सकती है, हाँ। ये जितने भी फॉरेन एम्बेसडर होते हैं ना, या मान लो कोई फॉरेन कंट्री का किंग है या कोई भी फॉरेनर लोग यहाँ पे आए हैं तो दे आर एंजॉइंग अ लीगल इम्यूनिटी, आपका कर्तव्य उन्हें बचाना ना कि स्यू करना, लेकिन अगर लग रहा है स्यू करना है तो अप्रूवल ऑफ अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बी टेकन। आई थ्रू विद दिस, बट दे कैन स्यू अस, दे कैन स्यू अस। एक्स किंग तो एक्स है ना भाई, तो अभी तो नहीं है ना राजा महाराजा, तो आप उसको आराम से स्यू करो, दे आर नॉट एंजॉइंग एनी लीगल इम्यूनिटी, क्लियर है। सो फॉरेन गवर्नमेंट एम्बेसडर diplomats, kings cannot be sued normally in the Indian court. They can be sued only after kya? CG's approval. However, they can sue Indian citizen without any approval. Ex-kings can be sued without any approval. कोई doubt है क्या यहाँ तक? Convict. Convict का मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनना. अब देखो ना, accused दो type के होते हैं. Accused मतलब इल्जाम लगाया गया है. अगर you are held guilty, if an accused person who has been held guilty of any offense, then he becomes a convict. Convict मतलब आप अपराधी हो, आप पे जो आरोप लगा था वो साबित हो चुका है. So in that case, if you enter into any contract with the convict during his visit in the jail, during his period of imprisonment, all such contract will be void. सारे agreement क्या माने जाएंगे? Void, void, void. लेकिन if that particular person has taken a ticket of leave और वो जेल के बाहर हवा पानी खाने निकला है और उस दौरान आपने उस person के संग, convict के संग क्या किया? Contract enter किया, तो उस contract को क्या valid माना जाएगा? हाँ, माना जाएगा, ठीक है। तो जब तक वो जेल के अंदर है, सारे के सारे क्या माने जाएंगे? Void. But जैसे ही उसने ticket of leave लेकर बाहर निकला, उसके संग contract करोगे तो valid होगा क्या? हाँ। जैसे संजू बाबा जेल में जाते थे, बट जेल में बीच बीच में निकल कर आते थे दवा दारू पानी हवा के लिए, और उस समय कितने सारे पिक्चर को साइन करके जाते थे, तो क्या सारे पिक्चर्स के कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बने जाएंगे? हाँ, ड्यूरिंग द टिकट ऑफ लीव, ठीक है। और वो बंदे जो एक्यूज्ड है, बट इन दैट केस दे आर नॉट हेल्ड गिल्टी, चार्जेस लगाया गया बट फाउंड नॉट गिल्टी,
they are called as acquitted. They are called as what? Acquitted. And with them, all the contracts will be valid. Are we through with this? Clear? Dekh lo. However, after obtaining a ticket of leave, convict, he can enter into the contract. Koi doubt hai yahan tak? Clear? Now, next. Married men, women, companies, artificial legal person, they all can enter into the contract. But parda nashin women ke sang contract kya hai? Void ab initio. All the agreement with the parda nashin women is void ab initio, void from the beginning. Minor chota bachcha hai. Parda nashin women, bholi women hai. They live in complete seclusion. They do not know about the right and wrongs of the society. They are completely excluded, secluded from the world. Unko kuch nahi pata logo ke bare mein. समझ मारे उनका अलग ही दुनिया है. आपको पता है पर्दा नशीन वुमेन कौन होती है? वो नहीं यार जो घूंघट वगैरह बुरखा वगैरह पहन के निकलते हैं, उनको पर्दा नशीन वुमेन नहीं बोलते. पर्दा आज भी हमारे सोसाइटी में कुछ पिछड़े ऐसे यू नो सेक्शंस है जहां पे पर्दा नशीन वुमेन को राइट्स नहीं दिया गया है. पर्दा नशीन वुमेन एक ऐसी वुमेन है जिनको पता है पराए मर्दों से बात करने का अधिकार नहीं है. दूसरा, बाजार में सब्जी खरीदने का, फल खरीदने का अधिकार नहीं है. रेंटल एग्रीमेंट एंटर करने का अधिकार नहीं है. नॉट अलाउड टू फिक्स रेंट विद द लैंडलॉर्ड. कोर्ट में गवाह देने का राइट्स अलाउड नहीं है. उसको बोलते हैं पर्दा नशीन वुमेन. तो ऐसी वुमेन जिनको सोसाइटी के समझ मारे दरिद्र रूप के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करोगे? उनके संग सारे के सारे एग्रीमेंट, उनको तो कोई भी यार भोला भाला अपने जाल में फंसा लेगा ना. कितनी भोली भाली है वो, उनको कुछ नहीं पता रियल वर्ल्ड के बारे में. क्लियर? सो इन दैट केस उनके संग सारे के सारे एग्रीमेंट को वॉइड एब इनिशियो माना गया है. तो पर्दा नशीन वुमेन कौन होती है बताओ? शी लिव्स अंडर कंप्लीट सेक्लूजन. अगर एक वुमेन, ठीक है, शी फिक्सेस अ रेंट, शी गोज टू द कोर्ट, शी कम्युनिकेट्स व्हेन नेसेसरी विद मेन अदर देन देयर फैमिली मेंबर, देन शी कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ पर्दा नशीन वुमेन. हेल्ड इन द केस ऑफ इस्माइल मुसज्जी वर्सेज हफीज बू. क्लियर है? अभी थ्रू विद दिस. तो यानी पर्दा नशीन वुमेन के ऊपर शॉर्ट नोट आएगा तो आप लिख देना सारे के सारे एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो है, और पर्दा नशीन वुमेन कौन होती है वो भी लिख देना. अभी थ्रू विद दिस. क्लियर है? सो दिस कंप्लीट्स योर लीगल कैपेसिटी ऑफ द पार्टी. अभी राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीवन. ठीक है, जो अभी तक एकदम यहाँ पे डटे हुए हैं कुर्सी पकड़ के. क्लियर है? कुर्सी की पेटी बांध लो, अब जो है हम लोग तूफानी वातावरण में उतरने वाले हैं. यस गाइस, कम ऑन, चलो आ जाओ. अब नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे. नो फ्री कॉन्सेंट. नो फ्री कॉन्सेंट, फटाफट आ जाइए, फटाफट आ जाइए. और फ्री कॉन्सेंट कब नहीं होता? दो केसेस में, सेक्शन 15, सेक्शन 16, कोअर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस, है ना. और यहां पे क्या बोला गया है? कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा? वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी. फटाफट, वेरी क्विकली गाइज. ठीक है, और जो जो बेशरम बच्चे चले गए ना, उन्हें भी यार डांट फटकार के बुला लो. बोलो आज का सेशन जबरदस्त हो रहा है और बिल्कुल पूरा एंड तक जो है ना टिके रहना है, कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है. ठीक है, मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे. तो छोड़ के मत जाओ भाई. क्लियर? यहीं रहो, यहीं रहो, यहीं रहो मेरे प्यारे बच्चे, यहीं रहो, यहीं रहो, कहीं मत जाना. क्लियर? यस, पूरा तुम्हारा एंटरटेनमेंट करेंगे, लास्ट में एक बहुत ही प्यारा गाना भी गाएंगे आपके लिए, आप बस यहीं रहो. चलो, नो फ्री कॉन्सेंट. नो फ्री कॉन्सेंट, दो केसेस में पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट का फ्री कॉन्सेंट नहीं होता है. इफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंटर्ड बाय द वे ऑफ कोअर्शन और बाय द वे ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, एंड इन दैट केस द कॉन्ट्रैक्ट विल बी रिगार्डेड एज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सिएबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी. यानी जो अग्रीव्ड पार्टी है उसको हक दे दिया गया है, राइट दे दिया गया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मानेगा कि वॉइड मानेगा, वैलिड मानेगा कि वॉइड मानेगा. क्लियर है? सो दैट इज कॉल्ड एज वॉट? दैट इज कॉल्ड एज वॉट? Voidable. ठीक है, कितनी बार types of contract आ जाता है? तो void, voidable, illegal, last में एक बार पढ़ा देंगे. Clear है? Yes. फटाफट जुड़ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए, धमाल मचाएंगे आज एकदम जबरदस्त वाला. Yes guys. Coercion. Coercion which is covered under क्या? Section number 15. Coercion किसके अंदर covered है बताओ? Section number 15 के अंदर. All right. Section number 15 के अंदर covered है. फटाफट chat box में लिखकर बता दीजिए, फटाफट chat box में लिखकर बता दीजिए, फटाफट फटाफट, वेरी क्विकली आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चे. यस, सो स्वीट ऑफ यू स्नेहा, अनिमेश, समथिंग डिफरेंट गर्व, निसाग्र. मैं आपको बता रही हूं भाई, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा आपको चटा कर जाएंगे.
कहीं नहीं हिलेंगे हम उसके पहले, क्लियर है? तुमको खुद से रिवाइज भी नहीं करना पड़ेगा, इस कदर पढ़ा देंगे। खाली मेरे संग ये मैराथन सेशन कर लो, आपको खुद से ना घर में 30 मिनट्स खाली जो है मैट के पेजेस को टर्न कर लेना है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरे आपके ब्लड में चला जाएगा, ब्लड के अंदर चला जाएगा। यस गाइस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हाँ, 1K का लाइक टारगेट हिट कर दो, ठीक है? 1000 का लाइक टारगेट हिट कर दो। यस, चलो आ जाओ मृदुल, कोई बात नहीं भाई, कल भी आ जाएंगे आपके लिए, आ जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं कोअर्शन, और फिर क्या करेंगे बताओ, अनड्यू इन्फ्लुएंस। कोअर्शन और क्या, अनड्यू इन्फ्लुएंस बताओ। विच सेक्शन टॉक्स अबाउट कोअर्शन? कोअर्शन हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कोअर्शन का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए। कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन अंडर द इंडियन पीनल कोड, और अनलॉफुली डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन, ठीक है, एनी प्रॉपर्टी प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग दैट अदर पर्सन टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज कोअर्शन। बोलो मेरे संग मेरे बच्चे, जोर जोर से बोलो, पूरे घर को आज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा दो। कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल कोड, और अनलॉफुली डिटेनिंग एनी प्रॉपर्टी, ठीक है, अनलॉफुली डिटेनिंग का मतलब क्या, रॉन्गफुली डिटेनिंग एनी प्रॉपर्टी और थ्रेटनिंग टू डिटेन, ठीक है, विद द क्या, प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द अदर पर्सन, क्लियर, प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द अदर पर्सन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग दैट अदर पर्सन टू एंटर इन टू एन एग्रीमेंट, दैट इज कॉल्ड एज वॉट कोअर्शन, दैट इज कॉल्ड एज वॉट कोअर्शन। कोअर्शन हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, क्लियर है? कोअर्शन का मतलब क्या हुआ, फिजिकल फोर्स, फिजिकली मैंने आपको डरा धमका के कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया, ठीक है, चल साइन कर बंदूक दिखाकर, क्लियर है? या फिर मैंने बंदूक आपको दिखाया, या फिजिकल फोर्स अपने आपको दिखाया। थ्रेटनिंग टू कमिट सुसाइड, थ्रेटनिंग टू कमिट सुसाइड ऑल्सो इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोअर्शन। या थ्रेटनिंग टू कमिट क्या, थ्रेटनिंग टू इंजुरी, टू कॉज इंजुरी टू योर रिलेटिव, टू योर फ्रेंड, दैट इज ऑल्सो क्या, कोअर्शन। तो कोअर्शन के अंदर तीन चीज आ गया, या तो आपने थ्रेटन किया है पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट को, या पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट के फ्रेंड या रिलेटिव्स को, या खुद को, कहीं पे भी फिजिकल फोर्स यूज हुआ है, सो दैट इज ऑल्सो अ कोअर्शन। एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि अगर मान लो किसी ने धमकी दिया कि अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करोगे मैं सुसाइड कर लूंगा, तो क्या ये अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ क्या? गलती से भी अनड्यू इन्फ्लुएंस मत लिख कर आ जाना, इसको कोअर्शन ही बोला जाएगा। फिजिकल फोर्स जरूरी नहीं है कि आप जिस पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे हो उसके ऊपर करना है, आप खुद के ऊपर भी कर सकते हो, उसके कोई दोस्त के ऊपर भी कर सकते हो, उसके कोई रिलेटिव के ऊपर भी यूज कर सकते हो। फिजिकल फोर्स को यूज करने का मतलब ही बोला जाता है कोअर्शन, ठीक है? तो क्या बोला बताओ मैंने, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन अंडर द इंडियन पीनल कोड, और अनलॉफुली डिटेनिंग एनी प्रॉपर्टी, और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द अदर पर्सन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग दैट पर्सन टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज कोअर्शन। आर यू थ्रू विद दिस? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कोअर्शन। क्या बोला मैंने, अब ध्यान से सुनना, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कोअर्शन के अंडर आप एंटर कर रहे हो तो तीन चीजों का राइट दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट को क्या मान लोगे, वॉइडेबल। कॉन्ट्रैक्ट को क्या मान लोगे, वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब क्या हुआ, एनफोर्सिएबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी, ठीक है? सो इफ फ्री कंसेंट इज नॉट देयर देन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स क्या, वॉइडेबल, विच मीन्स इट कैन बी एनफोर्सिएबल ओनली एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी हुज फ्री कंसेंट वॉज नॉट देयर। मैंने आपको ना बंदूक दिखाकर बोला कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, आपने कर लिया, बट मे बी वो कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए बेनिफिशियल था, बट मेरा अंदाज गलत था, मैंने आपको गोली दिखाकर किया, तो अब ये आपके ऊपर है। अगर आपको लग रहा है कॉन्ट्रैक्ट में रहना आप रहो, अगर आपका मन है कॉन्ट्रैक्ट को रिसिंड कर देने का, कैंसिल कर देने का, वॉइड मान लेने का, वॉइड मान लो, ठीक है? तो एनफोर्सिएबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी। आर वी थ्रू विद दिस? क्लियर है? एनफोर्सिएबल एट द ऑप्शन ऑफ द क्या, एग्रीव्ड पार्टी। देख लो क्वेश्चन का डेफिनेशन सेक्शन 15 में, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, ठीक है? आई होप आपको पूरा ये याद हो गया होगा डेफिनेशन, क्लियर है? तो मैंने क्या बोला, गवर्न्ड अंडर सेक्शन 15, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन अंडर द इंडियन पीनल कोड 1860, डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन विद एन इंटेंशन ऑफ कॉजिंग दैट पर्सन टू एंटर इन टू द कॉन्ट्रैक्ट। थ्रेटनिंग टू शूट अ पर्सन, हिज फ्रेंड, या फिर क्या, टू डू सुइसाइड, ये सारे के सारे क्या होते हैं बताओ, कोअर्शन। आई थ्रू विद दिस? कोअर्शन में फिजिकल फोर्स होता है क्या? जी हाँ। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, यानी अगर आप कोअर्शन के जरिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करोगे तो वहां फ्री कॉन्सेंट नहीं माना जाएगा, और अगर फ्री कॉन्सेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहने वाला है, वॉइडेबल, दैट मींस एनफोर्सिएबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी, क्लियर है? नो, व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस? अनड्यू इन्फ्लुएंस कब होता है? इट हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन नंबर 16 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अनड्यू इन्फ्लुएंस में भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल माना जाएगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस होने के लिए there must be a relation between the two parties to the contract, and where one person is in a dominant position and is misusing his dominant position to create a moral pressure, mental pressure on the other person, he is taking the unfair advantage of his position and is inducing the other party to enter into the contract. Misuse कर रहा है, अपने position का unfair advantage ले रहा है, that means ये ऐसा कब होगा? teacher और student का relation कभी हुआ है आपके संग? स्कूल डेज में कोई टीचर आपके पीछे पड़ गया, से ट्यूशन लो नहीं तो तुम्हारा मार्क्स कम कर देंगे, बोर्ड्स में तुम्हारा मार्क्स कम कर देंगे, बोर्ड्स में तुमको डेफर कर देंगे, तो ये सब अनड्यू इन्फ्लुएंस है, ठीक है? आप वो सामने वाले टीचर को स्यू कर सकते हो, भले ही आप उसका ट्यूशन लेना चालू कर दिए, पैसा वगैरह मत देना उसको,
बोला नहीं, मैंने ये जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया ना आपके पूरे बहकावे में आकर किया है, समझ में आ रहा है? तो ये अंडू इन्फ्लुएंस है, मैं केस करता हूँ आपके ऊपर अंडू इन्फ्लुएंस का। तो इसको बोलते हैं अंडू इन्फ्लुएंस। या फिर पुजारी और उसके भक्त, प्रीस्ट एंड हिज फॉलोअर। कितनी बार आप देखते हो ना पंडित कितना बड़ा बड़ा पूजा करवा लेते हैं, इतना महंगा महंगा कितना दान वगैरह करवा लेते हैं, कैसे करके इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस करके गलत तरीके से, मॉरली बोलेंगे ये दान करो, तुला दान करो, अपने वजन का सोना दान करो, इतना आपको जो है मुक्ति मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, समझ में आ रहा? तो ये क्या हो गया अंडू इन्फ्लुएंस करना, क्या हो गया बताओ? अंडू इन्फ्लुएंस। तो प्रीस्ट और फॉलोअर, टीचर और स्टूडेंट, कोई भी बंदा जो आपसे डोमिनेंट पोजिशन में, वो आपके संग क्या कर सकता है बताओ? अंडू इन्फ्लुएंस। और अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अंडू इन्फ्लुएंस के अंडर एंटर किया है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहने वाला है? वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द ग्रीव्ड पार्टी। द कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन क्या? वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द ग्रीव्ड पार्टी। यस, दीक्षा बोल रही है मैम, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन, हमारे मम्मी पापा भी हमारे संग बहुत ज्यादा अंडू इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है? घर में मम्मी पापा सुन रहे होंगे, क्लियर? इट इज गवर्न अंडर क्या? सेक्शन नंबर 16 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। A person occupying a क्या dominant position misuses such position to get undue advantage over the other person. Superior party occupying a dominant position, superior party misuses his dominant position. Teacher and student, priest and follower, parents and children. ठीक है? If these two element exist, then undue influence exists. Coercion और undue influence का difference बहुत बार आ चुका है exam में, देख लीजिए, फटाफट नजर घुमा लीजिए। Coercion का definition लिख देना पहले, फिर undue influence, misuse of the dominant position. Section 15, section 16, यहाँ पे physical force use किया जा रहा है या mental pressure, ठीक है? यहाँ पे relation होना दो पार्टी के बीच में जरूरी नहीं है, यहाँ पे relation होना जरूरी है। ये क्या criminal nature हुआ क्या? हाँ, IPC के तहत भी तुमको सजा मिल सकता है उसके लिए, लेकिन ये जो undue influence है, ये कोई criminal nature का जो है crime नहीं है। Are we through with this guys? Clear है क्या? कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। सो दिस कंप्लीट्स योर सेक्शन नंबर क्या बताओ 15 एंड 16। नाउ टू स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 17। गेस करो सेक्शन नंबर 17 क्या है मेरे बच्चे, गेस करो सेक्शन नंबर 17 क्या है, फटाफट फटाफट गेस करो, फटाफट गेस करो सेक्शन नंबर 17 क्या है। गेस गेस गेस, व्हाट इज सेक्शन नंबर 17? सेक्शन नंबर 17 को गेस करिए प्यारे प्यारे बच्चे। सेक्शन नंबर 17 क्या है मेरे बच्चे बताइए? फ्रॉड। फ्रॉड सेक्शन नंबर 17, मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन नंबर 18। फ्रॉड है सेक्शन नंबर 17, मिसरिप्रेजेंटेशन है सेक्शन नंबर 18। जल्दी जल्दी आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए, मजा करेंगे, मजा करेंगे, मौजा ही मौजा। फ्रॉड 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 सुनकर कितना खराब लगता है यार, फ्रॉड फ्रॉड कर दिया तुमने मेरे संग, ठीक है? जो बच्चे मुझे यहां से छोड़कर जा रहे हैं ना, मेरे को फ्रॉड फ्रॉड कर रहे हैं मेरे संग, यहीं रहिए यहीं रहिए, कहीं मत जाइए कहीं मत जाइए, ठीक है? अब ये मत बोलना मैम अंडू इन्फ्लुएंस कर रही है हमारे संग, क्लियर है? फ्रॉड, फ्रॉड हैज बीन डिफाइंड अंडर क्या बताओ? सेक्शन नंबर 17 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फ्रॉड का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। फ्रॉड का मतलब होता है व्हेन वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट मेक्स अ फॉल्स असर्शन, मेक्स अ रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन नोइंगली और रेकलेसली, एंड सच एन असर्शन रिलेट्स टू फैक्ट, सच अ रॉन्गफुल असर्शन रिलेट्स टू फैक्ट विद एन इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी, विद एन इंटेंशन टू इंड्यूस द अदर पार्टी टू एंटर इन टू द कॉन्ट्रैक्ट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट रॉन्ग असर्शन द अदर पार्टी हैज एंटर्ड इन टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्सिक्वेंटली सफर्स अ लॉस, दैट इज कॉल्ड एज फ्रॉड, दैट इज कॉल्ड एज फ्रॉड। अभी थ्रू विद दिस, तो एक एक चीजों को आपने नोटिस किया, मैंने एक एक पॉइंट को हाईलाइट किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉड के डेफिनेशन के लिए। सबसे पहले मैंने क्या बोला बताओ? फ्रॉड का मतलब क्या होता है बताओ? व्हाट डज द वर्ड फ्रॉड मीन्स? जब एक पार्टी, ठीक है, कोई भी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट ने कुछ गलत चीज बोला, रॉन्ग असर्शन किया, और वो असर्शन क्या चीज का होना चाहिए? लॉ का नहीं, ठीक है? लॉ के नॉट बी अनोइंगली या नोइंगली, अगर आप ये बोलोगे कि मैंने लॉ को जो है ना पढ़ा नहीं जाना नहीं, इट कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज। सो सच एन असर्शन मस्ट रिलेट टू क्या? फैक्ट। और ये क्या बोला मैंने, नोइंगली या फिर रेकलेसली? इंटेंशन क्या है? टू डिसीव द अदर पार्टी, और सामने वाला जो आपके संग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया ऑन द बेसिस ऑफ दैट रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन, जिसकी वजह से उसे क्या हो गया? लॉस हो गया। इसको बोलते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन, दैट इज कॉल्ड एज मिस रिप्रेजेंटेशन। सो सॉरी दैट इज कॉल्ड एज वॉट? फ्रॉड। क्या बोलते हैं इसको बताओ? फ्रॉड। हम लोग अचानक से मिसरिप्रेजेंटेशन में चले गए, ये रहा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? फ्रॉड। मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है बाद में बताएंगे, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? फ्रॉड। फ्रॉड में क्या बोला बताओ? व्हेन वन पार्टी मेक्स एन फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, सच फॉल्स रिप्रेजेंटेशन क्या बोला? रिलेट्स टू क्या? फैक्ट। इंटेंशन टू डिसीव अदर पार्टी एंड ऑन द बेसिस ऑफ सच रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन सफर सम लॉस। अब ध्यान से सुनना, अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए हो ना, तो एग्रीव्ड पार्टी हैज गॉट थ्री ऑप्शन। द एग्रीव्ड पार्टी, अब यहाँ पे यही अज्यूम किया जाएगा फ्री कॉन्सेंट नहीं था पार्टी का, तो यहाँ पे द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ट्रीटेड एज क्या? वॉइडेबल, ठीक है? सो द अग्रीव्ड पार्टी विल डिसाइड वेदर ही वॉन्ट्स टू स्टे इन द कॉन्ट्रैक्ट और ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज वॉइड। तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड
वैलिड रखना है कि void उसके हाथ में है, the contract is voidable, that is enforceable at the option of the aggrieved party. इसके अलावा he can sue for damages and number 3 can also sue under the IPC 1860 Indian Penal Code में भी जो है ना वो claim कर सकता है और सामने वाले को जेल भिजवा सकता है. Are we through with this? तो fraud होने के लिए मैंने essential elements क्या क्या बोला बताओ. False representation knowingly या फिर recklessly relates to क्या fact और क्या बोला with an intention to deceive the other party and the other party has entered into the contract on the basis of that wrong representation and consequently suffers a loss. Are we through with this? Fraud का effect क्या बोला voidable हो जाएगा, damages के लिए sue करेगा और Indian Penal Code में क्या होगा imprisonment होगा. Are we through with this guys? So this is your section number 17. अब for example क्या देखो ये वाला example. A puts a board outside his premises that the horse he sells are fit and sound. B without reading that board, board नहीं पढ़ा उसने, board नहीं पढ़ा, buys horse from A. Did A make false representation? हाँ गलत तो बोला. अब आपको पता है अंदर में स्टड फार्म में जितने भी हॉर्स थे ना सारे के सारे लुनेटिक थे, पागल घोड़ा बेच रहा था और बाहर बोर्ड लगा रखा है कि घोड़ा बड़ा ही तंदुरुस्त और स्वस्थ है दिमागी तौर से भी और फिजिकली भी. तो क्या उसने गलत रिप्रेजेंटेशन किया? हाँ. लेकिन क्या जो बी है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया ऑन द बेसिस ऑफ दैट फॉल्स रिप्रेजेंटेशन? नेवर. क्या लिखे वो बोर्ड पढ़ा ही नहीं और हॉर्स को परचेज कर लिया तो क्या इसको फ्रॉड बोला जाएगा? फ्रॉड नहीं बोला जाएगा बिकॉज यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ दैट रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ही हैज नॉट एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. इंटेंशन टू डिसीव था, रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन था, फैक्ट का था बट द अदर पार्टी हैज नॉट एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन सो इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज फ्रॉड. हैड ही रेड द बोर्ड एंड देन ही हैज एंटर्ड द कॉन्ट्रैक्ट देन इट विल अमाउंट टू फ्रॉड बिकॉज ही हैज एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन. Are we through with this guys? कोई डाउट है यहां तक? एकदम क्लियर है, ठीक है ना? हाँ, अगर बोर्ड पढ़कर जाता तो फ्रॉड माना जाएगा, बिना बोर्ड पढ़े गया तो कोई फ्रॉड नहीं है. क्लियर है? बट अगेन देर इज टू एक्सेप्शन. क्लियर है? अगेन देर इज टू एक्सेप्शन. वेरी गुड शारिक, वेरी गुड अनिमेश, स्नेहा, गर्व, सुपर्ब, सो प्राउड ऑफ यू गाइज. चलो अब इसका दो एक्सेप्शन है. दो एक्सेप्शन क्या, ध्यान से सुनना. When it is a duty of the person to speak. अच्छा तो exception क्या चीज का? Silence does not amounts to fraud. Silence does not amounts to fraud. Mere silence का मतलब fraud नहीं होता है. Mere silence का मतलब fraud नहीं होता है. Except in two cases. अब इसके example सुनो ना. Mere silence does not amounts to fraud का मतलब, for example मान लो Mr. A, ठीक है, Mr. A Mr. B के पास गया. B का क्या था? Pig farm. Mr. A ने B से pig खरीदा और जो B है ना वो Mr. A को जो pig बेचा ना, they were the infected pig. Clear? And Mr. B knows about it. Mr. B को पता है ये सारे के सारे pigs ना बीमार वाले pigs है और A ने जैसे ही ये pig को खरीदा, A ने कुछ पूछा नहीं, कुछ inquiry नहीं किया, बस pig को खरीद के चला गया. अब जैसे ही A pigs को खरीद कर अपने pig farm में लेकर गया तो बाद बाकी pigs जो है ना, they also contracted that virus and got infected. Now can you tell me, Mr. A can sue Mr. B on the grounds of fraud? Is it called a fraud? Come on, tell me. This is a very important case study. बहुत बार एग्जाम से वाला क्वेश्चन आया. बताओ इसका आंसर. क्या मिस्टर ए मिस्टर बी को स्यू करेगा क्योंकि उसने उसको इन्फेक्टेड पिक्स का सप्लाई किया है? उसने उसको इन्फेक्टेड पिक्स का सप्लाई किया है और मिस्टर बी को अच्छी तरह से पता था पिक्स इन्फेक्टेड है. बताओ 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 बताओ. वेरी क्विकली गाइस, टेल मी द आंसर. यस गाइस, टेल मी द आंसर, टेल मी द आंसर. यस, वेरी गुड, वेरी गुड संस्कार. It is not a fraud. It is not a fraud. A cannot sue Mr. B on the grounds of the fraud because mere silence does not means fraud. B was just silent. समझ मारे? B से पूछा नहीं गया. अगर हाँ B से पूछा जाता कि ये pig में कोई बीमारी है, pig जो हम ले जा रहे ठीक है कि नहीं, और B अगर उस समय silent रहता तब इसको fraud माना जाता. Mere silence does not amounts to fraud. Held in the case of, बताओ held in the case of क्या? बताओ held in the case of क्या? वेरी गुड, बताओ. हेल्ड इन द केस ऑफ वर्ड्स वर्सेस हॉब, याद है ना? हेल्ड इन द केस ऑफ क्या हमने किया था डिस्कस? वर्ड वर्सेस हॉब्स. हेल्ड इन द केस ऑफ वर्ड्स वर्सेस हॉब, इट्स नॉट अ फ्रॉड. मेयर साइलेंस ऑन द पार्ट, ठीक है, डज नॉट अमाउंट्स टू एनी, मेयर साइलेंस ऑन द पार्ट ऑफ एनी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट अमाउंट्स टू फ्रॉड. हाउएवर इसका दो एक्सेप्शन है. दो एक्सेप्शन क्या है? नंबर वन, व्हेन इट इज अ ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू स्पीक, एंड व्हेन नंबर टू, साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड. साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच. व्हेन इट इज अ ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू स्पीक एंड व्हेन साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, जनरली साइलेंस डज नॉट अमाउंट्स टू फ्रॉड इन,
ठीक है, जनरली साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, बट इसका दो एक्सेप्शन है, व्हेन इट इज अ ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू स्पीक एंड व्हेन साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच. व्हेन इट इज अ ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू स्पीक, व्हेन इट इज अ ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू स्पीक. उबरी में फिड्डी का मतलब क्या होता है बताओ? उबरी में फिड्डी का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, अटमोस्ट गुड फेथ. ऐसे पांच कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां पे उबरी में फिड्डी होता है. एंड व्हेन इट इज अ ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू स्पीक, बताओ कब कब होता है? फिड्यूशियरी रिलेशन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फिड्यूशियरी रिलेशन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, प्रोस्पेक्टस, या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट. क्लियर है? देयर इज अ क्या, ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू स्पीक. क्लियर है? वहां पे साइलेंस जो है डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड विल नॉट होल्ड गुड. फॉर एग्जांपल मान लो एक प्रिंसिपल और एक एजेंट का रिलेशन फिड्यूशियरी रिलेशन है. अब जैसे मान लो आपने अपने लिए ना एक शेयर एजेंट अपॉइंट करके रखा है, शेयर एजेंट, और आपने बोला यार अपना शेयर्स जो है ना मुझे मार्केट में बेस्ट ब्लू चिप कंपनी का शेयर दिलवा दो. अब वो सामने वाले बंदे ने क्या किया, ब्रोकर ने अपना ही शेयर आपको ट्रांसफर कर दिया इस बात को कंसील करके कि वो शेयर का रियल ओनर वो है. तो क्या हम इसको फ्रॉड बोलेंगे? हाँ, क्योंकि यहाँ पे इतना मटेरियल फैक्ट को कंसील किया गया था, नोइंगली कंसील किया गया था, एंड इट वॉज अ ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू स्पीक, क्योंकि इट वॉज अ फिड्यूशियरी रिलेशन. क्लियर है? इट वॉज अ फिड्यूशियरी रिलेशन. फिड्यूशियरी रिलेशन क्या होता है? व्हेन वन पर्सन रिपोजेस द ट्रस्ट ऑन द अदर टू रिवील ऑल द मटेरियल फैक्ट्स अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट. ही कैन नॉट कंसील एनी मटेरियल फैक्ट्स अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट. या फिर एक बाप ने डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी जानबूझकर अपने बेटे को बेच दिया. सो इन दैट केस क्या उसको फ्रॉड बोला जा सकता है? हाँ, बिल्कुल बोला जा सकता है, क्योंकि जो पापा और सन के बीच का रिलेशन है, दैट इज अ फिड्यूशियरी रिलेशन, एक म्यूचुअल ट्रस्ट का, अटमोस्ट गुड फेथ का रिलेशन है. तो अगर वो बिना भी पूछे बेटे के अगर नहीं बताता है कि ये जमीन डिस्प्यूटेड है, तो उसका गलती और उसको फ्रॉड माना जाएगा. एंड इन दैट केस द कॉन्ट्रैक्ट विल बी ट्रीटेड एज क्या, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी. आर वी थ्रू विद दिस गाइस? क्लियर है? तो वापस से मेरे को बोलो, मैंने क्या बोला? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, फिड्यूशियरी रिलेशन, मैरिज, प्रोस्पेक्टस. ठीक है, इसमें केस लॉ भी मैंने आपको डिस्कस करवाया था, अगर आपको याद है प्रोस्पेक्टस का केस में, रेक्स वर्सेस लॉर्ड काइलसैंड. ठीक है, जहां पे बोला था एक कंपनी जो है वो 5 साल से लॉस पे लॉस कमा रहा है, लेकिन प्रोस्पेक्टस में क्या दिखा रहा है कि वो 5 साल से सॉलिड डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है, बट ये नहीं बोला कि जो डिविडेंड है आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स डिक्लेयर कर रहा है, पास्ट ईयर के प्रॉफिट से डिक्लेयर कर रहा है, पास्ट 5 ईयर्स में दे आर इनकरिंग अ लॉस, ये बात को हाइड किया गया है. सो इन दैट केस अगेन इसको क्या मान लिया जाएगा? फ्रॉड, क्योंकि यहाँ पे इट इज अ ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू स्पीक अबाउट द लॉसेस टू द प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर. क्लियर है? फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज. क्लियर? हेल्ड इन द केस ऑफ हाजी अहमद वर्सेज अब्दुल गासी. हाजी अहमद वर्सेज अब्दुल गासी में ही हैज क्या, हिडन अ वेरी मटेरियल फैक्ट दैट द पर्सन वॉज इंपोर्टेंट. एंड आफ्टर द मैरिज द वाइफ क्या बोल रही है, जो मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट है मैं इसको रिसेंड करती हूँ, मैं इसको नहीं मानती हूँ, क्योंकि आपने इतना बड़ा बात मुझसे छुपाया. आई होप यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपोर्टेंसी. क्लियर है? सो दिस कंप्लीट्स योर फ्रॉड. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मिसरिप्रेजेंटेशन. अब मिसरिप्रेजेंटेशन में फ्रॉड में 3 consequences था, अवॉइडेबल था, फिर उसके बाद डैमेजेस के लिए स्यू कर सकते थे, इंडियन पिनल कोड में स्यू कर सकते थे, लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन में ओनली द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी हेल्ड अवॉइडेबल. ठीक है, विच मीन्स एनफोर्सिएबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी. मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या, ध्यान से सुनना, व्हेन वन पार्टी मेक्स अ फॉल्स असर्शन, रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन टू द अदर पार्टी, ठीक है, विद एन ऑनेस्ट बिलीफ इन द ट्रूथ एंड सच एन असर्शन रिलेट्स टू द फैक्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट रॉन्ग assertion, the other party enters into the contract and suffers a loss. But here, there was no intention to deceive the other party. ये intention to deceive नहीं था. और आपको एक honest belief था truth के अंदर कि हाँ, कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है. लेकिन बाद में जो है वो condition change हो गया. Clear है? So that will be held as misrepresentation and the contract will be regarded as voidable, which means enforceable at the option of the aggrieved party. He cannot claim for क्या damages or he cannot sue under IPC. क्लियर है? सो लेट इज कॉल्ड एज व्हाट, मिसरिप्रेजेंटेशन. मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन. फ्रॉड इज अ विलफुल, जानबूझकर किया गया मिसरिप्रेजेंटेशन विद एन इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी. बट इन मिसरिप्रेजेंटेशन देयर वाज नो इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी. क्लियर है? सेक्शन 17 टॉक्स अबाउट फ्रॉड, सेक्शन 18 टॉक्स अबाउट मिसरिप्रेजेंटेशन. यहाँ पे इंटेंशन टू डिसीव है या इंटेंशन टू डिसीव नहीं है. फ्रॉड वॉज डन नोइंगली या फिर रेकलेसली. यहाँ पे क्या था, ऑनेस्ट बिलीव इन द ट्रूथ. एग्रीव्ड पार्टी कैन सू फॉर डैमेजेस एंड इम्प्रिजनमेंट. वॉइडेबल तो दोनों में ही है, और यहाँ पे कैनॉट सू फॉर डैमेजेस एंड इम्प्रिजनमेंट. विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन, इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन. प्लीज रीड आउट द डिफरेंसेस. आर वी थ्रू विद दिस? सो दिस कंप्लीट्स योर क्या, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन एज वेल. सेक्शन नंबर 17 एंड 18 डन. कोअर्शन डन. अंडू इन्फ्लुएंस डन. 15, 16, 17, 18. But are we through with this, guys? Come on, bug up yourself, guys. Bug up yourself.
मजा आ रहा है कि नहीं बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं? अब इसके बाद हम लोग अनलॉफुल ऑब्जेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। यस, ये मत पूछो शिखा कब तक लेक्चर होगा, बस मेरे संग टिके रहो, टिके रहो, टिके रहो, टिके रहो, बस मैं आपको गारंटी करती हूँ कि जबरदस्त सेशन होगा इसी तरह और आप बहुत एंजॉय करोगे। ठीक है, फटाफट गाइस, फटाफट दोस्तों, फटाफट दोस्तों, फटाफट, वेरी क्विकली। वेरी गुड, हाँ एक बार फटाफट इसको रिवाइज कर लीजिए, कोई भी दिक्कत है आप आराम से पूछ सकते हैं, फटाफट इसको रिवाइज कर लीजिए, वेरी क्विकली रिवाइज दिस टॉपिक। जबरदस्त मजा आ रहा है मुझे तो पढ़ाकर भाई, आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ मजा आ रहा है ना, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। समथिंग डिफरेंट इज सेइंग बहुत बहुत शानदार सेशन हो रहा है मैम, संस्कार विथ फुल फायर, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। केआई सिंह मैम यू आर जस्ट फायर, आपको पता है यही सारे वर्ड्स आपके हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देते और मुझे मतलब यू नो इट कीप्स मी अप, रीडिंग योर कॉमेंट्स, रीडिंग योर मैसेजेस, इट पुल्स अप माई स्पिरिट। मैं कितनी भी टायर्ड हूँ, कितनी भी थकी हुई हूँ, आपका ये पॉजिटिव फीडबैक ना मुझे एकदम पंप अप कर देता है। सो प्लीज़ गाइज, सेशन खत्म होने के बाद कॉमेंट सेक्शन में भी ज़रूर ज़रूर लिख कर बताइएगा कि आज का सेशन कैसा लगा, चैटबॉक्स में नहीं कॉमेंट में भी लिख कर बताइएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, चलो आ जाओ आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन क्लियर है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे बताओ क्या, लॉफुल ऑब्जेक्ट। याद है हम लोगों ने पढ़ा था एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में, वैलिड कंसिडरेशन, ऑफर एक्सेप्टेंस डन, फ्री कॉन्सेंट ऑफ द पार्टी ऑल्सो डन, लीगल कैपेसिटी ऑफ द पार्टी ऑल्सो डन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट। एक एक बच्चों से रिक्वेस्ट है, जितना भी आप कॉमेंट दे रहे हो ना यार चैट बॉक्स में, लाइव स्ट्रीमिंग एंड होने के बाद 30 सेकंड्स लगेगा, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है, और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा। यस, चलो आ जाओ अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। तो ध्यान से सुनना, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसका कंसिडरेशन या जिसका ऑब्जेक्ट अगर अनलॉफुल है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड माना जाएगा। एनी कॉन्ट्रैक्ट, एनी एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट तो बना ही नहीं ना, सो एनी एग्रीमेंट द ऑब्जेक्ट और द कंसिडरेशन ऑफ विच इज अनलॉफुल, ठीक है, अनलॉफुल, दैट विल बी रिगार्डेड एज वॉट, वॉइड, दैट विल बी रिगार्डेड एज वॉट, वॉइड। अब ध्यान से सुनना, कब हम लोग बोलेंगे कि जो ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल है, वेन जो ऑब्जेक्ट है ना इट डिफीट्स द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। सपोज करो हम लोग बोल रहे हैं स्नेहा, मैं स्नेहा के संग एक एग्रीमेंट में एंटर कर रही हूँ, हम लोग दोनों मिलकर ना गांजा का धंधा करेंगे, अफीम बेचने का धंधा करेंगे, या मैंने आपके संग एक एग्रीमेंट किया, ठीक है, प्रथम को उड़ा दो, जाओ प्रथम को उड़ा दो, क्लियर है? तो आपको क्या लगता है जितने भी हमारे बीच में एग्रीमेंट हो रहे क्या ये लॉफुल एग्रीमेंट है? नहीं भाई, दे आर डिफिटिंग, दे आर फोरबिडन बाय द लॉ। ये सारे के सारे जितने भी हमारे बीच में एग्रीमेंट हो रहे हैं ना ये लॉ के विरुद्ध जा रहे हैं, फोरबिडन बाय द इंडियन पीनल कोड 1860, किसी को उड़ाना, किसी को चाकू मार देना, ये सब फोरबिडन है अंडर आईपीसी के तहत, समझ में आ रहा है? सो एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि अनलॉफुल है, कब? इफ इट इज क्या, फोरबिडन बाय द लॉ, क्लियर है? इफ इट इज डिफिटिंग द प्रोविजंस ऑफ द लॉ, वो फ्रॉडुलेंट है, क्या है मेरे को बताओ, फ्रॉडुलेंट, क्या है मेरे को बताओ, फ्रॉडुलेंट, क्या मेरे को बताओ, फ्रॉडुलेंट, या फिर क्या है, इमोरल, या फिर क्या है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, या फिर इट इज कॉजिंग इंजुरी टू एनी पर्सन और टू द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्सन। सो इन दैट केस क्या मान लिया जाएगा बताओ, एग्रीमेंट विल बी वॉइड, ठीक है? तो क्या क्या बोला, अनलॉफुल कब होगा, फोरबिडन बाय द लॉ, या फिर क्या बोला, डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ द लॉ, बोथ आर सेम, फ्रॉडुलेंट है, इंजुरी टू द पर्सन, इमोरल है, इमोरल मतलब अश्लील, अश्लीलता, एनी एग्रीमेंट ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एंड ऑल, ऑल दिस इज व्हाट, वॉइड, क्लियर है? या फिर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, और इंजुरी टू पर्सन मतलब किसी को उड़ा देना, या किसी की प्रॉपर्टी को बुलडोजर चला के उड़ा देना, या डिफिटिंग द प्रोविजन ऑफ द लॉ, क्लियर है? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का बहुत सारा केसेस है जो डिटेल में भी एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के अंदर क्या क्या आता है, क्लियर है? इमोरल समझ गए? अब ध्यान से सुनना, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के अंदर कोई भी 5 पॉइंट अगर आपको याद है, आपने मेरे संग किया है, तो फटाफट मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए, फटाफट फटाफट, वेरी क्विकली आंसर मी इन द चैट बॉक्स, एनी फाइव केसेस विच इज अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, विच इज अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, कोई भी 5 केस बताइए अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। ऑलरेडी हमने किया था लीगल कैपेसिटी में भी, एनी एग्रीमेंट एंटर्ड इन टू विथ क्या, एलियन एनिमी, ठीक है, एग्रीमेंट टू ट्रेड विथ एलियन एनिमी, ये क्या होगा, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। या फिर क्या बोला,
एनी एग्रीमेंट टू कमिट अ क्राइम, या फिर क्या बोला बताओ, एग्रीमेंट विच इंटरफेयर्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस, या फिर क्या एग्रीमेंट इन द रेस्ट्रेन ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग, या फिर एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ समवन्स पर्सनल फ्रीडम, या एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ पेरेंटल राइट, एग्रीमेंट इन अपोजिंग योर प्रोफेशनल ड्यूटी, एग्रीमेंट अपोजिंग मार्शियल ड्यूटी, या फिर मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, क्लियर है? ये सारे के सारे क्या है बताओ, वॉइड, बिकॉज ऑल दीज एग्रीमेंट्स रिलेट टू अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. तो कितनी बार एग्जाम में ना आ जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. तो इसके अंदर क्या क्या मैंने बोला बताओ. अच्छा, पहले मेरे को ये बता दो, कंसिडरेशन अनलॉफुल कब कब होगा? इफ इट इज फॉरबिडन बाय द लॉ, कॉजेज इंजूरी टू द पर्सन, इमोरल, फ्रॉडुलेंट, या बोला अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. अब हमने डिस्कस किया अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कब कब है. एग्रीमेंट टू ट्रेड विद अ क्या, एलियन एनिमी. आपको पता है ना एलियन एनिमी कौन होते हैं? वही एलियन एनिमी आर द पर्संस ऑफ द कंट्री विद विच आवर कंट्री इज इन अ स्टेट ऑफ वॉर. उसके संग अगर आप कोई भी एग्रीमेंट करोगे क्या माना जाएगा? वॉइड. या फिर एग्रीमेंट टू कमिट अ क्राइम, क्या बोल रहे हैं, किसी को उड़ा देते हैं, ठीक है, किसी को गोली मार के उड़ा देते हैं, किसी का मर्डर कर देते हैं. सो ऑल दीज आर क्या, क्राइम अंडर आईपीसी 1860. तो इसको क्या मान लिया जाएगा, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, एंड ऑल सच एग्रीमेंट विल बी व्हाट, वॉइड. या एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, मैं तुमको 1 करोड़ रुपया दूंगी, तुम इससे शादी मत करना. अरे भाई ऐसे थोड़ी होता है, किसी को आप रोक नहीं सकते किसी से भी शादी करने के लिए, प्रोवाइडेड यू हैव बिकम अ मेजर, बिकॉज माइनर के लिए जो है ना उनके गार्जियन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज का एग्रीमेंट कर सकते हैं. क्लियर है? अब जैसे सपोज करो आपका कोई बॉयफ्रेंड है, आपको बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, आपके संग एग्रीमेंट कर लिया कि तुम मेरी नहीं हुई तो किसी और की नहीं हो सकती, मैं तुमको 1 करोड़ रुपया दूंगा, एग्रीमेंट साइन करो. भाई ये सब एग्रीमेंट नहीं चलता इंडिया में, ये सारे के सारे एग्रीमेंट क्या है, वॉइड है, वॉइड है. या फिर एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ पर्सनल फ्रीडम, हम तुमको 1 करोड़ रुपया देंगे, ठीक है, तुम एक काम करना, अपने घर से मत निकलना, रूम में लॉक होकर रहना अपने आप को. तो भाई ये सब क्या है, किसी का पर्सनल फ्रीडम आप रिस्ट्रिक्ट कर दोगे, मैं तुमको 1 करोड़ रुपया देती हूँ, तुम वॉशरूम मत जाना, क्या ये सब पॉसिबल है क्या भाई? किसी के पर्सनल फ्रीडम को आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, भूल गए क्या वो फंडामेंटल, जियो और जीने दो. सबके लाइफ में कमती टेंशन है क्या यार, इंटरफेयर करना बंद करो, खुद भी जियो और दूसरों को भी जियो जीने दो, है ना? और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी बोला गया है आर्टिकल नंबर 21 में, क्लियर है? किसी के भी सब, एवरीवन इज हैविंग दैट फ्रीडम टू लिव देयर लाइफ इन देयर ओन वे, यू कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट देम, रिस्ट्रेन देम. आर यू गेटिंग दिस ऑर नॉट? सो एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ क्या बोला, पर्सनल फ्रीडम, जियो और जीने दो, ठीक है? तो कोई अगर आपको ज्यादा परेशान करे तो बोल देना जियो और जीने दो, ठीक है, क्लियर है? दो पल की जिंदगी जियो और जीने दो, क्लियर. फिर उसके बाद एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ पेरेंटल राइट. ओ माई गॉड, यही बचा था क्या? पहले तो गर्लफ्रेंड ने आपको मना किया कि इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, फिर गर्लफ्रेंड ने जो आपसे शादी कर लिया, या फिर बोल रहे इससे शादी मत करो, अब इसके बाद यार और क्या बचा था? अब क्या है, 1 करोड़ रुपया तुमको देंगे, तुम जो है ना कभी भी बच्चा मत पैदा करना. माई गॉड, ये सुनने के पहले मेरे कान क्यों नहीं फट गए, धरती क्यों नहीं फट गई? आप ऐसा कर सकते हो क्या, किसी को रिलिंक्विश करने बोल रहे हो कि तुम अपना पेरेंटल राइट रिलिंक्विश कर दो, यानी तुम जो है बच्चा वगैरह प्रोड्यूस नहीं करोगे? मैंने ये नहीं बोला कि तुम कर नहीं सकते, बट यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि तुम नहीं करोगे, ऐसा तुमने कोई एग्रीमेंट साइन कर दिया. You've entered into an agreement where you are relinquishing your parental right, but later on you are producing a children. No one can sue you. Clear है? क्योंकि वो सारे agreement क्या थे? खोखले, void. Are we through with this, guys? Are we through with this? Clear है? फिर उसके बाद क्या बोला? Marriage brokerage contract. ये दलाल लोग होते हैं ना, फोटो लेकर घूमते रहते हैं घर घर, इससे शादी कर लो, उससे शादी कर लो. तो ये जो दलाल लोग के संग जितने भी आप agreement करते हो ना, ये सारे के सारे void होते हैं. Then what about that shaadi.com, so-called shaadi.com matrimonial website? They are not providing marriage brokerage services according to them. They are saying we are providing counseling services. तो उनको बोला कि ये लोग counseling का servicing कर रहे हैं, service दे रहे हैं, ठीक है? जीवन साथी चुनने में आपको help कर रहे हैं, आपको counseling advisory services दे रहे हैं, तो उसको आप void नहीं मान सकते हो, क्लियर है? अदरवाइज जो पंडित वगैरह घूमते हैं घर घर, दलाली करते हैं शादी का, वो सारे के सारे एग्रीमेंट क्या है, वॉइड. हाँ, लेकिन जो शेयर ब्रोकरेज है, या फिर मान लो प्रॉपर्टी ट्रांसफर का ब्रोकरेज वगैरह, वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या रहने वाले, वैलिड. या फिर ट्रैफिकिंग ऑफ द पब्लिक ऑफिसेस, पब्लिक टाइटल. अब यही दिन देखने को बच गया था, करप्शन इतना गिर गया है. हाँ भाई, लोग क्या कर रहे, टाइटल खरीद रहे, समझ में आ रहा है? पैसा देकर क्या खरीद रहे, टाइटल. अब ये क्या बोल रहा है कि यार मेरे को ना कल अवार्ड मिलने वाला है, मान लो कंपनी को नवरत्न, मिनी रत्न, ये सबका अवार्ड मिलता है, पीएसयू उसको बोल रहा है तुमको इतना रुपया देंगे, 1 करोड़ रुपया, ये टाइटल मेरे को मिलना चाहिए, पद्म भूषण अवार्ड कल होने वाला है, मेरे को मिलना चाहिए. तो भाई ऐसे थोड़ी होता है, आप रुपया देकर टाइटल खरीद रहे हो. तो ये सारे के सारे एग्रीमेंट क्या, अवॉइड ऑल दीज एग्रीमेंट वेर यू आर ट्रैफिकिंग. ट्रैफिकिंग मतलब खरीदा बेची करना पब्लिक टाइटल का, पब्लिक पोस्ट का, मेरे को ये पोस्ट दिलवा दो, 1 करोड़ रुपया देंगे. तो ये सारे के सारे एग्रीमेंट क्या है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, एंड दे आर अवॉइड.
अभी थ्रू विद दिस या फिर एग्रीमेंट अपोजिंग क्या प्रोफेशनल ड्यूटी, समझ में आ रहा है? प्रोफेशनल ड्यूटी, कल को आकर मुझे कोई बोल रहा है आपको 1 करोड़ रुपया देंगे, बच्चों को पढ़ाना छोड़ दीजिए, मैं तो नहीं छोड़ूंगी, मेरा जान ले लो तुम, पढ़ाना मेरा पैशन है, छीन कर दिखाए मुझे कोई, तो कोई भी चीज जो मेरे ड्यूटी के, जो मेरे प्रोफेशनल ड्यूटी के आड़े आ रहे हैं ना, वो सारे के सारे एग्रीमेंट क्या हो जाएंगे, वॉइड, क्या हो जाएंगे बताओ, वॉइड, क्लियर है? या फिर एग्रीमेंट अपोजिंग मार्शियल ड्यूटी, समझ में आ रहा है? अब मान लो कोई सोल्जर को आप बोल रहे हो कि लड़ाई करने मत जाओ, कारगिल से कॉल आया है, समझ में आ रहा है? कारगिल से कॉल आया है कि तुमको जो है ना अभी आना पड़ेगा इमीडिएटली बॉर्डर पे, पीओके में आना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत बड़ा अटैक होने वाला है, आप बोल रहे हो नहीं हम नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर मैंने ना कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है किसी को, मुझे गिटार सिखाना है, मुझे गिटार भी अच्छा आता है सिखाना, तो भाई ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या माना जाएगा, वॉइड, एग्रीमेंट को वॉइड माना जाएगा, विच इज कमिंग इन द वे ऑफ एग्जिबिटिंग द ड्यूटी ऑफ अ सोल्जर, मार्शियल ड्यूटी, अभी थ्रू विद दिस, या फिर एग्रीमेंट हो क्या डिफ्रॉड टैक्स अथॉरिटी क्रेडिटर एटसेट्रा, क्लियर है क्या यहाँ तक बताओ, अभी थ्रू विद दिस। अब सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुना, दिस इज इंटरेस्टिंग, ये अलग से भी आता है, एग्रीमेंट इंटरफेयरिंग विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस, एग्रीमेंट इंटरफेयरिंग विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस। अब ध्यान से सुना, यहाँ पे क्या किया आपने, एक एग्रीमेंट में एंटर किया क्या करने के लिए, जज के जजमेंट को रॉन्गली इन्फ्लुएंस करने के लिए, ठीक है? आपने बोला जज को तुमको 1 करोड़ रुपया देंगे, मेरे खिलाफ वर्डिक्ट पास मत करना, सो ऑल दीज एग्रीमेंट इज वॉट, वॉइड, यू अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, यू कैनॉट इंटरफेयर विद द एडमिनिस्ट्रेशन विद द कोर्ट्स ऑफ द जस्टिस, आप जज को घूस नहीं दे सकते और ये नहीं बोल सकते कि तू अपना फैसला बदल देना जस्ट बिकॉज यू आर क्या गिविंग मनी टू देम, कंसिडरेशन देकर, क्लियर है? तो ये सारे के सारे को क्या माना जाएगा बताओ, वॉइड, क्लियर? या फिर स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, अलग से इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम यू शैल नेवर मेक अ ट्रेड ऑफ योर फेलोनी, यू शैल नॉट मेक अ ट्रेड ऑफ योर फेलोनी, फेलोनी का मतलब होता है ग्रेव क्राइम, यू शैल नॉट मेक अ ट्रेड ऑफ योर फेलोनी, फेलोनी का मतलब ग्रेव क्राइम, सीरियस क्राइम, अपना कर्म कांड करके बैठे हो और कर्म कांड को छुपाने के लिए सौदागिरी कर रहे हो, बेच रहे हो, किसी को खरीद रहे हो पैसा देकर, सबूत को मिटाने के लिए, छुपाने के लिए, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, क्लियर है? तो इन दैट केस ये सारे के सारे एग्रीमेंट क्या माना जाएंगे, वॉइड, क्लियर है? इसका मतलब एग्जाम्पल दीजिए, फॉर एग्जाम्पल किसी को सजा मिलने वाला था, समवन हैज कमिटेड अ क्राइम, तो उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए ना, अब वो क्या बोल रहा है, एविडेंसेस को मिटा रहा है, एविडेंसेस को खरीद रहा है, बोल रहे तुमको 1 रुपया देंगे, गवाह पलट देना, गवाह बदल देना, सो ऑल दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, क्या बोला जाएगा इसको बताओ, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। मेंटेनेंस एंड चैम्पार्टी, मेंटेनेंस एंड चैम्पार्टी, अलग से इसके ऊपर बहुत बार शॉर्ट नोट आया, बच्चे समझ ही नहीं पाते, ये वर्ड यूनिट टंग ट्विस्टर लगता है, एकदम ईजी है, या चैम्पार्टी का स्पेलिंग भी एग्जाम में गलत मत लिख कर आना, चैम्प याद है, चैम्प, चैम्प का स्पेलिंग लोगे, चैम्प, चैम्प आता है पर्टी, पर्टी, ठीक है, ई आर टी वाई, अर्टी, 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 हो गया चैम्पार्टी, चैम्प, अर्टी। जब भी डेफिनेशन वगैरह या कोई वर्ड्स वगैरह आपको डिफिकल्ट लगता है ना, उसको तोड़ तोड़ के पढ़ा करो, चैम्पार्टी, क्या बोला मैंने बताओ, चैम्पार्टी एंड मेंटेनेंस। आपको पता है बाकी सब जगह ना चैम्पार्टी एंड मेंटेनेंस को वॉइड माना गया है, बट इंडिया में इट इज वैलिड, इट इज नॉट वॉइड, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन वॉइड, एट एग्रीमेंट टू हैम्पर द जस्टिस वॉइड, बट चैम्पार्टी एंड मेंटेनेंस को क्या माना गया है मेरे बच्चे बताओ, वैलिड, चैम्पार्टी एंड मेंटेनेंस हैज बीन रिगार्डेड एज वैलिड। नाउ व्हाट इज दिस चैम्पार्टी एंड मेंटेनेंस, इंडिया में ना गरीबी बहुत है, बहुत सारे गरीब लोग हैं और उन्हें ना पता भी नहीं है कानून के सामने कैसे जाए, कैसे अपना केस को जीते, सो इन दैट केस वो किसी दूसरे लोगों का हेल्प ले सकते हैं, तीसरे लोगों का, चौथे लोगों का, दे कैन टेक द हेल्प। तो मान लो ए एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद बी, ठीक है, टू हेल्प हिम इन विनिंग द केस, क्लियर है? बी के ऊपर कोई केस चल रहा है, बोल रहा है तुम्हारे को हम हेल्प करेंगे केस को जीतने में, कोई इसका प्रॉपर्टी वगैरह डिस्प्यूटेड है, अब वो बोल रहा है ये प्रॉपर्टी हम तुमको दिला के रहेंगे, आई विल हेल्प यू इन विनिंग द केस, प्रोवाइडेड क्या, यू आर गोइंग टू गिव मी अ शेयर इन द विनिंग प्रोसीड। अगर हम केस जीत जाएंगे और जो प्रोसीड आएगा ना, जो बेनिफिट आएगा, उसमें तुम मुझे 25% या 50% शेयर दे देना, तो इसको बोलते हैं चैम्पार्टी, और ये एग्रीमेंट वैलिड है, दिस इज अ वैलिड एग्रीमेंट, दिस इज कॉल्ड एज चैम्पार्टी। बट वेन द सेम थिंग, अब सपोज करो मैंने आपको प्रॉमिस किया, अब मान लो प्रथम का कोई लैंड वगैरह है, डिस्प्यूट में फंसा हुआ है, लेकिन है वो प्रथम का ही लैंड, बट के कोर्ट में जो है ना केस चल रहा है इसके ऊपर, तो उसको उतना आइडिया नहीं है, बोला दिव्या मैम को ले चलेंगे, पूरा लॉ क्वीन है, लॉ की एक्सपर्ट है, पूरा सबको समझा देगी। मैंने बोला ठीक है, मैं आपको पूरा कोशिश करूंगी कि आप इस केस में जीत जाओ, मैंने उसे हेल्प किया और वो केस जीत गया, लेकिन मुझे रिटर्न में प्रथम आपसे कुछ नहीं चाहिए, समझ में आ रहा है? तो जब मैं कुछ भी आपसे नहीं लूंगी और मैंने आपको हेल्प किया, असिस्ट किया उस केस को जीतने में, दैट इज कॉल्ड एज मेंटेनेंस, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मेंटेनेंस। और क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है क्या? हाँ वैलिड है, चैम्पार्टी एंड मेंटेनेंस, ये क्या माना जाएगा? वैलिड। चैम्पार्टी में मैं क्या ले रही हूँ? एक्सचेंज ऑफ अ कंसिडरेशन, विच इज क्या? शेयर इन द विनिंग प्रोसीड्स,
share in the proceeds of that particular case. But in case of maintenance, no such share is being demanded by the party who is helping the party to the contract. That is called as what? Maintenance. Are we through with this? So that is called as what? Champati and maintenance. That is called as what? Champati and maintenance. Clear? So agreement interfering with the administration of the justice. Agreement to hamper the justice. Agar aap judge ko ghoos doge, so that is a void. Stifling prosecution, void. Karam kand karke chupao mat. Learn this, theek hai? You shall never, kya bola maine? You shall never make a trade of felony. Felony ka matlab kya hua? Something very serious crime. Theek hai? कोई बहुत ही ज्यादा सीरियस क्राइम किया, ग्रेव क्राइम, अ वेरी सीरियस क्राइम. आर वी थ्रू विद दिस? क्लियर है? कोई डाउट है क्या यहां तक? एब्सोल्युटली क्लियर. चैंपार्टी एंड मेंटेनेंस, क्लियर? नाउ नाउ नाउ, अब और क्या बच गया? अब एकदम छोटे छोटे पॉइंट बचे, दो तीन, तो उसको करके नक्की करते हैं. फिर दिस विल कंप्लीट क्या? ऑल द एग्रीमेंट विच आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. एकदम इजी, इतना सारा किया आपको. 7-8 तो याद हो ही गया होगा अच्छे से, सारा ही इनफैक्ट मुझे लगता है याद हो गया होगा. एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग. अब मान लो मैंने आपके संग एक एग्रीमेंट किया, ठीक है? अब आप क्या बोल रहे हो मैम? आप ना अपने एग्रीमेंट में एक क्लॉज ये भी लिखो कि अगर कल को हम ये एग्रीमेंट का जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ना वो ब्रीच करते हैं, आप मुझे सीयू नहीं कर सकते हो. मैंने बोला ठीक है, लिख देते हैं. क्लियर है? सो इन दैट केस ये जो क्लॉज आपने मेरे संग इंसर्ट करवाया ना, ये क्लॉज एक वॉइड क्लॉज है और एग्रीमेंट वैलिड रहेगा. सो मैम, आई कैनॉट एंटर इन टू एन एग्रीमेंट विथ यू वेयर आई एम अग्रीइंग कि आई एम नॉट गोइंग टू सीयू यू. आई कैनॉट सीयू यू इफ यू breach the terms and conditions of the contract. ऐसे नहीं होता. ये जो clause है ये void है और agreement क्या हो जाएगा? Valid. Clear है? Agreement will be valid and such clause will be क्या? Void. या फिर any agreement which curtails a limitation period shall be void. Are we through with this? Clear है? तो बताओ यहाँ तक clear है क्या? Now next topic we are going to start. ठीक है? बस अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका, फटाफट हम लोग ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे. डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो आपका 80% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट गेट्स ओवर. आर वी थ्रू विद दिस गाइस? बताओ यहां तक मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं बताओ गाइस? मजा आ रहा है कि नहीं? चैंपार्टी मेंटेनेंस याद रहेगा, यू कैन नॉट ट्रेड अ फेलोनी, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन है याद रहेगा, ठीक है? यस रूपम, थैंक यू सो मच. प्रथम, दीक्षा, किया, शरीक, स्नेहा, अंकित, महक, अनिमेश, श्रुति, थैंक यू एवरीवन फॉर योर स्वीट वर्ड्स. चलो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. वेरी इजी, मजा आने वाला है, मजा आने वाला है. चलो दो मिनट का ब्रेक ले लो, दो मिनट का ब्रेक ले लो, पानी वगैरह पीना पी लो. अब यहां से हम लोग चालू करेंगे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. जबरदस्त मजा आने वाला है, जबरदस्त 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 मजा. बट फटाफट जो है दो मिनट का ब्रेक ले लो, पानी वगैरह पीना है, फटाफट पीकर भाग कर आ जाओ, भाग कर आ जाओ. कुछ खाने वगैरह के लिए जो है ना ऑर्डर करके आ जाओ घर में. Yes. Thank you so much, guys, for your sweet words and appreciation. But I'm telling you again and again, ये सारे appreciation reserve करके रखना, comment section में लिखना once the live session gets over, okay? थकना नहीं है, छोड़ना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है, डट के रहना है. मस्ती करते रहेंगे, मस्ती करते रहेंगे. आज का पूरा session fruitful होने वाला है. चलो एकदम with your full energy, pump up yourself. पानी पी लो भाई, पानी पी लो. हाँ, पानी पी लो. लव यू टू मृणाली. अविनाश, एवरीथिंग इज देयर ऑन द वे. आप चिंता मत करो, सारे चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो. वेरी गुड. मतलब एग्जाम्स में इस कदर लिख कर आना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कोई भी क्वेश्चन आए, दिव्या मैम का कान में आवाज गूंजना चाहिए प्रोविजंस बताते हुए. टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है. हाँ, वहीं पे सारे नोट्स वगैरह शेयर होते हैं, ठीक है? सो प्राउड ऑफ यू गर्व. बच्चा बोल रहा है मैम फीवर है बट फिर भी बैठे हैं आपके साथ. सुपर्ब, दिस इज द डेडिकेशन आई वॉन्ट फ्रॉम यू. थैंक यू सो मच साक्षी. चेतन, एट द एंड ऑफ द सेशन प्लीज पूछ सकते हो, मैं क्लियर करूंगी, मैं यही रहूंगी. समथिंग डिफरेंट बोल रहा है क्या? इतनी अच्छी टीचर के संग पूरी रात क्लास ले सकते हैं मैम. हाँ भाई, टाइम मत देखा करो, ठीक है? यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो सो मच. आ जाइए धमाल मचाने के लिए. चलो
थैंक यू सो मच अर्चित, चलो आ जाओ. अब हम लोग डिस्कस करेंगे, बताओ क्या डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. जबरदस्त जबरदस्त लेवल ऑफ एनर्जी आने वाला है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में. अभी तक हम लोग ये सीख रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट का वैलिड एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होता है, ठीक है, जो हम लोगों ने सेक्शन नंबर 10 में पढ़ा था, क्लियर, जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स हम लोगों ने एक एक करके डिटेल एनालिसिस किया है. अब हम लोग करेंगे कि फाइनली कब जाकर कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कंप्लीट माना जाता है, कि अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ भाई, समझ में आ रहा है. अब जैसे आज का सेशन कब खत्म होगा, जब हम लोग पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे, यानी जब हमने अपना परफॉर्मेंस कर लिया. यस, जब मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, आपने पूरा पढ़ लिया, सो दैट इज कॉल्ड एज परफॉर्मेंस. तो वापस से बोलो, मोड्स ऑफ डिस्चार्ज में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंसिडर्ड, विल बी डीम्ड टू बी डिस्चार्ज ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या फिर ऑन द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. कुछ बेशरम बच्चे बीच से ही छोड़कर मुझे चले जाएंगे, सेशन को बंद कर देंगे, सो जाएंगे, तो उनके लिए तो वही खत्म हो गया ना. लेकिन तुम सुन लो, मैं आपको ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से स्यू कर लूंगी, ठीक है. तो अब ध्यान से सुनना, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कब होगा, ठीक है, या तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया तब, कंप्लीट कर दिया तब, या फिर नॉन ऑपरेशन, क्लियर, या तो परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या फिर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बोले तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, धोखा दे देना भैया, ब्रीच कर देना, ठीक है. नाउ ब्रीच कैन बी व्हाट, एंटिसिपेटरी ब्रीच, एक्चुअल ब्रीच. ब्रीच कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. यस, शाकिब बोल रहा है मैम जस्ट चिल एक बार बोल दीजिए. यस yes, मैं अपने लेक्चर में एक्चुअली ना फेस टू फेस वाले बच्चों को और लाइव फ्रॉम होम वाले बच्चों को बोलती रहती हूँ, आप टेंशन मत लो, जस्ट चिल गाइस, जस्ट चिल, नो नीड टू राइट डाउन एनीथिंग, जस्ट कीप ऑन एंजॉयिंग माय लेक्चर एंड जस्ट चिल. यस, जस्ट चिल, ठीक है, आ जाइए, आ जाओ. डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या तो मैंने बोला आपने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया या नॉन परफॉर्म, बोला नहीं करेंगे, जाइए, नहीं परफॉर्म करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको बोलते ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. धोखेबाज, दगाबाज, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किए हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे बताओ, नॉन परफॉर्मेंस और ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, नॉन परफॉर्मेंस और द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, या इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट. आपने मेरे संग कोई धोखाधारी नहीं किया, बट कुछ ऐसे conditions हो गए जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट becomes impossible to perform, and that is called as a case of super winning impossibility. क्या बोलते हैं मेरे बच्चे लोग, super winning impossibility, super winning impossibility, या फिर mutual consent, ठीक है, मैं बोल रही हूँ मुझे नहीं पढ़ाना है, आप बोल रहे हो हाँ मैं मत पढ़ाई ना, म्यूचुअली अग्रीड, बट मैं बोल रही हूँ और पढ़ना है, आप बोल रहे और पढ़ाइए, तो म्यूचुअल कंसेंट, ठीक है. जब म्यूचुअली कंसेंट से म्यूचुअली दोनों पार्टी ने एग्री कर लिया, तो उस केस में भी क्या मान लिया जाएगा, डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, या फिर बाई ऑपरेशन ऑफ द लॉ या लैप्स ऑफ टाइम, ऑपरेशन ऑफ द लॉ या लैप्स ऑफ टाइम. वापस से बोलो, अलग से शॉर्ट नोट आ सकता है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर. वापस से बोलो, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या फिर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, या इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, विच इज कॉल्ड ए सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी, या म्यूचुअल कंसेंट, या ऑपरेशन ऑफ द लॉ, या फिर लैप्स ऑफ द टाइम. क्लियर है, अब एक एक करके चीजों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, देख लो अच्छे से, क्लियर है क्या तक. चलो अब हम लोग डिस्कस करेंगे बाय परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दिया, अब कॉन्ट्रैक्ट को कौन कौन परफॉर्म कर सकता है भाई जी, बताओ कॉन्ट्रैक्ट को कौन कौन परफॉर्म कर सकता है. कॉन्ट्रैक्ट को आप खुद परफॉर्म कर सकते हो, द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट विल परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, बट इन केस, इन एनी केस, वन ऑफ द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट डाइज, डिसीज्ड हो गया, सो इन दैट केस द लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल बी बाउंड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला मैं आपको फोन बेचूंगी, ठीक है, 5,000 रुपए में, बट आपने बोला क्या कि ठीक है फोन खरीद लेंगे. अब कल को क्या हुआ ना, मुझे पता चला कि जो सामने वाला जिसके संग मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था फोन बेचने का, सलट गया. सो इन दैट केस मुझे नहीं पता, आपको फोन खरीदना पड़ेगा, आपका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ना वो मुझे 5,000 रुपए देगा और फोन ले लेगा. क्लियर है, सो इन एनी केस, इफ एनी ऑफ द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट डाइज, तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ना, डिसीज्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट का, वो जो है कॉन्ट्रैक्ट को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, फुलफिल करेगा. आर वी थ्रू विद दिस? लेकिन 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 सुनिए ध्यान से, अगर 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 पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इनसॉल्वेंट, अगर वो इनसॉल्वेंट हो गया, सो इन दैट केस क्या होगा मुझे बताओ, तब कुछ नहीं होगा, अब तब आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने नहीं बोल सकते हो. लेकिन अगर इन केस ऑफ जॉइंट प्रोमिसर, joint promisor, any of the joint promisor dies, तो legal representative of the joint promisor will become liable, या फिर any of the joint promisor become insolvent, then the remaining joint promisor can be sued for the performance of the contract, they shall be held liable. Are we through with this? तो क्या बोला, contract कब discharge होगा, on performance by the party. कौन perform करेगा, party खुद, या फिर उसका agent से भी tender करवा सकते हैं, इसको tender performance बोलते हैं. agent, या अगर die हो गया, deceased हो गया, तो legal representative, joint promisor में any one of the joint promisor can perform the contract. For example, A,
बी सी तीन ज्वाइंट प्रोमिसर है, सी बी केम इंसॉल्वेंट, सी क्या हो गया बताओ इंसॉल्वेंट, और इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था फोन खरीदने का, जॉइंटली इनको 30,000 रुपीज पे करना था मिस्टर डी को, किसको पे करना था मिस्टर डी को, अब सी फुक्कड़ हो गया हाथ खड़ा कर दिया, तो मिस्टर डी भले सी सी को स्यू नहीं कर सकता, कैन नॉट स्यू सी, बट ही कैन स्यू ए एंड बी, ठीक है, और इनफैक्ट वो ए और बी क्या, ए को ही खाली अकेले भी स्यू कर सकता है फॉर क्लेमिंग 30,000, एंड देन ए कैन रिकवर 15,000 फ्रॉम मिस्टर बी, यानी 30,000 विल बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स, 15,000 ए और बी, 15,000 रिमेनिंग, आर वी थ्रू विद दिस, क्लियर है, या फिर मान लो अगर सी मान लो इनसॉल्वेंट हो गया और सी का जो प्राइवेट एस्टेट है उससे 3,000 रुपीज हैज बीन रियलाइज्ड, सो इन दैट केस क्या होगा ना बताओ, 20,000 माइनस 3,000 रिमेनिंग कितना बचा 27,000, सो अब 27,000 डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, यानी अब ये जो अमाउंट है इक्वली कौन लेवल हो जाएगा पे करने के लिए, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, आर वी थ्रू विद दिस, कोई डाउट है क्या यहाँ तक, क्लियर है एकदम, सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस, ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस, अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्या डिस्कस करेंगे बताओ, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, नॉन परफॉर्मेंस का मतलब क्या हुआ, आपने धोखा दे दिया, ब्रीच कर दिया, और मैंने बोला ब्रीच हुआ है या नॉन परफॉर्मेंस दो टाइप का होता है, एक्चुअल ब्रीच होता है या फिर क्या बोला एंटिसिपेटरी ब्रीच होता है, व्हाट इज एक्चुअल ब्रीच एंड व्हाट इज एंटिसिपेटरी ब्रीच, एंटिसिपेटरी ब्रीच पहले मैं क्या बता रही हूँ, एंटिसिपेटरी, एंटिसिपेटरी ब्रीच इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच टेक्स प्लेस बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अराइव्स, एंटिसिपेटरी ब्रीच इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच टेक्स प्लेस बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अराइव्स, यानी ड्यू डेट के होने के पहले, मान लो मैंने बोला था कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो कंप्लीट करना है 2 हफ्ते बाद, आपने 2 हफ्ते पहले ही जो है ना हाथ खड़ा कर दिया और चिल्लाने लगे नहीं परफॉर्म करेंगे, जाइए नहीं करेंगे, या अपना इंटेंशन दिखा रहे हो नॉट टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, या फिर आपने कुछ ऐसा कर दिया विच मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, सो इन दैट केस इट विल बी रिगार्डेड एज व्हाट ब्रीच, एंटिसिपेटरी ब्रीच, क्या बोला जाएगा इसको बताओ, एंटिसिपेटरी ब्रीच, और एक्चुअल ब्रीच क्या होता है, व्हाट इज एक्चुअल ब्रीच, एक्चुअल ब्रीच इज अ ब्रीच विच टेक्स प्लेस व्हेन अ पार्टी refuses to perform the contract on the due date of the performance of the contract or later, ठीक है, तो वापस से सुनो, anticipatory breach कब होता है, when even before the actual date of performance has arrived, उसने क्या कर दिया, हाथ खड़ा कर दिया, मना कर दिया कि नहीं perform करेगा, या फिर कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से ये पता चल रहा है कि ये contract को perform नहीं किया जा सकता है, और actual कब होता है, when breach takes place on the due date of the actual due date of the performance of the contract or after it, that is called as what, actual, That is called as what actual breach of contract. तो अब सुनो ना, अगर anticipatory breach है, अगर 2 हफ्ते से पहले ही सामने वाला जोर जोर चिल्ला रहा है कि फोन बेचना मेरे को, हम रुपया नहीं देंगे, जो जो करना कर लो, सो इन दैट केस आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप वेट करो ड्यू डेट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के लिए, या फिर उसी समय जिस समय उसने मना किया, ही इज नॉट गोइंग टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, एट द सेम टाइम यू कैन ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिसेंडेड, यू कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन स्यू द अदर पार्टी फॉर द डैमेजेस, ठीक है, यू कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एंड sue the other party for the damages. You do not have to wait for the actual due date of the performance of the contract. उसी समय आप contract को cancel मानो, rescind कर दो और सामने वाले को sue करो. ये right किसको दिया गया है? किसको दिया गया है? बताओ किसको दिया गया? Injured party बोले तो aggrieved party. Injured party बोले तो aggrieved party. Held in the case of Frost versus Knight. ठीक है, तो एंटिसिपेटरी ब्रीच में जब भी कुछ लिखने आएगा तो एक केस कोट करके आ जाना, हेल्ड इन द केस ऑफ फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट, हेल्ड इन द केस ऑफ फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट, आर वी थ्रू विद दिस. तो वापस से बोलो, अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है? आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो. एक बात बताओ, जब सामने वाला आपको बोल ही दिया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म करेगा या ड्यू डेट वाले दिन ही मुकर गया, आप अभी भी उसके संग जो है उसके संग अच्छा व्यवहार रखने के लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉमिस करते रहोगे, फुलफिल करते रहोगे? नहीं बाबा, रोको, stop your services which you are giving to him, rescind the contract, stop your performance of the contract. और दूसरा क्या करोगे बताओ? Damages के लिए sue करोगे, या फिर sue for specific performance, या फिर sue for injunction, injection नहीं injunction, या फिर sue for quantum merit as much as earned. Clear है? तो वापस बोलो, मैंने क्या बोला? What are the remedies available on the breach of the contract? बोलो मेरे बच्चे प्यारे प्यारे, 5 5 5 points बोला. Contract को cancel मान लो, rescind कर दो, void मान लो, sue करो, भाई मेरे को नुकसान हुआ है, damage दे मेरे को, चल damage दे. उसके अलावा contract नहीं perform कर रहे ना, perform करवाएंगे court से order लेके, specific performance. तुम मेरा काम नहीं कर रहे ना, तुम कहीं और भी काम मत करना. समझ में आ रहा है? Injunction. क्या बोलेंगे? Injunction. It is an order passed by the court which is a negative specific performance. Clear? और क्या बोला? Quantum merit as much as earned.
क्लियर है? तो वापस से मेरे को बताओ क्या बोला मैंने, अगर परफॉर्मेंस नहीं किया तो क्या क्या रेमेडी अवेलेबल है? रिसिंड द कॉन्ट्रैक्ट, डैमेजेस के लिए स्यू करेगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए स्यू करेगा, इंजंक्शन के लिए, और क्या बोला, क्वांटम ही मेरिट। अब एक एक करके डिस्कस करेंगे, चिंता मत करो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ठीक है? अब सुनना ध्यान से, डैमेजेस के लिए कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट तो आप समझ ही गए, रिसिंड कर देना, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड मान लेना और फर्दर मना कर देना, हम कॉन्ट्रैक्ट को और ज्यादा परफॉर्म करने वाले नहीं है। अब सुनना, डैमेजेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, लिक्विडेटेड अनलिक्विडेटेड, लिक्विडेटेड अनलिक्विडेटेड। व्हाट इज लिक्विडेटेड डैमेजेस? लिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब ये होता है व्हेन द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द लॉस हैज बीन मेंशनड इन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कि इन द इवेंट ऑफ द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ लॉस विच द अदर वन हैज टू कंपनसेट फॉर, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, लिक्विडेटेड डैमेज। जब आप डैमेज का अमाउंट क्लियरली कॉन्ट्रैक्ट में लिख रखे हो, ऑलरेडी मेंशन कर रखे हो कि अगर सामने वाला ना कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेगा तो आपको मुझे इतना नुकसान देना पड़ेगा, इतना डैमेज के लिए फुलफिल करना पड़ेगा, इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेज। बट अनलिक्विडेटेड का मतलब क्या हुआ, जब एग्जैक्ट अमाउंट को मेंशन नहीं कर रखा है, then that is called as unliquidated damage. जब amount of the damage has not been mentioned, the exact amount of the damage has not been mentioned anywhere in the contract, that is called as unliquidated damage. और अगर liquidated damage है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, contract में जितना नुकसान लिखा है उतना दे दो मेरे को छुट्टी, उतना रुपया दे दो, sue for damage is done. But अगर unliquidated है, लिखा ही नहीं है यार कितना damage देना है, तो अब unliquidated damage again can be of four types. ध्यान से सुना, ordinary damage, special damage, vindictive damage, जिसको exemplary damage भी बोलते हैं, goodwill से related होता है, and nominal damage. वापस से बोलो क्या बोला मैंने, वापस से बोलो मेरे बच्चे, ऑर्डिनरी डैमेज बोला, स्पेशल डैमेज बोला, एग्जेम्पलरी डैमेज बोला, जिसका और एक नाम है विंडिक्टिव डैमेज, और एक डैमेज का नाम बताओ नॉमिनल डैमेज, नॉमिनल डैमेज। क्लियर है? चलो एक एक करके डिस्कस करेंगे, बताओ चार टाइप बोला, ऑर्डिनरी, स्पेशल, विंडिक्टिव, नॉमिनल। नाउ व्हाट इज दिस ऑर्डिनरी डैमेज? ऑर्डिनरी डैमेज का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी डैमेज का मतलब होता है एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ एक्चुअल लॉस सफर्ड बिकॉज ऑफ द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और ये डैमेज देने से क्या होगा, द अग्रीव्ड पार्टी विल बी पुट इनटू अ पोजीशन इन विच ही वुड हैड बीन इफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज परफॉर्म्ड। क्लियर है? तो बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने की वजह से परफॉर्म आपको एग्रीव पार्टी, इंजर्ड पार्टी, सुनो ना, आपको जितना एक्चुअल में लॉस हुआ है ना वो लॉस हम आपको दे देंगे, और बेसिकली ये आपको उस पोजीशन में पुट कर देगा, ये डैमेज रिकवर करने के बाद आप उसी पोजीशन में आ जाओगे जिस पोजीशन में आप रहते अगर ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया होता। अभी थ्रू विद दिस, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑर्डिनरी डैमेज। सो दिस इज नथिंग बट अ मॉनेटरी कॉम्पनसेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं पिक्यूनरी कॉम्पनसेशन। क्या बोलते हैं मेरे को बताओ? पिक्यूनरी कॉम्पनसेशन। तो कल को आए तो लिख कर आना ये वर्ड, ऑर्डिनरी डैमेज का मतलब क्या, पिक्यूनरी, पिक्यूनरी मॉनेटरी कॉम्पनसेशन, ठीक है, जो दिया जा रहा है। क्लियर है? एग्रीव्ड पार्टी बोलो या इंजर्ड पार्टी बोलो, उनको दिया जा रहा है पिक्यूनरी कॉम्पनसेशन, which has been given to the injured party or the aggrieved party, and this will put the aggrieved party into a position which he would had been if the contract had been performed, that is called as which damage, ordinary damage. kya bolte hai usko batao mere bachche, ordinary damage. kya bolte hai, ordinary damage. are you through with this, koi doubt hai kya? ab dhyan se sunna, ye jo ordinary damage hai na, example hai, for suppose karo Mr. A entered into a contract with Mr. B, theek hai, ki wo usko supply karega, maan lo 100 units of a particular good at the rate of rupees 100, at the rate of rupees 100, 1000 units supply karega koi bhi particular goods ka 100 rupaye mein. clear hai? ye unhone contract enter kiya, but when the due date of the performance of the contract was due, A refused to deliver this 1000 units, theek hai, of goods to Mr. B whose market price was rupees 100. Now learning this news, ध्यान से सुनना, Mr. B ने claim किया damage दो मुझे, और Mr. B ने देखा कि ये जो goods है ना इसका market price 120 हो चुका है, तो यहाँ पे मुझे बताओ कि ordinary damage कितना recover होगा, यानी अब उसको जो है बाहर market से खरीदना पड़ेगा 1000 units को, क्योंकि इसको अपने customer को deliver करना है at any cost, तो यानी जो differential price है that will be regarded as a ordinary damage, क्योंकि पहले उसने जो contract में enter किया था उसको 100 rupees में मिल जाना था, तो यानी 1000 into 100 would had been the क्या contract price, but the market price currently is now what, 1000 into 120, तो यानी 20 rupees का जो loss per unit suffer किया गया उसको बोलेंगे ordinary damage, यानी 1000 के ऊपर कितना हो गया बताओ, 1000 के ऊपर कितना हो गया 20,000, 1000 के ऊपर कितना हो गया 20,000, are we through with this, कितना हो गया 20,000, clear है? तो इसको हम लोग बोलेंगे ordinary damage. तो ordinary damage मेरा कितना है मेरे को बताओ, 20,000. क्लियर है? तो यहां पे क्या बोला गया, ये एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ एक्चुअल लॉस है, एंड दिस विल बी ओनली बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमेट कॉन्सिक्वेंसेस, प्रॉक्सिमेट मतलब डायरेक्ट,
close consequences of the breach of the contract and not because of the remote causes. तो ये word भी लिख कर आना, proximate cause होना चाहिए, proximate cause, ठीक है, proximate cause, remote cause होने से नहीं चलेगा. इसका proximate cause का मतलब बताइए ना मैम. For example मान लो ये वाला question भी past year में बहुत बार आ चुका है, question समझो इसका. For example मान लो you entered into an agreement with someone who is you know giving you the bus services. तो अब क्या हुआ ना, आप बस में travel कर रहे थे, क्लियर है, अपने रिलेटिव के संग, ठीक है, यू आर ट्रैवलिंग इनटू अ बस में भी विथ योर यंग सिस्टर. आप अपनी छोटी बहन के संग बस में ट्रैवल कर रहे थे, अब अचानक से आधे रात में बस खराब हो गया, ठीक है, अब फिर क्या हुआ आपको, अब आधे रात में जो है ना बस वाला ठीक कर रहा है, तो यू हैव टू हायर अ लॉज, आपने एक लॉज में वो रात गुजारा, और लॉज का जो होटल रूम है ना उसका मिनिमम रेंटल चार्जेस 2000 rupees था, तो आपने कम से कम दाम वाला रूम बुक किया 2000 rupees का. तो इन दैट केस अब मुझे बताओगे ये 2000 का रुपया आपका क्यों लगा, व्हाई डिड यू बुक अ लॉज इन द मिडनाइट, बिकॉज द बस क्या हो गया, गॉट डैमेज, बस कुड नॉट मूव, एंड बिकॉज ऑफ विच क्या हो रहा है मेरे को बताओ, आपको एक लॉस सफर करना पड़ा ये 2000 rupees का लॉज के फॉर्म में. सो कहने से ये जो 2000 rupees ये जो आपने होटल रूम बुक किया है, लॉज रूम बुक किया, किसकी वजह से किया, ये क्या एकदम क्लोज है, मेन रीजन है फॉर द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट गॉट ब्रीच ना, आप सुबह तक पहुंच जाते, बट सुबह तो बस का जर्नी रिज्यूम हुआ है, क्लियर है, तो यहाँ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, प्रॉक्सिमेट रीजन है, तो ये 2000 rupees को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी डैमेज, जो बस का ओनर आपको क्या करेगा, कॉम्पनसेट करेगा, यू कैन स्यू द बस ओनर फॉर दिस ऑर्डिनरी डैमेज. बट आपको पता है और एक चीज हुआ, आपकी जो छोटी बहन थी ना उसका तबियत भी खराब हो गया, शी गॉट इल, क्योंकि उसने आधी रात में जो है बस छोड़कर शिफ्ट किया, शिफ्टिंग वगैरह में उसका 2 घंटा जो है नींद बर्बाद हो गया, एंड शी गॉट इल बिकॉज ऑफ दैट, बट दैट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ प्रॉक्सिमेट रीजन. तो उसके लिए आप जो है डैमेज के लिए स्यू नहीं कर सकते हो, और उसका कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस मान लो 500 rupees लग गया, सो यू कैन नॉट क्लेम दिस ₹500 फ्रॉम द बस ओनर, बिकॉज दिस इज नॉट अ प्रॉक्सिमेट रीजन, बट दिस इज अ रिमोट रीजन ऑफ द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. प्रॉक्सिमेट रीजन ये वाला है, तो आप खाली कितना क्लेम कर सकते हो, 2000, ये हो गया ऑर्डिनरी डैमेज, ठीक है, क्लियर है, और यहाँ 500 rupees के लिए क्लेम कर सकते हो क्या, नहीं क्लेम कर सकते, अगर ऐसा कुछ आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख कर रखा होता वो स्पेशल डैमेज का केस हो जाता, बट आपने ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट में लिख के नहीं रखा था. Are we through with this? So, ये हो गया ordinary damage. Now, talking about special damage. Special damage एक ऐसा damage होता है जो special peculiar circumstances में arise होता है. ठीक है? It's a kind of damage which for which you can sue the party only in case of special circumstances and provided you have actually suffered that special loss and that special loss has already been mentioned in the terms of the contract. आपने contract में लिख रखा है कि अगर ये condition fulfill नहीं होगा तो मुझे कुछ special loss होगा. ठीक है, और आपने वो एक्चुअल स्पेशल लॉस को सफर किया है, तो स्पेशल डैमेज कैन ओनली बी क्लेम्ड व्हेन सच स्पेशल कंडीशंस, स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ठीक है, ऑन द फेलियर ऑफ विच यू आर गोइंग टू इनकर दैट स्पेशल लॉस हैज बीन मेंशनड इन द कॉन्ट्रैक्ट, एंड सेकेंडली यू हैव एक्चुअली इनकर्ड दैट स्पेशल लॉस. फॉर एग्जाम्पल, ए एंटर्ड इन टू एन एग्रीमेंट विद अ रेलवे एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, वो रेलवे डिपार्टमेंट के संग एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया जिसमें वो बोला कि आप मेरा गुड्स जो है ना वो डिलीवर कर देना नेक्स्ट डे के अंदर, नेक्स्ट डे द गुड्स शुड बी डिलीवर्ड, मे बी द गुड्स हैज टू बी डिलीवर्ड मे बी इन मुंबई वेर अ बिग एग्जीबिशन विल बी गोइंग ऑन. तो मैंने आपको गुड्स डिलीवर किया, आप कौन हुए, रेलवे डिपार्टमेंट, ठीक है, तो आपको मैंने बोला कि भाई नेक्स्ट डे गुड्स पहुंच जाना चाहिए, और अगर गुड्स नेक्स्ट डे नहीं पहुंचा तो एग्जीबिशन खत्म हो जाएगा और मुझे बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा. एंड यू नो व्हाट हैपेंड, द गुड्स कुड नॉट बी डिलीवर्ड द नेक्स्ट डे, द ट्रेन डिड नॉट रीच ऑन टाइम. आपको पता है ना गुड्स कैरेज होता है जो माल को इधर उधर कैरी करता है, इट फेल टू रीच द डेस्टिनेशन ऑन टाइम, सो इन दैट केस आई हैड सफर्ड अ स्पेशल लॉस, मुझे एक लॉस हो गया. और क्या मैंने ये पहले से ही रेलवे एडमिनिस्ट्रेटर को बता दिया था, क्या, हाँ बता दिया था, क्योंकि गुड्स लेट पहुंचा मुझे एक स्पेशल लॉस हुआ, तो क्या आई कैन क्लेम, आई कैन स्यू द रेलवे एडमिनिस्ट्रेटर फॉर दिस स्पेशल डैमेजेस, यस आई कैन क्लेम. ऑर्डिनरी डैमेज तो मैं क्लेम करूंगी और स्पेशल डैमेज भी मैं क्लेम करूंगी. Are we through with this? Now, what is this? Vindictive. Vindictive relates to the damage which has been caused because of the loss of your goodwill. It can also be called as exemplary or punitive damage. Punitive बोलते हैं और exemplary बोलते हैं vindictive damage को. अब ये vindictive damage ना दो केस में होता है. There are two cases where vindictive damage can be done. What are those two cases? Breach of promise to marry. फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने किसी के संग शादी का जो है वादा कर लिया था, अब सामने वाले को गोए के बीच में घुमा लियो. आजकल आपको पता है ना प्री वेडिंग शूट वगैरह होता है, और आजकल तो भाई इतना हो गया ना, लोग शहर छोड़कर बाहर चले जाते हैं प्री वेडिंग शूट के लिए. तो प्री वेडिंग शूट में गए, शूट करने गोवा वगैरह में, फिर वहां जाकर जो है आप लड़के को घुमाए या लड़की को घुमाए, फिर बाद में छोड़ दिए,
उसको बेइज्जत कर रहे हो, जगह जगह जो है उसका बेइज्जती कर रहे हो कि नहीं इसमें ये खोट है वो खोट है और पता नहीं क्या क्या मन गलत कहानी बनाकर, जस्ट बिकॉज यू डू नॉट वॉन्ट टू मैरी यू आर रेजिंग सच इशूज बिकॉज ऑफ विच द गुडविल ऑफ द अदर पार्टी हैज गॉट हर्टेड वेरी मच और बिकॉज ऑफ विच उसका कोई रिश्ता भी नहीं आ रहा है। यार ये क्या तरीका है, शादी नहीं करना नहीं करना था, इस तरह से मेरा इज्जत तो नहीं उछालना चाहिए था समाज में, मेरा बहुत इज्जत है, मेरा इज्जत का कीमत है, क्लियर है, और तुमने मेरी इज्जत की धजिया उड़ा दी है। सो इन दैट केस आई एम गोइंग टू सी यू फॉर द एग्जेम्पलरी डैमेजेस। तब मैं किसके लिए सी यू करूंगी, एग्जेम्पलरी डैमेजेस। अब डिपेंड करता है कितना रुपया लोगे, जितना बड़ा इज्जत सोसाइटी में जितना ऊंचा नाम और जितना आपके ऊपर कीचड़ उछाला गया उतना ज्यादा आप अमाउंट रिकवर कर लेना। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिजेस वगैरह ब्रीच करोगे, इज्जत को उछाला गया है, सो दैट फॉर दैट यू कैन क्लेम फॉर एग्जेम्पलरी डैमेजेस, या फिर इट कैन बी क्लेम्ड फॉर द रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ द कस्टमर्स चेक बाय द बैंकर। समझ में आ रहा है, डिसऑनर ऑफ चेक कब होता है, इनसफिशिएंट फंड्स के कारण। मेरे बैंक में ना बहुत सारा रुपया है, फिर भी आपने चेक डिसऑनर कर दिया, कुछ गलत फहमी हो गया आपको। और पता है कितने रुपए का चेक आपने डिसऑनर किया है जानते हो, 500 रुपए का चेक डिसऑनर किया है। ओह माय गॉड, इतना छोटा सा अमाउंट का डैमेज है, ठीक है ना यार 500 रुपए ले लेना। नहीं, जितना छोटा अमाउंट ऑफ चेक डिसऑनर करोगे ना उतना बड़ा तुमने मेरा इज्जत का धजिया उड़ा दिया। क्या दिव्या अग्रवाल मैम के बैंक अकाउंट में 500 रुपया नहीं मिलेगा तुमको, हिम्मत कैसे हुआ तुम्हारा। द स्मॉलर इज द अमाउंट ऑफ द चेक डिसऑनर द मोर हायर विल द अमाउंट ऑफ द एग्जेम्पलरी डैमेजेस द मोर हायर माई गुडविल हैज गॉट हर्टेड। हाँ, अगर तुमने कल को 5 करोड़ का चेक डिसऑनर किया होता तो हो सकता है यार ठीक है उस समय नहीं था 5 करोड़ रुपया यार मेरे बैंक अकाउंट में, कोई बड़ा बात नहीं है। तो जितना छोटा अमाउंट का आप क्या करोगे डिसऑनर करोगे ना बैंक, उतना ज्यादा आपको मुझे क्या देना पड़ेगा, कीमत, विच इज कॉल्ड एज एग्जेम्पलरी डैमेजेस। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एग्जेम्पलरी डैमेजेस, विंडिक्टिव डैमेजेस। आर यू गेटिंग दिस? नॉमिनल डैमेज क्या होता है बताओ, नॉमिनल डैमेज का मतलब क्या पता है, देयर हैज बीन इंफ्रिंजमेंट ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स, कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स एंड कंडीशंस। समझ मारे, ब्रीच हुआ है, लेकिन एज अ रिजल्ट ऑफ द ब्रीच ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ना, आई हैवंट सफर्ड एनी काइंड ऑफ लॉस, बीट विंडिक्टिव डैमेज, बीट ऑर्डिनरी डैमेज, बीट स्पेशल डैमेज, मुझे कोई भी टाइप का लॉस नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी तुमको सबक सिखाने के लिए ना मुझे तुमसे डैमेज चाहिए, तो जो टोकन रिवॉर्ड मैं आपसे लूंगी, विच कैन बी आइदर ₹1, विच कैन बी आइदर ₹1 और 25 पैसे, दैट इज कॉल्ड एज नॉमिनल डैमेज। दैट इज कॉल्ड एज गाइज वॉट, नॉमिनल डैमेज। जब मैं 1 रुपया या 150 रुपया या 100 रुपये, एकदम छोटा सा अमाउंट, 1 रुपया 25 पैसा, ऐसे ऐसा रुपया आपसे ले रही हो ना, इसको बोला जाता है नॉमिनल डैमेज, एज अ टोकन रिवॉर्ड, टोकन मनी, ठीक है। मेरे को कोई एक्चुअल लॉस सफर्ड नहीं हुआ है, बट एकदम छोटा सा अमाउंट, 1 रुपया 25 पैसा अल्लाह के नाम से दे दे बाबा, क्लियर है। तो यह इन्फ्रिंजमेंट हुआ है कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स का, मेरे को कोई लॉस वगैरह नहीं हुआ है, बस ये डैमेज क्यों ले रही हूं मैं आपसे, जस्ट बिकॉज आपने जो है ना ब्रीच किया कॉन्ट्रैक्ट का, दैट इज व्हाई, जस्ट टू टीच यू अ लेसन, दैट इज कॉल्ड इज व्हाट, नॉमिनल डैमेजेस। क्या बोलते हैं इसको बताओ, नॉमिनल डैमेजेस। तो याद रहेगा, इसके ऊपर अलग से शॉर्ट नोट भी आ सकता है एग्जाम में, क्या क्या पढ़ाया वापस से बोलो। डैमेजेस के हम लोग सीयू कर सकते हैं। अब डैमेजेस में क्या होता है, लिक्विडेटेड होता है और अनलिक्विडेटेड होता है। लिक्विडेटेड का मतलब तो कोई झमेला ही नहीं है भाई, कॉन्ट्रैक्ट में आपने खोल कर लिख दिया है कि अगर कोई पार्टी ब्रीच करेगा तो इतना रुपया देना पड़ेगा नुकसान के तौर पर, डैमेज के तौर पर। बट ऐसा कोई रुपया का आपने वैल्यूएशन नहीं लिख रखा है तो उसको अनलिक्विडेटेड बोलते हैं। तब उसमें 4 टाइप का डैमेज अट्रैक्ट करेगा, ऑर्डिनरी, स्पेशल, एग्जेम्पलरी, नॉमिनल। ऑर्डिनरी डैमेज मतलब expected amount of actual loss which you have incurred because of the breach of the contract, aur ye damage aapko milte hi you will be put back to that position in which you had been if the contract had been performed, clear hai। isko bolte hain monetary compensation ya pecuniary compensation। special hoga special reason ki wajah se, aur wo special reason aapka contract mein mention hona chahiye, and because of that you have actually incurred that special loss। aur goodwill ki wajah se hoga to usko bolte hain vindictive, jo do case mein maine bola, contract of marriages mein bola ya fir wrongful dishonor of the customer's check by the banker, theek hai। aur jitna smaller amount of check dishonor hoga utna bada vindictive damage aap claim karoge, aur nominal token money, clear। 1 rupaya ya fir 25 paisa abhi through with this, koi doubt hai yahan tak, clear। ab hum log kya discuss karenge batao, damages hamara ho gaya pura, maine aapko explain kar diya, theek hai। these are the damages that we have done, nominal damages dekh rahe ho kitna hai batao, 1 rupaya aur 25 paisa, clear। now discharge of contract when it becomes impossible guys to perform the contract, impossibility of performing the contract, super winning impossibility, kya bolte hai usko batao, super winning impossibility, possible hi nahi hai contract perform karna। pata hai aisa kab hota hai, ya to jo subject matter hai na contract ka khatam, without the fault of the either party of the contract, ya fir jo party to the contract hai na khatam, subject matter of the contract has been destroyed, या द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिस्ट्रॉयड। यानी स्पेशली दिस हैपेंस इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल क्वालिफिकेशन,
पर्सनल एबिलिटी. तो जहाँ पर्सनल क्वालिफिकेशन का कॉन्ट्रैक्ट है ना, सामने वाला जो बंदा जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट करना था, सर्विस का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, मान लो कि कोई डांस परफॉर्मेंस देने के लिए आपने नौरा फतेह अली को बुलाया था. नौरा है ना, नौरा नौरा बहुत अच्छी डांसर है, जो उसमें गाना में डांस भी की थी, ओ माई गॉड में गाया था ना वो गाना, बहुत फेमस हुआ था. हाँ, मानी के मांगे हिते, नौरा 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 फतेह. तो मान लो उसको आपने जो है ना बुलाया था, ठीक है, क्या करने के लिए, डांस करने के लिए, बहुत बड़ा स्टेज शो था. अब अचानक से मान लो नौरा फतेह जो है ना उसका एक्सीडेंट हो गया, तो अब क्या वो अपना बेली हिला पाएगी, बेली डांस कर पाएगी, बेली डांस कर पाएगी, नहीं कर पाएगी ना, क्योंकि वो पर्सनल क्वालिफिकेशन है. तो अब उसका इनेबिलिटी हो गया, डिसेबिलिटी हो गया, नहीं कर सकती, या फिर मान लो डेथ हो गया, नहीं कर सकती. तो क्या आप कैसे करवाओगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बुला के करवाओगे क्या, लीगल रिप्रेजेंटेटिव बेली डांस करेगा क्या, आप खुश हो जाओगे क्या उसका बेली डांस देखकर, नहीं होगे ना. तो इसको बोलते हैं क्या, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी. तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या मान लिया जाएगा, डिस्चार्ज, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ द पार्टी एंड दैट पार्टी इज नाउ नो लॉन्गर यू नो एबल टू परफॉर्म दैट कॉन्ट्रैक्ट, मे बी बिकॉज ऑफ सम इनएबिलिटी ही हैज इन्फ्लिक्टेड या ऑन द डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. अभी थ्रू विद दिस गाइस क्लियर है? या फिर मैंने क्या बोला, ये तो हो गया क्या, आदमी से लड़ गया, या फिर सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज गॉट डिस्ट्रॉयड विदाउट द फॉल्ट ऑफ द पार्टी. हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आई एम गोइंग टू सेल यू माई हॉर्स, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह फाइनल फॉर 1 lakh rupees. नेक्स्ट डे व्हेन यू अराइव्ड एट माय स्टड फार्म द हॉर्स वाज लाइंग डेड. हॉर्स को हार्ट अटैक आ गया ये सुनकर कि आप मेरा घोड़ा खरीदोगे. क्लियर है, समझ मार है? उसको नहीं पसंद था एज अ हॉर्स ओनर. आप नेक्स्ट डे वो ही हैज डाइड, तो इसका ये मतलब थोड़ी है मैंने उसको मार दिया रातों रात. सब्जेक्ट मैटर खत्म, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज. मैं कैसे घोड़े को जिंदा करूं, कोई दूसरा घोड़ा खरीद लो. ये कॉन्ट्रैक्ट तो क्या हो गया, खत्म. तो या तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट खत्म, या तो आदमी खत्म हो गया इन केस ऑफ पर्सनल क्वालिफिकेशन, या फिर सर्टेन स्टेट ऑफ अफेयर्स विच एग्जिस्टेड एट द टाइम व्हेन वी एंटर्ड द कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू एग्जिस्ट नाउ. कुछ ऐसा स्टेट एग्जिस्ट कर रहा था, कुछ ऐसा स्टेट ऑफ अफेयर्स एग्जिस्ट कर रहा था जिसकी वजह से हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था. अब वो स्टेट ऑफ अफेयर सीजेस टू एग्जिस्ट, एग्जिस्ट हो गया, अब नहीं है. समझ मारे? सो इन दैट ऑल्सो वी विल कंसिडर कॉन्ट्रैक्ट को क्या मान लिया जाएगा, डिस्चार्ज. कॉन्ट्रैक्ट को क्या मान लिया जाएगा बताओ, डिस्चार्ज. कॉन्ट्रैक्ट को क्या मान लिया जाएगा बताओ, डिस्चार्ज. आर वी थ्रू विद दिस? हाँ, ये वाला मैंने छोड़ दिया, ये मैं करवाऊंगी. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इंजेक्शन मैं करवाऊंगी, ठीक है. ये दो तो रह गया था. अभी हम लोग क्या डिस्कस करें बताओ, सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है, जहाँ पे हम लोग डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. और सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी को पता है इंग्लैंड में क्या बोला जाता है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रस्ट्रेशन. सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉयड और किसी का फॉल्ट नहीं है, या फिर पर्सनल क्वालिफिकेशन, डेथ और फिजिकल डिसेबलमेंट ऑफ द पार्टी, या फिर कॉन्ट्रैक्ट वॉज एंटर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन स्टेट ऑफ अफेयर, और वो सर्टेन स्टेट ऑफ अफेयर क्या हो गया, खत्म हो गया, सीजेस टू एग्जिस्ट. आर वी थ्रू विद दिस? क्लियर है? तो इसको क्या बोल दिया, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. बट कुछ कुछ केसेस बोला गया ऐसे, तो फिर कोई भी ना उछलने लग जाएंगे, बोलेंगे ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज मानता हूँ, तुम मुझे स्यू भी नहीं कर सकते हो. तो यहाँ पे एक्सेप्शन भी बता दिया गया, कौन कौन से ऐसे केसेस है जहाँ पे सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं माना जाएगा, विच के नॉट बी रिगार्डेड एज अ केस ऑफ सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी. अचानक से आप बोल रहे हो ना यार बहुत दिक्कत हो रहा है यार, कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म कर पा रहे, बहुत सारा इस बार ना बैचेस ले लिया यार, थक गए, एक दो बैच जो है ना छोड़ दो, नहीं पढ़ाएंगे. कॉन्ट्रैक्ट में क्यों एंटर किए, बैच लेने के पहले सोचना था, पढ़ाओ बैच. हाँ पढ़ा लेंगे, ठीक है, बहुत एनर्जी है मेरे अंदर. सो डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस, तो डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस कैन नॉट बी हेल्ड एज अ रीजन ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी. अगर आपको दिक्कत आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने में, तो ऐसा नहीं आप कॉन्ट्रैक्ट से पल्ला झाड़ सकते हो, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा. या फिर आपको लग रहा है यार ये कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ना मेरे को लॉस हो रहा है, कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी, then also you have to perform the contract. It cannot be regarded as a ground of supervening impossibility. या फिर आपके फैक्ट्री में लेबर लोग स्ट्राइक पे उतर गए, या लेबर को अपने वश में रखना था ना, लेबर यूनियन को खुश रखना था ना, मेरा क्या गलती है, तुम्हारा लेबर चला गया स्ट्राइक पे, दूसरा लेबर रखो, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो. तो स्ट्राइक, लॉकआउट कैन नॉट बी हेल्ड एज अ रीजन, या रियर्ट्स वगैरह हो गया, झगड़ा हो गया, डिस्टर्बेंसेज हो रहा है, दिस कैन नॉट बी हेल्ड एज अ वैलिड रीजन ऑफ सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी. ठीक है, तो सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी कब नहीं माना जाएगा, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, या मेरे को लॉस हो रहा है, कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी, या फिर स्ट्राइक, लॉकआउट, सिविल डिस्टर्बेंसेज लाइक रायट्स. ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या मान लिया जाएगा, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी मतलब व्हेन इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. एक तो आपने जानबूझकर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया, ये क्या हो गया, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या मान लिया जाएगा, डिस्चार्ज. यहाँ पे आप डैमेजेस वगैरह के लिए स्यू कर सकते हो कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते भाई मेरे दोस्त, जानबूझ के नहीं कर रहे हो, ब्रीच कर रहे हो तब कर सकते हो. तो ब्रीच में मैंने बोला था डैमेजेस के लिए,
कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर सकते हो। फिर मैंने बोला था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और एक बोला था इंजंक्शन। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है देख लो, क्या होता है, व्हाट इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या हुआ ना, द कोर्ट एट हिज डिस्क्रिशन विल ऑर्डर द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन बी यू नो ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट अंडर टू केसेस, व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कोई प्रॉपर्टी खरीदा है, अब अचानक से आपका इरादा चेंज हो गया, बोला नहीं बेचेंगे, कोई रात में लक्ष्मी जी सपना में आई और बोली गड्ढा खोद के देख अंदर में बहुत सारा सोना छिपा हुआ है, तो अब आप अपना जो इरादा से पलट रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर लियो फिर बोलते हो नहीं बेचेंगे, नहीं चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया फिर, पहले सोचना चाहिए था। अब तुमको क्या करेगा कोर्ट, जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती लैंड से तुमको हटाएगा और मेरे को दे देगा तुम्हारा लैंड, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन बी इन्फोर्स्ड, क्लियर है? फिर क्या बोल रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, या फिर कोई ऐसा मूवेबल प्रॉपर्टी विच इज ऑफ आर्टिस्टिक नेचर, ठीक है, कलाकारी, कलाकारी मतलब कोई भी, एक स्केच बनाया आपने मेरे को बेच दिया, फिर अचानक से पता नहीं क्या आया दिमाग में, बोलो नहीं बेचेंगे, समझ मारे रख के रखेंगे, तो नहीं चलेगा। कोर्ट आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए ऑर्डर कर सकता है, बट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन नॉट बी डिमांडेड व्हेन व्हेन मॉनेटरी कंपनसेशन इज एन एडुकेट रेमेडी। जब लग रहा है यार नहीं ठीक है, मॉनेटरी कंपनसेशन क्या है, एडुकेट रेमेडी है, या फिर माइनर, याद है मैंने माइनर के प्रोविजन में पढ़ाया था, माइनर कैन नॉट बी एनफोर्स्ड फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ठीक है? तो यानी अगर आप माइनर के संग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, आपको पता है ऑल द एग्रीमेंट्स विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, या फिर अब मान लो कोई डांसर भाई नौरा मना कर दी नहीं आएंगे डांस करने, तो क्या आप जोर जबरदस्ती उसको लेकर बेली डांस करवाओगे क्या, मानी के मांगे हिते गाना में बेली डांस करवाओगे क्या? अरे नहीं कर रही है तो क्या करें, हम नहीं करवा सकते उससे, क्लियर है? तो अगर कोई पर्सनल क्वालिफिकेशन का है, पर्सनल सर्विस का, तो कोर्ट उसको फोर्स नहीं कर सकता है, वो बोल रही है मेरा बेली खराब हो गया, हम नहीं बेली डांस दे सकते हैं। या फिर वेर द कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज द एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट इज अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? अब बैठ के सब थोड़ी देखेगा कितना ईटा कितना पत्थर लगा है नहीं लगा है, तो नहीं कर सकता। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब बात करेंगे इंजंक्शन, इंजंक्शन क्या है मेरे को बताओ, नेगेटिव स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, क्या बताओ, नेगेटिव स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। व्हाट इज इंजंक्शन, इट इज अ नेगेटिव स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। व्हाट इज इंजंक्शन गाइस, इट इज अ नेगेटिव स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सुनो ना, सपोज करो भाई नोरा के संग जो है ना डांस वगैरह का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक है, विदाउट एनी रीजन नोरा मना कर रही है, जस्ट बिकॉज शी इज नॉट इन अ मूड टू डांस, शी कैनॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर है? मेरे को मना कर दी फोन करके, नहीं आएंगे बेली डांस दिखाने, कहीं और जाना है बेली डांस दिखाने। तो मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कोर्ट को बोला आप इंजंक्शन ऑर्डर पास करिए, तुम अगर यहाँ बेली डांस नहीं दिखाओगी ना, तुम कहीं और भी जाकर बेली डांस नहीं कर सकते हो। तो यानी रेस्ट्रेनिंग, आप रेस्ट्रेन कर रहे हो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट को कोई परफॉर्मेंस करने से, दैट इज कॉल्ड एज इंजंक्शन। तो ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को रोका जा रहा है, तुम अगर मेरे नहीं हुए तो तुम किसी और के भी नहीं हो सकते, तुम मेरे यहाँ परफॉर्मेंस नहीं किए तो तुम कहीं और भी जाकर बेली डांस नहीं दिखा सकते। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इंजंक्शन, नेगेटिव ऑर्डर है ये, क्या बताओ, नेगेटिव ऑर्डर, रेस्ट्रेनिंग अ पर्सन फ्रॉम डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट, क्लियर है? सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इंजंक्शन। आवित्र विदेश, कोई डाउट है यहाँ तक? एब्सोल्युटली क्लियर। तो ये मेरा हो गया इंजंक्शन, क्लियर है? तो तीन चीज किया अभी तक हम लोगों ने, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस, बाय नॉन परफॉर्मेंस दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और बाय क्या किया था बताओ मैंने, इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट दैट इज सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी। अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल कंसेंट, क्या करेंगे बताओ, म्यूचुअल कंसेंट मतलब व्हेन बोथ द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीज कि उन्हें नहीं करना है ये कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म, देन दैट मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंसिडर्ड एज डिस्चार्ज। तो अब इसमें अलग अलग केसेस होते हैं, नोवेशन, रेमिशन, रेसिशन, ऑल्ट्रेशन, वेवर, क्या क्या बोला बताओ, नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रेसिशन, रेमिशन, वेवर। आर वी थ्रू विद दिस? यस, अर्चित बोल रहा है ठीक है नौरा नहीं आई तो बसंती को बुला लेते, तो बसंती के संग कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, ठीक है, बसंती के संग भी तो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना पड़ेगा, यस और नो, क्लियर है? चलो बताओ फटाफट बताओ क्या क्या भी हम लोग डिस्कस करेंगे, कम ऑन गाइस टेल मी, नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रेसिशन, रेमिशन, वेवर। नो व्हाट इज दिस नोवेशन, सुनना ध्यान से, व्हेन द न्यू कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, सॉरी, व्हेन द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड विद द न्यू कॉन्ट्रैक्ट, या फिर बोलो व्हेन द न्यू कॉन्ट्रैक्ट हैज सब्स्टिट्यूटेड द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन द न्यू कॉन्ट्रैक्ट हैज सब्स्टिट्यूटेड द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट दैट इज कॉल्ड एज नोवेशन, विद और विदाउट ऑल्टरिंग द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, विद और विदाउट ऑल्टरिंग द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे को एक प्रॉपर्टी खरीदना है, ठीक है, मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया, मुझे प्रॉपर्टी खरीदना है, मुझे बंगलो बड़ा पसंद आया, कल को आप एक और प्रोजेक्ट कर रहे थे और बड़ा बंगलो मुझे अच्छा लगा आपका, तो मैंने आपके संग बोला यार
शिफ्ट कर दो ना यार, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म करते, मुझे वो वाला दिखा दो ना, वो वाला दिला दो बंगलो। तो मैंने पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके आपके संग नया कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री किया, जिसमें मैं न्यू बंगलो आपका लूंगी जो कि और ज्यादा बड़ा है। तो इसको बोलते हैं इनोवेशन, ठीक है। अब इन दैट केस मैं पार्टी भी चेंज कर सकती हूँ। अब मान लो कि मैंने बोला भाई नहीं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसका जो है मालिक जो है ये मुझे नहीं बनना है, मेरी मम्मी को बना दो, क्लियर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनोवेशन। क्या बोलेंगे बताओ, इनोवेशन। पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट में रिमेन द सेम और मे ऑल्सो चेंज, वेयर न्यू कॉन्ट्रैक्ट सब्सटीट्यूट्स द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, वेयर द न्यू कॉन्ट्रैक्ट सब्सटीट्यूट्स द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कॉल्ड एज इनोवेशन, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इनोवेशन। नाउ व्हाट डज द वर्ड ऑल्टरेशन मींस, ऑल्टर कर देना भाई, क्या चीज ऑल्टर कर देना, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो भी मटीरियल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कोई बहुत ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को आपने चेंज कर दिया, 1 करोड़ का प्रॉपर्टी था, चेंज करके 5 करोड़, मटेरियल टर्म चेंज हो गया, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, ऑल्टरेशन। उसको क्या बोलते हैं, ऑल्टरेशन। नाउ व्हाट इज रेसिशन, रेसिशन का मतलब क्या हुआ, रिसिंड कर देना, रिसिंड, रिसिंड मतलब क्या, कैंसिल कर देना। मुझे यार कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने का इच्छा नहीं है, यार मुझे भी इच्छा नहीं है तुमसे परफॉर्म कराने का, म्यूचुअली चलो ना एग्री कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, रेसिशन। नाउ व्हाट इज रेमिशन, समझ में आ रहा, मैंने फोन बेचा आपको 5,000 रुपए में, कॉल करके बोला यार एक काम करो, इतना दिन हो गया यार तुम रुपया दे नहीं रहे हो, तुम चलो मेरे को 4,000 रुपया भेजो, खत्म करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। बोला ठीक है मैं भेज देते, अभी तुरंत भेज दे रहे। तो इसको बोलते रेमिशन। क्या बोलते बताओ, रेमिशन, वेर यू हैव एक्सेप्टेड अ लेसर सम, ठीक है, वेर यू आर सेटिस्फाइड बाई एक्सेप्टिंग अ लेसर सम देन वॉट यू आर प्रोमिस टू डू, प्रोमिस टू रिसीव इन द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको हम क्या बोलते बताओ, रेमिशन। या फिर मानो ना यार, तुम एक काम कर यार, तुम खुद ही रख 5,000 रुपया, तुम अपने पॉकेट में रख, फोन भी रख, 5,000 रुपया भी रख, यानी पूरा का पूरा मैंने अबंडेंट कर दिया अपने राइट का, आई हैव रिलिंक्विश्ड माय राइट टू रिसीव द फुल मनी फ्रॉम यू, सो दैट इज कॉल्ड एज वेवर। यहाँ पे तो आप कुछ रुपया रिलिंक्विश किया, यहाँ पे मैंने बोला पूरा का पूरा राइट ही रिलिंक्विश कर दिया, अबंडेंट कर दिया, इसको क्या बोलते हैं, वेवर। तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट। क्या क्या बोला, नोवेशन बोला, ऑल्टरेशन बोला, रेसिशन बोला, रेमिशन बोला, वेवर बोला। तो आ सकता है ना टाइप्स बताओ म्यूचुअल कंसेंट का, जब कॉन्ट्रैक्ट को क्या मान लिया जाएगा, डिस्चार्ज। क्लियर है, आर वी थ्रू विद दिस। नेक्स्ट, डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द ऑपरेशन ऑफ द लॉ। बस खत्म होने वाला है यार, बस आधी घंटा और खत्म होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। टेंशन ना लो मेरे बच्चे, टेंशन ना लो, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट बचा है, वेजरिंग बचा है, कॉन्टिंजेंट बचा है, खत्म खत्म, ठीक है। यस, वेरी गुड सुमित, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे बिहारी रहो ना, कहां जाओगे, बोला ना मुझे छोड़कर जो जाओगे बड़ा पछताओगे। वरुण बोल रहा है मैम लैपटॉप में 8% चार्ज बचा है, तो यार कनेक्ट कर लो चार्जर, दिक्कत क्या है, चार्जर कनेक्ट कर लो, ठीक है। हाँ जी, मैनेजमेंट टीम मेरे लिए यार ग्लूकोन डी वगैरह ले आई ना थोड़ा, ठीक है, समझ आ रहा, फुल सपोर्ट है मैनेजमेंट टीम का, पूरा बैठे रहते रात तक जब तक मैम का सेशन चलता है, क्लियर, छोड़ के नहीं जाते। सो आई एम रियली वेरी मच थैंकफुल टू माई टीम ऑल्सो टू सपोर्ट अस, ओके। चलो, बाय द ऑपरेशन ऑफ द लॉ, नेक्स्ट अभी हम लोग क्या डिस्कस करें बताओ, बाय द ऑपरेशन ऑफ द लॉ। ऑपरेशन ऑफ द लॉ का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। ऑलरेडी मैंने आपको याद है बोला था कि अगर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इनसॉल्वेंट, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। मान लो मैंने आपको बोला फोन खरीदना है, हमने कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया कि मैं आपको फोन बेचूंगी 1,00,000 रुपए में, अब आप हो गए इनसॉल्वेंट, ठीक है, तो मैं आपसे जबरदस्ती थोड़ी 1,00,000 रुपया दिलवा सकती हूँ। अरे आप फुक्कड़ हो चुके हो यार, आपको लोग पत्थर मार रहे रुपया मांगने के लिए, सबको ही आपको छोड़ दिया, आपके बीवी बच्चे घर बार सब बिक गया है, सड़क पे खड़े हो, तो मैं कैसे आपको फोर्स करूंगी। सो इन दैट केस कॉन्ट्रैक्ट को क्या मान लेता है, कोर्ट क्या मान लेता है, डिस्चार्ज। तो इनसॉल्वेंट पर्सन को और तुम क्या रुलाओगे, ठीक है, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाए हैं, वो डांस कर रहा है, क्लियर है, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, बस प्यार के दो बोल बोल गुनगुनाएंगे। अरे खाली हाथ है खाली हाथ जाए, उसका रुपया ही नहीं है, पागल हो गया है, इनसॉल्वेंट हो चुका है, कुछ नहीं कर सकते। तो लॉ में यही बोला है भाई कि अगर कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो गया ना, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को क्या मान लिया जाएगा, डिस्चार्ज्ड, क्लियर है। या फिर भाई मर्जर, मर्जर और नोवेशन में कंफ्यूज मत होना, डिफरेंस है। मर्जर का मतलब क्या, ध्यान से सुनना, एक नया कॉन्ट्रैक्ट आप बना लियो एंड द न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज अ सुपीरियर कॉन्ट्रैक्ट विच एम्बॉडीज द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट विच वॉज जूनियर टू दिस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो आपने एक ओरिजिनल इंफीरियर कॉन्ट्रैक्ट को सुपीरियर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर घुसा दिया, एम्बॉडी कर दिया, सो दैट इज कॉल्ड एज वॉट, मर्जर। मर्जर मतलब समझ गए, दोनों कॉन्ट्रैक्ट को मिलाकर एक कर दिया, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। मैंने बोला आपका एक लैंड खरीदना था, मेरे को आपका लैंड नहीं, मेरे को पूरा आपका जितना भी यहाँ पे जितना भी भीगा लैंड है ना, सारे पूरे के पूरे चाहिए, 1 बीघा नहीं चाहिए, पूरे के पूरे 10 बीघा चाहिए, उसके साथ साथ ये बिल्डिंग भी चाहिए, उसके साथ साथ सब कुछ चाहिए। तो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो इसको क्या बोल रहे हैं, मर्जर। लेकिन नोवेशन में क्या हो रहा है, पुराना वाला लैंड छोड़ दिया, नया लैंड खरीदने का प्रॉमिस हुआ,
old contract was substituted with the new contract. But yahan pe a big contract is embodying the inferior junior contract inside it. That is called as merger. To purana contract kya maan liya jayega? Discharge. Ya fir maan lo, ye jo samne wala party hai na aap logo ki tarah. क्या किया जानते हो, कॉन्ट्रैक्ट में व्हाइटनर यूज किया. 1 करोड़ रुपया का जो अमाउंट है ना, 7 जीरो होता है ना 1 करोड़ में, 1 2 3 4 5 6 7 एक जीरो काट दिया व्हाइटनर यूज करके. अरे बाप रे, ड्यू डेट को चेंज कर दिया कॉन्ट्रैक्ट का. अरे बाप रे, ऐसे ऐसे मटेरियल ऑल्टरेशन कर रहा है, अनऑथराइज ऑल्टरेशन कर रहा है बिना कंसेंट के. तो भाई आपको पूरा राइट दिया गया है दिव्या, ठीक है दिव्या, मैं आपको पूरा राइट, आप ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह को ना एक्सेप्ट मत करो. क्लियर है? अनऑथराइज ऑल्टरेशन के केस में एक रिटन डॉक्यूमेंट था, एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें सामने वाले पार्टी ने अनऑथराइज भयानक भयानक मटेरियल ऑल्टरेशन कर दिया है, वो भी मेरे परमिशन के बिना, मेरे नॉलेज के बिना. तो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अवॉइडेड बाय द अदर पार्टी. सो दिस इज व्हाट डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द ऑपरेशन ऑफ द लॉ. अभी थ्रू विद दिस. फिर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द क्या, लैप्स ऑफ द टाइम. लैप्स ऑफ द टाइम में वही 3 ईयर्स वाला. इफ 3 ईयर्स passes from the due date of the performance of the contract, after the lapse of 3 years, you cannot sue the party to the contract. The contract will be held to be discharged. बताओ मेरे बच्चे, आर वी थ्रू विद दिस गाइस? टेल मी, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, यस वसुंधरा, थैंक यू सो मच, वेरी गुड. बताओ क्लियर है कि नहीं? प्रथम हमारे संग जुड़ा हुआ है, वेरी गुड प्रथम. ठीक है, बताओ क्लियर है कि यहां तक कोई डाउट है? सो दिस कंप्लीट्स योर क्या, डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. अब क्या बोला, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फ्रस्ट्रेशन वगैरह, सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी इंग्लैंड वाले लॉ में बोला जाता है. क्लियर है? पहले ही मैंने पढ़ा दिया था. सो दिस कंप्लीट्स योर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब बस ज्यादा नहीं बचा है, ठीक है, बहुत ही जल्द हमारा सेशन खत्म हो जाएगा. तो प्लीज मेरा साथ मत छोड़ना लास्ट तक. जो मेरा साथ नहीं छोड़ेगा लास्ट तक, वो मेरे मतलब यू नो मेरे रियल वॉरियर्स है, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जिनका एग्जामिनेशन भी आने वाला है पेपर में. यस गाइस, कॉन्टिंजेंट और कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, यस. अभी हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं. ओके 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 ओके, चलो आ जाओ, फटाफट लाइक बटन हिट कर दो, और जितना हो सके ना ये वीडियो को वायरल कर देना, अपने दोस्तों तक पहुंचा देना, ताकि सभी इस वीडियो का फायदा उठा सके. जब आप किसी का हेल्प करते हो ना, अब भगवान अपने आप जो है ना आपका हेल्प करेगा, आपके मार्क्स के फॉर्म में अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे. ठीक है, और एग्जेम्पशन गारंटीड है भाई, एग्जेम्पशन गारंटीड. चलो बताओ, पूरा डैमेज वगैरह का कॉन्सेप्ट क्लियर है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्लियर है, मुझे नहीं लगता आपको कोई भी तरीका दिक्कत है. सबसे पहले अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कॉसी कॉन्ट्रैक्ट. क्या डिस्कस करेंगे बताओ मेरे बच्चे? कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, जबरदस्त टॉपिक है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट. क्या डिस्कस करेंगे? कॉसी कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? नो वन कैन एनरिच देमसेल्फ, ठीक है, एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर. यू कैन नॉट एनरिच योरसेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर. यू कैन नॉट एनरिच योरसेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर. इट इज बेस्ड ऑन अ लैटिन मैक्सिम व्हिच इज कॉल्ड एज नोमो डेट लोकू प्लैटरी एक्स लियाना जुस्टा. याद रहेगा, नोमो डेट लोकू प्लैटरी एक्स लियाना जुस्टा का, ठीक है, छोड़ दो. इसका यही मतलब हुआ, यू कैन नॉट एनरिच योर सेल्फ एट द बेनिफिट ऑफ द अदर. यानी दूसरे के बेनिफिट पे आप अपना मस्ती नहीं उठा सकते हो, दूसरे के एक्सपेंस में या दूसरों के टुकड़ों में ना जीना छोड़ दो. कब तक पलोगे दूसरों के टुकड़ों में? नहीं लॉ करेगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. समझ में आ रहा है? कॉसी कॉन्ट्रैक्ट अलग से आता है एग्जाम में, शॉर्ट नोट लिखो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर है? यस, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट. सुना ध्यान से, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर है? आपको पता है कुछ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन थे ना सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. अब ये क्या बोलता है ना, सेक्शन 10 के एसेंशियल कंडीशंस अगर फुलफिल नहीं भी होंगे ना, तो भी हम लोग उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, और उसी कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं कॉसी कॉन्ट्रैक्ट. उसी कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं प्यार से? कॉसी कॉन्ट्रैक्ट. क्या बोलते हैं बताओ मेरे बच्चे? कॉसी कॉन्ट्रैक्ट. सो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ नो वन नो बडी कैन एनरिच देमसेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर. दूसरों के फायदे पे अपना फायदा मत करो, ठीक है. और फिर उसके बाद क्या बोला बताओ? नो मो डेट लोकू प्लैटरी एक्स लियाना जुस्टका. क्लियर है? याद रहेगा, नो मैन कैन ग्रो रिच आउट ऑफ द अनदर पर्सन्स लॉस. क्लियर है? और यहां पे मैंने क्या बोला, कुछ कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो सेक्शन 10 के वैलिड कंडीशंस को फुलफिल, एसेंशियल फीचर्स को फुलफिल नहीं भी करते हैं, तो भी क्या उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है क्या? हाँ माना जाता है. इट इज स्टिल रिगार्डेड एज अ क्या? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. इट इज स्टिल रिगार्डेड एज अ क्या? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. याद रहेगा क्या बताओ? याद रहेगा क्या बताओ? फटाफट बताओ, क्या इसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? हाँ बिल्कुल माना जाएगा यार, बिल्कुल माना जाएगा. और याद है मैंने बोला था कॉसी कॉन्ट्रैक्ट में कौन सा राइट्स अवेलेबल है? जस इन पर्सोनम, जस इन
personam. What is this jus in personam? Ye right will be available only against that particular person. Only against that particular person. It will be regarded as a valid contract. Quasi contract is a valid contract. Quasi contract is a valid contract. तो मैम ऐसा कौन कौन सा केसेस है जहां पे quasi contract होता है? आपको याद है अभी जस्ट मैंने आपको बताया था माइनर और लुनेटिक के संग एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना गया है. बताओ क्या चीज के एग्रीमेंट? एग्रीमेंट टू सप्लाई नेसेसरीज टू देम. क्या माइनर और लुनेटिक का लीगल कैपेसिटी है? आर दे लीगली एंटाइटल्ड टू एंटर इन द कॉन्ट्रैक्ट? ऑल द एग्रीमेंट विद द माइनर एंड लुनेटिक आर वॉइड एब इनिशियो. तो क्या हुआ वो एसेंशियल कंडीशन ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करे तो पर भी उसको क्या मान लिया जा रहा है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो यानी वो क्या कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आया क्या? हाँ भाई कॉसी कॉन्ट्रैक्ट. तो मैंने पहला पॉइंट क्या बोला? नेसेसरीज. पहला पॉइंट क्या बोला बताओ? नेसेसरीज. क्या बोला? नेसेसरीज सप्लाइड टू माइनर. नेसेसरीज सप्लाइड टू माइनर एंड लुनेटिक्स. इसको किसके अंदर डाला गया है? कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर. किसके अंदर डाला गया बताओ? कॉसी कॉन्ट्रैक्ट या फिर मनी पेड ऑन द बिहाफ ऑफ द अदर पर्सन. ठीक है, इन योर ओन इंटरेस्ट. किसी और का रुपया ड्यू था, आपने उसका लायबिलिटी सेटल किया क्योंकि उससे कुछ आपको भी अपना पर्सनल इंटरेस्ट बेनिफिट सर्व हो रहा था. सेक्शन नंबर 69 नेसेसरी, सेक्शन नंबर 68. ठीक है, और किसी और का लायबिलिटी आपने सेटल किया, जानते हो क्यों? क्योंकि इसमें आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट था. फॉर एग्जाम्पल मान लो यू आर लिविंग ऑन अ रेंटेड अपार्टमेंट. आपका जो लैंडलॉर्ड है ना कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देके रखा है. अब वो जो लोकल म्यूनसिपैलिटी आया ना प्रॉपर्टी टैक्स रिकवर करने के लिए, तो वो लैंडलॉर्ड बोल रहा है हम नहीं पेमेंट करेंगे. तो अब वो प्रॉपर्टी टैक्स वाले क्या बोल रहे हैं? आपके प्रॉपर्टी को हम जब्त कर लेंगे, सीज कर लेंगे, सारे टेनेंट को खाली करवा देंगे. तो इन दैट केस आपको भी तो घर छोड़ के जाना पड़ेगा. तो इसलिए आपने क्या किया ना, केस को सेटल कर दिया, लायबिलिटी ऑफ द लैंडलॉर्ड को चुका दिया क्योंकि उसमें आपका खुद का भी पर्सनल इंटरेस्ट था. तो क्या आप बाद में लैंडलॉर्ड को स्यू कर सकते हो? हाँ कर सकते हो, ऑल दो यू आर एन आउटसाइडर टू द कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन फिर भी क्या हुआ, आपने उसका पेमेंट कर दिया ना, तो आप इसके लिए लैंडलॉर्ड को स्यू कर सकते हो और एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया आपके बीच में और लैंडलॉर्ड के बीच में, जबकि कोई ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं हुआ था. बट स्टिल इट विल बी रिगार्डेड एज अ वैलिड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि आपने किसी और का लायबिलिटी चुकाया अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए. क्लियर है? ये हो गया सेक्शन नंबर 69. या फिर सेक्शन नंबर 70, person enjoying the benefits of the non-gratuitous benefits activities. एक पढ़ा था gratuitous payment, non-gratuitous का best example. यार तुम जबरदस्ती दूसरों का help, अगर दूसरा अगर तुमको free में आकर काम कर रहा है तो तुम free में क्यों मजा उठा रहे? मना कर दे यार उसको, नहीं करना है काम और काम ले रहा है, service ले रहा है तो पैसा दे उसको. उसको quasi contract बोला जाएगा. offer acceptance नहीं हुआ तो भी उसको contract माना जाएगा. सेक्शन नंबर 70 क्या बोला मैंने बताओ? जब आप किसी और का क्या करो, ग्रैटिट्यूअस की नॉन ग्रैटिट्यूअस, नॉन ग्रैटिट्यूअस सर्विस ले रहे हो, नॉन ग्रैटिट्यूअस सर्विस, तो सामने वाले को पेमेंट करना पड़ेगा. जैसे गार्डनिंग, सामने वाला डेली आपके आकर ना ग्रासेस वगैरह को काट दे रहा है, पानी में जो फूल वगैरह में पानी दे रहा है, पौधा दे रहा है, क्रॉप्स का देखभाल कर रहा है, क्या ये सब सर्विसेज फ्री में करते हैं लोग? नहीं, इसका पैसा लगता है और आप डेली फ्री में मजा उठा रहे हो. फिर जब महीना का एंड हुआ, सामने वाला सैलरी मांगने आया तो आप उसको मना कर दे रहे हो इस ग्राउंड्स पे कि हमारे बीच में ऑफर नहीं हुआ, एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है. गलत चीज है ना भाई, किसी का आप मदद ले रहे हो या सर्विस ले रहे हो तो पैसा दो. ठीक है, डू नॉट ट्राई टू एनरिच योरसेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर, दिस इज वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट. तो ये कॉसी कॉन्ट्रैक्ट है, आपको आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है वो, और सामने वाला आपको स्यू कर सकता है गार्डनिंग के एक्सपेंसेस को रिकवर करने के लिए. क्लियर है? या फिर राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड, फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड, फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड. ठीक है, फाउंडर ऑफ द लॉस्ट गुड बोलो या फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड, मैंने इसमें बताया था आपको. फॉर एग्जांपल मान लो कि आपका एक डॉगी, एक छोटा सा पपी है, वो रास्ते में खो गया है. ठीक है, अब आप उसको क्या हुआ ना, किसी और को मिल गया आपका पपी, तो वो आपके पपी को रेस कर रहा है, नर्चर कर रहा है, उसको बिस्किट वगैरह खिला रहा है, उसका देखभाल कर रहा है, उसको टिटनेस इंजेक्शन लगवा रहा है. तो अब ये सब खर्चा आप रिकवर करोगे क्या ओनर से? हाँ करोगे, जब वो कुत्ता रिटर्न लेने आएगा बिल्कुल रिकवर करोगे. क्लियर है? और इनफैक्ट वो जो फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड, उसके पास ये भी पावर है कि इफ ही इनकर्स 2/3 और मोर देन 2/3 ऑफ द एक्सपेंसेस. ठीक है, क्या इनकर किया मेरे को बताओ? एक्सपेंसेस इनकर किया जिसका वैल्यू क्या हो गया, विच एक्सीड्स 2/3 और ग्रेटर देन 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ दैट लॉस्ट गुड. वो जो गुड्स मिला ना उसका वैल्यू से उतना वो ज्यादा एक्सपेंसेस उसके ऊपर ऑलरेडी क्या कर दिया मेरे को बताओ, इनकर कर चुका है. सो इन दैट केस यू नो ही हैज अ राइट टू सेल द गुड. वो गुड्स को क्या कर सकता है, बेच भी सकता है, ये उसके पास पावर दिया गया है. या फिर अभी कभी आपने ना क्या किया, मनी हैज बीन पेड इन एक्सेस बाय मिस्टेक, किसी और को ज्यादा रुपया दे दिया, आरटीजीएस 1 लाख का करना था 2 लाख का कर दिया, तो सामने वाला से आप 1 लाख रुपया रिकवर कर सकते हो भाई. क्लियर है? तो ये सब मेरा क्या हो गया मेरे को बताओ, वापस से कॉसी कॉन्ट्रैक्ट. ये सारा का सारा क्या, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट. देखो एक एक करके सारा मैंने पढ़ा दिया. क्लियर है? तो यहां पे क्या हो रहा है,
बताओ, क्लेम फॉर नेसेसरीज बताया था, सप्लाई टू पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग यानी माइनर और लुनेटिक का बात कर रहा है, राइट टू रिकवर मनी, पेड फॉर अनदर पर्सन लैंडलॉर्ड वाला एग्जाम्पल, ठीक है, नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट वाला, फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स, या फिर क्या बोला मैंने बताओ, आपने किसी को मिस्टेक से, बाई मिस्टेक या क्वेश्चन से रुपया दे दिया, सेक्शन 68 बोला था देख लो, लुनेटिक्स वाला और माइनर वाला, सेक्शन 69 बोला वही लैंडलॉर्ड वाला एग्जाम्पल, ठीक है, सेक्शन नंबर 70 बताया आपको, क्लियर है, सेक्शन नंबर 71 वही बेलर और बेली वाला, 72, आर वी थ्रू विद दिस गाइस, क्लियर है, फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स, ये ग्रेटिट्यूस नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट वाला, तो दिस इज योर कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, बोलो कैसा लगा, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट इज डन, हाउ वाज दिस कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर है, तो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड की इनवैलिड की वॉइड, इट इज वैलिड क्योंकि यू कैन नॉट एनरिच योरसेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर, किसी और का आप फायदा नहीं उठा सकते, बोला गया है, क्लियर है, कोई दिक्कत, सो दिस कंप्लीट्स योर कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या बताओ, वेजरिंग और कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, बट उसके पहले बताओ मुझे यहां तक कोई भी दिक्कत है क्या मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे बच्चों को, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर गाइस, कम ऑन टेल मी गाइस, हिट द लाइक बटन गाइस, क्लियर है कि नहीं, सेशन खत्म होने के बाद पक्का से बताना कि आज का सेशन कैसा लगा, बताओ क्लियर और नॉट, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डन, अब बस ज्यादा नहीं बचा भाई, खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है, बस खत्म होने वाला है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एकदम खत्म होने वाला है, बस मेरे साथ टिके रहो, बस 10 मिनट और समझ लो, 10 मिनट और समझ लो, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या बताओ, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करेंगे और क्या डिस्कस करेंगे, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो इंडिया में वॉइड है, वेजरिंग नाम से मिला, वेजरिंग, वेजरिंग का मतलब होता है बेटिंग वगैरह का एग्रीमेंट, आप बेटिंग वगैरह करते हो किसी के संग, जैसे आपने बेटिंग किया, आज बारिश होगा तो 5,000 रुपया हम तुमको देंगे, बारिश नहीं हुआ तो तुम मुझे 5,000 रुपया देना, तो ये बेटिंग वगैरह कर रहे हो, और ये बेटिंग किसके बेसिस पे कर रहे हो, ऑन द हैपनिंग और द नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच इज अनसर्टेन, क्लियर है। लेकिन इन दैट केस आप मुझे एक चीज ये भी बताओ कि वेजरिंग एग्रीमेंट को वॉइड क्यों बोला गया, बिकॉज ऑफ पार्टीज हैव नो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट, इन लोग खाली बोली लगा रहे, क्लियर है, तो उसको बोलते हैं वेजरिंग, जो बेटिंग के जितने भी एग्रीमेंट होते हैं ना उसको बोलते हैं हम लोग वेजरिंग। फिर कॉन्टिंजेंट और वेजरिंग में डिफरेंस क्या, कॉन्टिंजेंट को वैलिड माना गया, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड बट वेजरिंग विच इज बेटिंग एग्रीमेंट इज वॉइड। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मैम क्या होता है वो बताइए ना, टू डू और नॉट टू डू समथिंग ऑन द हैपनिंग और द नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट एंड सच एन इवेंट इज कोलैटरल टू द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू द मेन इवेंट, क्लियर है, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। यानी इसका मतलब सुनो, चार केस है, I am going to perform this contract if this event happens. I am not going to perform this contract if this event happens. I am going to perform the contract if this event does not happen. I am not going to perform this contract if this event does not happen. To do or not to do something. ठीक है? If such event happens or does not happens. And such event is collateral to the contract. इसका best example सुनो. A agrees to deliver good to B, which is importing from China, and provided the ship reaches safely to the dock, then only the goods can be delivered to Mr. B. A और B के बीच में एक contract हुआ, जहाँ पर A ने क्या बोला, मैं B तुमको goods दूंगा एक ही condition पे, provided जो ship, जो जहाज goods लेकर आ रहे ना China से, वो goods safely dock पर पहुँच जाए। अगर रस्ते में ही ship डूब गया और dock में goods नहीं आया, तो in that case मैं आपको goods कैसे दूंगा, नहीं दे पाऊंगा ना, तो ये contract हो गया contingent। समझ मार है, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस किसके ऊपर डिपेंडेंट है, अपॉन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच इज अनसर्टेन विच इज कॉन्टिंजेंट एंड द इवेंट इज व्हाट, कमिंग अराइवल ऑफ द शिप, क्लियर है। शिप अगर अराइव हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाएगा, अराइव नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट विच इज अ वैलिड। अब मान लो अचानक से ना सी शोर में बहुत ज्यादा साइक्लोन आने लग गया, तूफान आने लग गया, सबको ही बाइनोकुलर्स लगा के देख रहे हो शिप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप एक्चुअली क्यों चिंतित हो, क्योंकि आपको पता है यार ये कॉन्ट्रैक्ट अगर इन केस क्या चीज का नेचर है, कॉन्टिंजेंट, जिसका हैपनिंग डिपेंड करता है अपॉन द क्या, कॉन्टिंजेंट इवेंट विच इज अनसर्टेन, अगर शिप आ गया तभी ये कॉन्ट्रैक्ट होगा परफॉर्म, नहीं तो नहीं होगा, वॉइड हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन वहीं पे क्या हो रहा है ना, ऐसे ही दो दोस्त हाथ में हाथ मिलाए एक लंबी वॉक पे निकले हुए, वो ऐसी बोली लगा रहे, उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट से वास्ता नहीं है, क्लियर, कोई कॉन्ट्रैक्ट से वास्ता नहीं है, दे हैव नो इंटरेस्ट व्हाटसोएवर इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट। उन लोग ऐसे बोल रहे हैं यार ये शिप क्या लगता है डूबेगा कि बचेगा, चल बेटिंग करते हैं, डूब गया तो 5,000 रुपया देंगे, नहीं तो तुम्हारा पैसा डूब जाएगा। तो ये क्या हो गया, वेजरिंग एग्रीमेंट, ये क्या हो गया, वेजरिंग एग्रीमेंट।
क्योंकि मेरे को द वेजरिंग एग्रीमेंट अभी थ्रू विद दिस, क्योंकि उनका कोई वास्ता नहीं है भाई सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से, बट कॉन्टिंजेंट में उनका वास्ता है ना, शिप आएगा कि नहीं आएगा, उनका जान अटका है क्योंकि शिप में गुड्स कैरी हो रहा है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्या वेजरिंग और कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. किसका डिफरेंस हो गया वेजरिंग का और किसका बताओ कॉन्टिंजेंट का. आर वी थ्रू विद दिस. तो वेजरिंग में मैंने क्या बोला वॉइड है, यहाँ क्या बोला वैलिड है. कॉन्टिंजेंट में मैंने क्या बोला टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट. इवेंट क्या होना चाहिए कोलैटरल मेन, ठीक है, टू सच कॉन्ट्रैक्ट. डज और डज नॉट हैपन, इवेंट शुड बी अनसर्टेन एंड इट शुड बी कोलैटरल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर है कॉन्टिंजेंट, क्लियर है. और वेजरिंग में क्या बोल रहा है प्रोमिस टू गिव मनी और मनी इज वर्थ अपॉन द डिटर्मिनेशन ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट. अनसर्टेन इवेंट इज अ सोल डिटरमाइनिंग फैक्टर और कुछ नहीं. क्लियर. पार्टीज हैव नो इंटरेस्ट व्हाटसोएवर इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट. उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है. क्वांटम ऑफ मेरिट का मतलब आपको पता है एज मच एज अर्नड होता है. क्वांटम ऑफ मेरिट का मतलब क्या होता है एज मच एज अर्नड रीजनेबल रेमुनरेशन. क्लियर है. सुनना आप ध्यान से. मिस्टेक फटाफट पढ़ाएंगे शॉर्ट में. मिस्टेक दो टाइप का मिस्टेक होता है, एक होता है मिस्टेक ऑफ लॉ, एक होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट. मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ cannot be regarded as an excuse and cannot make the contract void. In that case, contract will be valid. Just because you have no knowledge, no awareness about the law, cannot be regarded as an excuse to kya treat the contract as void. The contract will be held as kya valid. Law नहीं आना कोई excuse नहीं है. ये आपका गलती, आपको law नहीं है. Everyone is expected to understand the law. तो आप मेरे से law पढ़ लिया करो, मैं आपको पूरा law पढ़ा दूंगी. समझ में आ रहा है? तो आप ये नहीं बोल सकते इस चीजों के ऊपर शेड नहीं लग सकते हो कि यार सॉरी गलती हो गई यार, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करके पता नहीं था यार कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेंगे ना तो मेरे को जेल हो जाएगा आईपीसी में, मेरे को ना अस्यू हो जाएगा. फिर तो भाई ऐसे आप किसी को भी गोली से उड़ा दो और बोलो यार मुझे जेल मत डालो, मुझे पता नहीं था कि ये सजा है, गुना है. इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, बट इग्नोरेंस ऑफ इंडियन लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज. तुमको भारत का कानून आना चाहिए क्योंकि तुम एक भारत देश में रहते हो, तुम भारत के नागरिक हो. तो जागो भारत, जागो जागो नागरिक, जागो. लॉ के बारे में जानो, लॉ के बारे में नहीं जानोगे और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करोगे और फिर बोलोगे हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए गलती से क्योंकि मुझे लॉ के बारे में नहीं पता था, ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा. कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट को आप कैंसिल नहीं कर सकते. करोगे तो फिर भाई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अट्रैक्ट हो जाएगा, डैमेजेस वगैरह, रिसेंट वगैरह, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इंजंक्शन, सब कुछ चलेगा. क्लियर है? तो वापस से सुनो मैंने क्या बोला. मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड. क्लियर है? बट सेकंड क्या बोला सुनना ध्यान से. मिस्टेक ऑफ फैक्ट, फैक्ट फैक्ट को लेके गड़बड़ी हो गया. फैक्ट को लेके मतलब सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. यानी मान लो कि मैंने आपको बोला था यार मुझे ना 10 टन्स ऑफ द आउटपुट चाहिए, बट आपने उस 10 को ना गलती से 8 टन पढ़ा. तो अब यहां पे देखो ना दो चीज होता है. इसको हम लोग बोल रहे क्या, इसको क्या बोल रहे बताओ, इसको बोल रहे मिस्टेक ऑफ फैक्ट रिलेट्स टू क्वांटिटी. या मैंने प्राइस लिखा था 1 crore, आपने इसको 10 lakhs पढ़ा, आपका गलती. तो ये हो गया फैक्ट से रिलेटेड, क्वांटिटी, प्राइस या फिर क्वालिटी या डिस्क्रिप्शन, ये सब हो गया मिस्टेक रिलेटेड टू फैक्ट. नाउ मिस्टेक कैन बी यूनिलैटरल, मिस्टेक कैन बी बाइलैटरल. जब दोनों पार्टी का मिस्टेक है तो बाइलैटरल, जब एक पार्टी का मिस्टेक है तो यूनिलैटरल. मिस्टेक ऑफ लॉ में चाहे यूनिलैटरल हो चाहे बाइलैटरल हो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहना है, लेकिन वो मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ होना चाहिए. लेकिन अगर मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ है ना तो भाई फॉरेन का कानून आपको आए जरूरी नहीं है. क्लियर है? आप इंडिया का लॉ जान लो वही काफी है. तो मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पता है किसका दर्जा दिया गया है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट का. क्या बोला गया? मिस्टेक ऑफ फैक्ट. और मिस्टेक ऑफ फैक्ट मैंने क्या बोला रिलेट्स टू क्या, मिस्टेक रिलेट्स टू क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. दैट can be further subdivided into what, unilateral ya fir bilateral, unilateral ya fir bilateral. agar bilateral mistake of fact hua hai na mere dosto to contract ko void maan liya jayega, dono ka hi galti tha. maine kuch aur samjha, aapne mujhe kuch aur bataya, mere se bhi galti, aapse bhi galti, dono mutually, both the parties are at fault and this mistake relates to mistake of fact. in that case contract will be regarded as void, will be held as void. lekin 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 agar ye unilateral mistake of fact hota hai, मैंने आपको ना एक लेटर भेजा था जहां मैंने इंक्वायरी किया था. ये केस लॉ आया हुआ एग्जाम में, ये जो केस स्टडी मैं डिस्कस करी हुई एग्जाम में आया हुआ, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. मैंने ना आपको एक इंक्वायरी किया था, एक ईमेल किया था जहां मैंने पूछा था कोट मी द प्राइस ऑफ 50 rifles, कोट मी द प्राइस ऑफ 50 rifles. क्लियर है? कोट मी द प्राइस ऑफ 50 rifles. क्लियर है? एज आई एम प्लानिंग टू बाई
नॉट मोर देन 50 राइफल. मैंने ये नहीं लिखा कि आई एम प्लानिंग टू बाई एक्जैक्टली 50 राइफल, नॉट मोर देन 50 राइफल. तो अब सामने वाला ने कोटेशन भेजा. अब मैंने उसको क्या किया, ऑर्डर दिया. मैंने ऑर्डर में पता क्या लिखा, सेंड मी 3 राइफल. मैंने क्या भेजा, सेंड मी 3 राइफल. बट कुछ टाइपो एरर हो गया, पता नहीं क्या हुआ. सामने वाले के पास गया, सेंड मी द राइफल. क्या गया बताओ, द राइफल. सेंड मी द राइफल. 3 राइफल की चला क्या चला गया, द राइफल, द THE द राइफल. तो आपको समझ में आ रहा है ये कौन सा मिस्टेक है, कौन सा मिस्टेक है बताओ ना, क्या होने इसमें बताओ, ये कौन सा मिस्टेक है, कम ऑन टेल मी गाइस, ये कौन सा मिस्टेक है, ये टाइपो एरर हो गया ना. मिस्टेक ऑफ क्या हो गया बताओ मेरे बच्चे, मिस्टेक ऑफ क्या हो गया, मिस्टेक ऑफ क्या हो गया. सामने वाला मुझे 50 राइफल भेज दिया, उसे लग रहा है 50 राइफल भेजना है, उसको लग रहा है 50 राइफल भेजना है. अब उसके पास क्या गया, द राइफल, उसको लग रहा है 50 राइफल. मैंने भेजा 3 राइफल, मुझे लग रहा है 3 राइफल मंगाया. तो ये कौन सा मिस्टेक हो गया, कौन सा मिस्टेक हो गया बताओ मेरे बच्चे, कौन सा मिस्टेक हो गया. मिस्टेक ऑफ फैक्ट है. मिस्टेक ऑफ क्या बताओ, फैक्ट. मिस्टेक ऑफ क्या बताओ, फैक्ट. क्या होना है बताओ, क्या होना है बताओ, चैटबॉक्स में लिखकर बताओ क्या होना है. हाँ हाँ हाँ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है. वेरी गुड, मिस्टेक ऑफ फैक्ट. सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब. तो आप समझ गए क्या बोला मैंने, अगर बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, इफ इट इज अ बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट गाइस, इफ इट इज अ बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट देन इट विल बी ट्रीटेड एज वॉइड, देन इट विल बी ट्रीटेड एज क्या, वॉइड. अगर यूनिलैटरल है तब इन दैट केस इट विल ट्रीटेड एज क्या, वैलिड. तो देखो ना, वॉइड एक ही केस में हुआ. अगर क्या है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है और वो भी क्या है, बायलैटरल, तब खाली क्या माना जाएगा, void. बाकी सारे केसेस में क्या माना गया है, वैलिड. अगर मिस्टेक ऑफ लॉ है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी कंसिडर्ड एनी एक्सक्यूज, कैन नॉट बी हेल्ड एज एन एक्सक्यूज. यूनिलैटरल हो बायलैटरल हो, उसको वैलिड माना जाएगा. और वो भी इंडियन लॉ के लिए बोला है. फॉरेन लॉ को क्या माना गया है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट ही माना गया है. आर वी थ्रू विद दिस. अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट मैटर, प्राइस, क्वांटिटी, आइडेंटिटी, क्वालिटी, टाइटल टू द सब्जेक्ट मैटर. आर वी थ्रू विद दिस, क्लियर है. यूनिलैटरल मिस्टेक मतलब वन पार्टी, ठीक है, और बायलैटरल मतलब क्या, बोथ द पार्टीज. आर वी थ्रू विद दिस. मिस्टेक कवर्ड अंडर सेक्शन नंबर 20, क्लियर है. बस खत्म होने वाला है. टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द लास्ट टॉपिक फॉर द डे, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. बताओ जबरदस्त मजा आया कि नहीं, जबरदस्त मजा आया कि नहीं. ये आपका ड्यूटी है, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के संग. और प्लीज 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 मेरा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सेशन कैसा रहा, ठीक है. ओपी ओपी तो अभी लिख रहे हो, लेकिन आपको 30 सेकंड लगेगा. और एक एक बच्चे का कमेंट मेरे लिए बहुत कीमती है. ये मत सोचना कि मैम के पास बहुत सारे कमेंट है, हमें नहीं देने का दरकार है. अगर आप सच्ची में सेशन एंजॉय की हो और आप मेरे से प्यार करते हो और आप चाहते हो इसी तरह से मैं आपको परफॉर्मेंस देती रहो, तो आप प्लीज़ पक्का से कमेंट करके ज़रूर बताना. अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बताओ, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर. तो ध्यान से सुनना, अकॉर्डिंग टू द वैलिडिटी. तो ये आपको पता है भाई क्या क्या है, void contract. void contract और void agreement में बहुत बड़ा डिफरेंस है. void agreement का मतलब क्या होता है, agreement which is void from the beginning, ठीक है, उसको बोलते हैं void agreement. void contract was a valid contract at the time when the contract was entered, but later on it becomes impossible to perform the contract and it becomes void, ठीक है. तो इनिशियली जब हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था वो वैलिड था, बट आगे जाके वो अनएनफोर्सिएबल बन गया, ठीक है, इट सीजेस टू बिकम एनफोर्सिएबल. तो उसको बोलते हैं void contract. तो void agreement और void contract डिफरेंस है. void agreement मतलब पहले से ही नहीं हो सकता पॉसिबल, बट void contract पहले पॉसिबल था, इट वॉज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बट लेटर ऑन इट बिकम्स void. That becomes क्या, void contract. voidable contract क्या होता है, which is enforceable at the option of the aggrieved party. Clear है. Illegal contract क्या होता है, ध्यान से सुनना. What is an illegal contract? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या, विच इज फोरबिडन बाई द लॉ, बाई द इंडियन लॉ. जिसको लॉ क्या करता है, फोरबिड करता है, दैट इज कॉल्ड एज इलीगल कॉन्ट्रैक्ट. अब ध्यान से सुनना, ऑल द इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, बट ऑल द वॉइड एग्रीमेंट डज नॉट मीन दे आर इलीगल. सारे के सारे इलीगल एग्रीमेंट वॉइड होंगे, बट सारे वॉइड एग्रीमेंट इलीगल होंगे जरूरी नहीं है. सारे वॉइड एग्रीमेंट क्या इलीगल होते हैं क्या, माइनर के संग एग्रीमेंट इलीगल थोड़ी है, वॉइड है, बिनिशो है, वॉइड है, ठीक है. हाँ, लेकिन अफीम गांजा का धंधा करोगे तो वो इलीगल है और वो वॉइड होगा. सो ऑल द इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइड, बट ऑल द वॉइड एग्रीमेंट आर नॉट इलीगल. क्लियर है. फिर अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ, वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज इन सब्सटेंस बट कोई टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से, कोई राइटिंग में आपने जो है ना कुछ नहीं लिखा या बार्ड बाय लिमिटेशन हो गया, तो वो क्या बन गया, अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट. नॉन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन, एक्सप्रेस या फिर इम्प्लाइड. एक्सप्रेस आपको पता है भाई, जहां पे आप ओरली या फिर राइटिंग में लिखकर एक्सप्रेस कर रहे हो, बट बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टी क्या हो जाएगा, इम्प्लाइड ऑफर, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस. बस प्लाइंग ऑन द रोड,
क्लियर ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस. अभी पढ़ाया था ना कंसिडरेशन का तीन टाइप, वही तो है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर है? और क्या बोले? एग्जीक्यूटरी, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यूनिलैटरल, बाइलैटरल. यूनिलैटरल वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, ओनली वन पार्टी हैज परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. जैसे मैंने बोला ना मैं गाड़ी बुक कर ली, क्लियर है, बट अभी उस केस में क्या हुआ, मैंने तो एडवांस मनी दे दिया है बट मुझे गाड़ी अभी डिलीवर होगा 2 महीने बाद, तो वहां पे क्या हुआ, एक ही पार्टी ने अपनी अपना कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस किया, दैट इज यूनिलैटरल. मैंने 2 लाख रुपया दिया, आपने मुझे गाड़ी दे दिया, बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, दोनों ने अपना प्रॉमिस परफॉर्म कर दिया. क्लियर है? नोटिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड, कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सील को छोड़कर बाकी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है ना उसको हम लोग सिंपल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. बाकी क्या कॉन्ट्रैक्ट हो गया? फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट. याद है मैंने बोला था कोर्ट के जजमेंट, तो जो जजमेंट वगैरह आता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? वो जो जजमेंट वगैरह आता है कोर्ट का उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड. क्लियर है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब क्या हुआ? कोर्ट के जजमेंट. क्लियर है? और कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील क्या हुआ? जब क्या होता है ना कोई डीड वगैरह साइन होता है. क्लियर है? डीड वगैरह सील वगैरह कर देते हैं. तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो सारे के सारे सिंपल होते हैं एक्सेप्ट टू विच इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड, जो कोर्ट के ऑर्डर वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर सील. बाकी सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल कॉन्ट्रैक्ट. आर वी थ्रू विद दिस गाइस? आर वी थ्रू विद दिस गाइस? क्लियर है? सो दिस कंप्लीट्स योर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. फटाफट मुझे चैटबॉक्स में एक रैपिड फायर सेशन खेलना आपके संग. मैं आपको क्वेश्चन पूछती जा रही हूँ और आप मुझे आंसर देते जाओगे. रेडी हो क्या मेरे दोस्तों? बताओ. चलो हाँ या ना. एडुकेसी ऑफ द कंसिडरेशन, एसेंशियल की नॉट एसेंशियल. कंसिडरेशन कैन बी एडुकेट और इनएडुकेट, कमेंट. कंसिडरेशन में भी एडुकेट और इनएडुकेट, कमेंट. कंसिडरेशन कैन बी एडुकेट या इनएडुकेट, कमेंट करो फटाफट मेरे दोस्तों. कमेंट करो, कमेंट करो गाइस, कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो. एडुकेसी, हाँ एडुकेसी मैटर नहीं करता. कंसिडरेशन कैन बी क्या? इनएडुकेट. कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर हेल्ड इन द केस ऑफ. कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर हेल्ड इन द केस ऑफ. क्या बोला था बताओ? हेल्ड इन द केस ऑफ. वेरी गुड अभिनाश, निसर्ग. Consideration can move from one person to another held in the case of. क्या बोला था? Held in the case of, held in the case of चिन्नैया versus रमैया. चिन्नैया versus रमैया. चिन्नैया versus रमैया. ठीक है? No consideration, no contract. Exception बताओ. No consideration, no contract. इसका exception है. इसका exception है क्या? Property transferred out of natural love and affection to क्या? Near and dear relation. या फिर क्या बोला? Gift deed, completed gift. या फिर क्या बोला बताओ? और क्या बोला था बताओ? Gratuitous bailment, very good. Gratuitous bailment, हाँ. और बताओ, और बताओ, और बताओ. Gratuitous bailment बोला था. और बताओ क्या बोला था? Come on quickly guys. Very good, very good. Depom, Nishi, Sneha, Nandini. और बताओ क्या बोला था? हाँ, gift deed, very good. Gratuitous payment, natural love, very good, very good. और बताओ. Gift हो गया, हाँ. और बताओ. Bailment, very good. Voluntary services बोला था ना. Past consideration, clear. और टाइम बार डेट का पेमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, सुपर्ब, गजब गजब. चलो बताओ. डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअल कॉन्सेंट से हो सकता है. कैसे कैसे? इसका टाइप्स बताओ. म्यूचुअल कॉन्सेंट का टाइप्स बताओ. क्या क्या बोला? नोवेशन, ऑल्टरेशन, रिसीशन, रेमिशन, वेवर. वेवर जबरदस्त, जबरदस्त. चलो बताओ मेरे को. सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी कब नहीं माना जाएगा? व्हाट आर द केसेस जहां सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं माना जाता है? नहीं माना जाता है, नहीं माना जाता है. डिफिकल्टी इन परफॉर्मेंस, वेरी गुड. कमर्शियल लॉस हो रहा है मेरे को, कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी. या फिर राइट्स हो गया, सिविल डिस्टर्बेंसेस हो गया, स्ट्राइक्स हो गया, लॉकआउट्स हो गया. गजब मेरे दोस्तों, गजब गजब. ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे सेक्शन 10 का एसेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल नहीं हो रहा है बट फिर भी हम लोग उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मान रहे हैं? कुछ कुछ कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहे तो भी हम लोग उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मान रहे हैं. वहां पे जस्ट इन पर्सोनम अलाउड है, नो वन कैन एनरिच एट द क्या एक्सपेंस ऑफ द अदर. ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है भाई बताओ? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है और वो वैलिड है इंडिया में? कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिफाइंड अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 2 क्लॉज एच. एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर है? कंसिडरेशन सेक्शन 2 क्लॉज डी. क्या बोला था? याद है ना? क्लियर? वेरी गुड. ऑफर सेक्शन 2 क्लॉज एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस सेक्शन 2 क्लॉज बी. ठीक है, वेरी गुड. चलो, आई होप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल. ठीक है, सो इसी तरह से आपके लॉ के सारे चैप्टर्स को मैं धीरे धीरे करके रिवीजन करवा दूंगी. आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना व्हेन दिव्या मैम इज हियर. सो इफ यू गाइज हैव रियली एंजॉयड द लेक्चर, प्लीज
गिव मी योर प्रीशियस कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन. कॉमेंट करके जरूर बताना वंस द लाइव स्ट्रीमिंग गेट्स ओवर. ठीक है. एंड लॉ इज इन माई ब्लड. ठीक है. आई हैव इनहेरिटेड फ्रॉम माई ब्रदर सो नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम मी. एंड आई गारंटी यू कि जितना बखूबी से सर लॉ को निभाते होते हैं उतना ही बखूबी से मैं भी लॉ को निभाऊंगी और आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है. इसी तरह से हम लोग लॉ पढ़ेंगे आगे भी और धमाल मचाएंगे. ठीक है. और अगर सेशन अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. और बिल्कुल भी टेंशन मत लेना. ज़बरदस्त जाना है आपका पेपर. एकदम ज़बरदस्त सुपर से भी ऊपर जाना है. ठीक है. और प्लीज़ शेयर करिए इसको. और जिसको भी नोट्स चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव लिंक है. प्लीज़ उसमें अपना डिटेल्स करेक्ट फिल इन करना. ईमेल आईडी सही देना क्योंकि उसी ईमेल आईडी में हम लोग नोट्स वगैरह डिस्पैच कर देंगे. ठीक है. एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट गाइज. बग अप योर सेल्फ. पंप अप योर सेल्फ. दिस इज द टाइम वेन यू हैव टू शो योर परफॉर्मेंस. वेन यू हैव टू परफॉर्म. तो अभी प्लीज़ रो रो कर पढ़ाई मत करिए. हंस के खुशी होकर एकदम खुश होकर पढ़ाई करो. एकदम एनर्जी के संग पढ़ाई करो क्योंकि आपने अपने लिए ये कोर्स चुना है. अपने लिए पढ़ाई करो किसी और के लिए नहीं कर रहे हो. तो यार पढ़ना तो है ही. अब आप डिसाइड कर लो रो के पढ़े कि हंस के पढ़े. तो हंस के ही पढ़ लो ना यार. सभी चीज़ों में इंजॉय करना सीखो. ट्राई लिविंग इन योर प्रेजेंट मोमेंट. स्टॉप वरिंग अबाउट द फ्यूचर. एग्जाम कैसा होगा कैसा जाएगा उस पर आपका कंट्रोल नहीं है. वो छोड़ दो भगवान के ऊपर. आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दो. एंड ट्रस्ट मी गाइज यू आर गोइंग टू बी द सर्वाइवर. यू आर गोइंग टू बी द विनर. यू आर गोइंग टू कॉन्कर द वर्ल्ड. ट्राई टू बी मेंटली वेरी स्ट्रांग. एंड येस यू कैन डू इट. आई नो दैट. ठीक है. तो अगर आज का सेशन जबरदस्त लगा तो अपने खूबसूरत कमेंट से बाढ़ लगा देना कमेंट सेक्शन में. और पक्का पक्का वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के संग. सो दिस इज योर दिव्या मैम फ्रॉम योर MEPL साइनिंग ऑफ. प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन गाइज. थैंक यू. गुड बाय. टेक केयर. लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव.